हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश, या करेंटली परसू इंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हमारे नीट होता है इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। इसके पहले ही हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, इसके पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं, जैसे यूडीएम मोशन इन 1D 2D हम लोग लगा चुके हैं। ये क्वेश्चन भी मैं लगा चुका था, फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा शोर आ गया है। देखो फिर से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, पहला ही क्वेश्चन था। अभी कह रहा कि एस्ट्रोनॉट है जो एक्सीडेंटली अपनी स्पेसशिप से बाहर आ गया है, जिस उस स्पेसशिप की एक्सीलरेशन कितनी थी, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाहर आ गया, कह रहा है कि जैसे वो बाहर आ गया बेचारा, मान लो ऐसे बाहर आ गया, अब यहाँ पे अकेले बचा हुआ है, यहाँ पर ना कोई स्टार है ना कोई ऑब्जेक्ट है, नो स्टार नो ऑब्जेक्ट, कह रहा है ना कोई नियर बाई कुछ भी नहीं है, तो बताओ कि एक्सीलरेशन ऑफ द स्टार क्या होगा। बाबू जब यहाँ पर तुम बाहर निकलोगे तब एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा, जब एफिनिट ही जीरो हो जाएगा तो एक्सीलरेशन नेट क्या होगा, जीरो ही होना है, क्योंकि कोई फोर्स ही लगाने वाला नहीं है, ना कोई स्टार है ना कुछ है, तो 5.1 का जीरो, कुछ है ही नहीं तो क्या भाई, जब कुछ है ही नहीं तो क्या। क्वेश्चन नंबर 5.2 देखो, कह रहा है कि ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड इंटर से हैवी वुडन ब्लॉक। कह रहा है कि एक हमारा ये बुलेट है हमारा, ठीक है बुलेट है, और ये हमारा ये हैवी वुडन ब्लॉक के में जाके से घुस गया, ठीक है, और ये 60 सेंटीमीटर को कवर किया, फिर जाके वहाँ पर रुक गया। कह रहा है एवरेज फोर्स बताओ, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटर। देखो मैंने एक वीडियो बनाने सोचा था रिवर्स टेक्निक मेथड पे, जहाँ पर हम लोग सबसे लास्ट से स्टेप से आते हैं, मतलब लास्ट स्टेप पे जाएंगे, उसके पीछे आएंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे बनाने के लिए, तो मैं बनाऊंगा तुम लोग को किस तारीख को, 10 तारीख तक कंप्लीट करा देता हूँ। 11-12 से मतलब मैं छोटी छोटी चीज़ें मैं तुम्हें जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, मतलब कुछ टेक्निक्स होते हैं, वो तुम्हें बताना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। जैसे देखो मुझे फोर्स निकाला था, मैंने निकाला फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मुझे मास तो दिया एक्सीलरेशन से, ये तो एक्सीलरेशन कहाँ से निकालूंगा, मेरे पास एस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, यानी कि 0.6 मीटर। मेरे पास यू इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है, 90 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास भी दी हुई जीरो, क्योंकि जब जाकर रुकेगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो बताओ। और एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है एक्सीलरेशन निकालना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, जहाँ पे भी जीरो होगा तो यू स्क्वायर इक्वल टू अपन 2a इक्वल टू हो जाएगा s, ये तो होगा, तो एक्सीलरेशन हो जाता है क्या, यू स्क्वायर अपन 2 into s। तो यू स्क्वायर कितना बताओ, 90 × 90 अपन 2 × s कितना है, 0.6 मीटर। अब ये हमारा जो भी आएगा वो हमारा किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, क्यों निगेटिव, क्योंकि रेजिस्टिव है ना, क्योंकि निगेटिव आंसर आना ही है, तो लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये इतना एक्सीलरेशन आ गया, मास निकाल दो, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कितना बताओ, 4 × 10⁻²⁻² मास है, इंटू एक्सीलरेशन कितना बताओ, 90 × 90 अपन 2 × 0.6। दो कैसे कट करता हूँ मैं, 2 × 2 = 4, ठीक है, और ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 10⁻¹, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 90, तो 3 × 9 = 27, यानी कि 2700 × 10⁻²⁻² अपन 10⁻¹, 10⁻¹ ये हो जाएगा 270 न्यूटन, यानी एवरेज फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस में 270 न्यूटन, ये रेजिस्टिव फोर्स होगा, ठीक है। अब इससे आसान क्या क्वेश्चन होगा, अब क्या तुम चाह रहे हो इसको एकदम धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़ के समझाऊँ तुम्हें, अब इतना धीरे तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि देखो अब इसमें क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, तो मैं क्या करूँ बताओ। फोर्स पूछा, एक्सीलरेशन पूछा है, फोर्स करो मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन करो बीस कर पंटू बस। ये देखो इम्पल्स इम्पार्टेड की बात कर रहा है, देखो फिगर इसने, मैंने इसमें फिगर नहीं बनाया, ठीक है, फिगर इसने बनाया नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, फिगर तो है नहीं, चलो फिर बता दूँ। देखो बैट्समैन हिट से बॉल, बैक बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन, देखो बॉलर यहाँ पे था, उसने यहाँ बैट्समैन 3 विकेट थी, यहाँ पे बैट्समैन था, इसने इसको फेंका मास इंटू वेलोसिटी से, तो इसने इसको फिर मार दिया इसी डायरेक्शन में, तो जितने एमबी से मारा उतने, जितने वेलोसिटी इसने फेंका, इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, तो इफ द मास ऑफ बस इतना, डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग द इनिशियल स्पीड, यानी कि तुमने 12 से मारा था इसको, देखो मैं फिर से बनाता हूँ फिगर, रुक जाओ, तुमने इधर अगर 12 से फेंका था 12 मीटर पर सेकंड, तो इधर भी उसने 12 मीटर पर सेकंड रफ्तार से ही मार दिया, मतलब इधर से मारा, दोनों हमारे क्या हो गए, समझ रहे हो ना, तो इंपल्स क्या हो जाएगा, इधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, इधर के डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, तो इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एम फाइनल पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल कितना होगा बताओ, पी फाइनल कितना होगा, माइनस में एम बी और माइनस में इनिशियल एम बी, माइनस में 2 MB इंपल्स हो जाएगा, यानी कि 2 MB हमारा इंपल्स हो जाएगा, क्यों माइनस लिया हूँ, क्योंकि एक प्लस है तो एक माइनस है, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, ठीक है, तो 2 MB हो जाएगा, तो 2 × मास कितना है, 0.15 × वेलोसिटी 4, 12 × 24 × 0.15, इसका आंसर कितना आएगा, 24 दाम है 240 और 120 3.6 न्यूटन सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अब देखो
ये तो हो गया ना इंपल्स। अब देखो 5.5 को मैं अच्छे समझाता हूँ, वही सेम क्वेश्चन। देखो कह रहा है दो आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स हैं, स्ट्राइक कर रजिड बॉल विद द सेम स्पीड बट डिफरेंट एंगल्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड। फिगर नहीं दिया, देखो तीनों केस में बता दे। पहला केस क्या होता है, तुम यहाँ से यहाँ टकराया फिर वापस आ गया, तो एम बी से गया था, एम बी से वापस आया, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2mb, ये ध्यान रखना ठीक। एक केस मैंने क्या बताया था यहाँ पर, देखो अगर एंगल बनाता है तो, एंगल बनाता है तो देखो क्या केस था, सॉरी एंगल तो क्या केस था, देखो अगर टकराया थीटा एंगल बनाया, थीटा एंगल कहाँ से, थीटा एंगल यहाँ से, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाया, तो इसका क्या होता है चेंज इन मोमेंटम क्या होता है 2mb cos थीटा, बताया था ना। और तीसरा केस क्या बन सकता है यहाँ पे, कि यहाँ से टकराया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से थीटा एंगल है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा 2mb sin थीटा। तो ये हमारे पास तीन केसेस बनते हैं, यही यहाँ पे यही पूछ रहा था, फिगर वगैरह बना के दिया तो वो मैंने तुम्हें अलग से समझा दिया ठीक। तो यही तीन केसेस बनते हैं, इधर से गया इधर आया 2mb, इधर से गया इधर आया, बीच वाले हॉरिजॉन्टल एंगल 2mb cos थीटा चेंज होगा मोमेंटम का, और अगर ऊपर से वर्टिकल दे दिया तो 2mb sin थीटा हो जाएगा ठीक। ये देखो फिगर 5.8 हमारे NCERT बना हुआ है, कह रहा है कि मास 6 kg को हमने लटका दिया, तो 6 kg लपटा होगा तो 60 N का फोर्स नीचे लगेगा ठीक। ये फोर्स था 50 N हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, 50 N यहाँ पे लगा हुआ, तो फिगर में दिया हुआ है ठीक है। हमसे कह रहा है व्हाट इज द एंगल अप्रोप, एंगल अप्रोप बता दो, यही टेन थी ये थीटा पूछ रहा है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें और भी चीज़ें समझा रहा हूँ। देखो क्या T2 हमारा 60 N के बराबर होगा, कहोगे बिल्कुल होगा भैया ठीक। क्या हमारा जो 50 N, क्या हमारा जो T1 का दो कंपोनेंट होगा, T1 sin थीटा और ये होगा क्या T1 cos थीटा, तो क्या जो हमारा T1 sin थीटा है 50 के बराबर होगा, कहोगे बिल्कुल होगा भैया बिल्कुल होगा। और क्या T1 cos थीटा हमारा 60 N के बराबर, कहोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि T1 cos थीटा किसके बराबर, T2 के बराबर है, T2 कितना 60 N। तो बताओ क्या मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, 10 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/6 आएगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा 10 inverse 5/6। ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में डाल रहा हूँ, एक बार करके ही जाना। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं लामी थ्योरम मैंने बताया था, लामी थ्योरम से भी इसको कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि लामी थ्योरम ना अप्लाई करना, लामी थ्योरम से अच्छा ही अप्लाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे तुम्हारा कट पीट होकर आंसर मिल जाता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, T1 cos थीटा इसके बराबर हो गया, इसके इसके बराबर, और ये 50 N इसके बराबर हो गया, बस अपना बराबर करके सॉल्व कर लो, बात ही खत्म। तो ये हमारा 5.6 हो गया, 5.6 का आंसर देखते हो, 5.6 का आंसर 10 5 ठीक है। 5.1 डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच द बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। देखो कह रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, ये हमारा ट्रेन है ठीक, इन विच द बॉक्स लाइंग इन द ट्रेन ऑन द फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। मतलब सुनो क्या कह रहा है, वो समझना बात को, कह रहा है कि एक हमारा ट्रेन है ठीक है, ये ट्रेन हमारी, इस पर एक बॉक्स रखा है जिसका μs का वैल्यू कितना दिया है 0.15 है, कह रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन बता दो, ए मैक्सिमम का वैल्यू कितना होता है भाई, μg होता है, ये तो पढ़ाया था मैंने, μg 0.15 × 10 से कितना हो गया 1.5 m/s² 5.7 का 1.5 m/s². क्वेश्चन नंबर 5.8 देखो, एग्जांपल फिगर वगैरह भी दिया, कह रहा है कि मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एट एन एंगल थीटा 50 degrees विद द हॉरिजॉन्टल, 15 degrees के साथ ही जुड़ा हुआ है, कह रहा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो 10 θ इक्वल टू क्या होता है भाई, μs होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 10 θ इक्वल टू 15 degrees, सॉरी μs पूछ रहा है, यानी कि 10 15 degrees इक्वल टू μs, तो 10 μs इक्वल टू क्या होगा बताओ 10 15 degrees होगा, और 10 15 degrees का वैल्यू तुमको नहीं पता है तो बस ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जांपल में तुम्हें दिया होगा, अगर पेपर में देगा तो तुम्हें देगा 10 15 degrees का वैल्यू, परेशान होता क्योंकि मैथमेटिक्स है, तुम्हें नहीं पूछेगा, तो 10 15 degrees देख लेता हूँ भाई, रिस्क नहीं लेना गलत बस ना हो चीज़ें ठीक है। 5.9 ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये होमवर्क तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इस तरह के क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, अभी जब तुम PYQ कर लेना, सारे PYQ करने के बाद फिर इस क्वेश्चन पे आना, तुम्हें खुद से लगाना, इंपॉर्टेंट मैं इसलिए डाला हूँ, इसलिए होमवर्क दिया हूँ क्योंकि ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा ठीक। एक ही चीज़ बताता था ना, चलाने वाला फोर्स मैं रोकने वाला फोर्स, तो चलाने वाला ही है रोकने वाला ही है, वहाँ से तुम एक्सेलरेशन निकाल लेना ठीक है, लेकिन तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क है तुम्हारे लिए, तुम करना ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं करा दूँगा फिर रह जाएगा ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, इक्विलिब्रियम, तुमको भैया 1 2 3 4 5 कहाँ, वो भी मिलेगा तुम्हें इसके बाद मिलेगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, पार्टिकल मूविंग द वेलोसिटी वी इज एक्टेड बाई 3 particles PQR वेक्टर, मतलब 3 forces हैं, तुम्हें दिख रहा होगा कि ए वेक्टर ऐसे जाके क्लॉकवाइज में आ रहा है ठीक है, तो जब भी कभी क्लॉकवाइज वेक्टर आता है तो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है F1 + F2 + F3 = क्या होगा 0 होगा, यानी कि
पूरा एफिनिटी जीरो हो गया तो एनर्ट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हुआ, वेलोसिटी हमारा एक्सेलेरेशन जीरो हुआ, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी 31 का डी वेलोसिटी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि फोर्स जीरो हुआ तो मास इंटू एक्सेलेरेशन जीरो, यानी एक्सेलेरेशन जीरो हो गया। एक्सेलेरेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यही तो होती है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि तीन फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, 1 न्यूटन, 4 न्यूटन, 2 न्यूटन। टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली इन द वाई डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड इज, केवल हमको वाई डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, एक्स डायरेक्शन वाले नहीं चाहिए, तो कितना एडिशनल हमको जोड़ना पड़ेगा। तो भैया जब तुमको एक्स में चाहिए, वाई में ही चाहिए, एक्स में चाहिए नहीं, तो एक्स वाले को कैंसिल आउट कर दो। एक्स वाले में देखो कौन कौन से फोर्सेज हैं, सबको मिला के एक्स को जीरो कर, देखो 1 न्यूटन है तो ये हमारा पहला फोर्स यहाँ पर हो जाएगा 1 cos 60 एक्स में, ठीक। ये 2 न्यूटन है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 30 होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये 30 होगा, तो ये कितना होगा 2 cos 30, कोई दिक्कत नहीं। 4 न्यूटन है, ये 30 है, तो ये कितना होगा 4 sin 30, ठीक। कह रहा है इसको मतलब हमको टोटल जीरो करना है, मतलब ऐसा करो कि कितना एडिशनल फोर्स डाला जाए ये ख़त्म हो जाए, पूरा एक्स वाला पूरा ख़त्म हो जाए, बस ख़त्म कर दो ना। 1 cos 60 प्लस 2 cos 30 प्लस 4 sin 30 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, ये मान लो ये एक्स हमको पूछ रहा है कि कब जीरो हो जाए, तो एक्स इक्वल टू जीरो कर दो, बस सही है ना। नहीं ये माइनस होगा ना भाई, ये माइनस होगा अपोजिट में ना, देखो माइनस 4 sin 30 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक। तो 1 cos 60 cos 60 के वैल्यू sin 30 के बराबर होता है, यानी 1/2 प्लस 2 cos 30 cos 30 के वैल्यू sin 60 के बराबर होती है, यानी 2 × √3/2 माइनस 4 sin 30, यानी कि 4 × 1/2 कितना 1/2 प्लस एक्स का वैल्यू 0, तो 1/2 से 1/2 तो पहले ही खत्म हो गया, 2/2 से खत्म हो गया, एक्स का वैल्यू कितना √3 आ रहा, क्या यार गलती हो गया कहीं पे तो गलती हुआ हमारे साथ, जीरो पॉइंट फाइव आंसर दिया यार। एक बार और करते हैं, देखो एक तो 1 cos 60 सही है, ये 2 है, तो 2 है तो हमको किधर चाहिए, हमको बस चाहिए एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में चाहिए हमको, तो 2 cos 30 लिखो यार, 2 cos ये 60 होगा ना, यहाँ गलती कर रहे हैं, 2 cos 60। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार खुद से भी करना, ठीक है, एक बार खुद से भी करके आना। देखो 1 cos 60 2 cos 60 क्योंकि हमको पूरे एकदम एक्स डायरेक्शन को हटाना है, माइनस में 4 sin 30 बोलो या 4 cos 60 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, तो cos 60 वैल्यू किसके बराबर होता है, sin 30 के बराबर, तो 1/2 प्लस 2 sin 30, cos 60 मतलब 2 sin 30, 0 1/2, तो ये 1 हो जाएगा, अरे 2 × 1/2 तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी 2 हो जाएगा, ये प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, फिर गलत हो रहा है क्या यार, 1/2 - 1 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 1 - 1/2, 0.5 सही है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको रिपीट कर लेना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार इसको एक बार रिपीट करके ही जाना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अभी तक, अब इसके बाद तुम्हें सीरियल नंबर से क्वेश्चन मिल जाएंगे, एलएन के हर जहाँ जहाँ क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, सारे क्वेश्चन तुम्हें इसके बाद ऐड अप कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से करना, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला था उसको एक बार खुद से भी कर लेना, और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, बाकी अब अगले चैप्टर की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक। कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ, सब नीट का क्वेश्चन है, नीट 2014 का। कह रहा है कि देखो चेंज इन मोमेंटम इन पार्टिकल्स ओवर टाइम इंटरवल 0 to 8। कह रहा है देखो एफ टी का ग्राफ दिया है, ठीक है। कह रहा है कि बता दो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होना क्या होता है तुमको, भैया अभी आपने बताया कि चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है। तो एक चीज मैंने तुम्हें बोला था कि जब एफ टी का ग्राफ होगा, एफ टी का ग्राफ होगा तो जो इसका एरिया होगा हमको क्या देगा, इम्पल्स देगा, ठीक है। और इम्पल्स ही हमारा क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो तुम बताओ तुम कैसे लिखाओगे, इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो, इसको A3 मान लो,
कैसे एरिया लिखोगे, ए वन प्लस ए थ्री माइनस ए टू, क्योंकि नेगेटिव एरिया ना, तो ए वन कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है दो है, हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक छः, प्लस ए थ्री का देखो रेक्टेंगल है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होगा बताओ, लेंथ है आठ में से चार दें चार और तीन ये चार थी बारह, चार गुण तीन माइनस ए टू, ए टू कितना है ये है माइनस थ्री ये है दो, तो थ्री इंटू टू, तो दो से दो कट गया, चार प्लस चार थी बारह माइनस छः बारह, बारह न्यूटन सेकेंड, पहले का आंसर होगा बारह न्यूटन सेकेंड। देख लो ऐसी क्या चीज़ है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि यार स्लो करने के चक्कर में वीडियो लेंदी हो जा रही है, फिर तुम ही लोग कहोगे भैया आपने बोला था 5 तारीख तक कंप्लीट कराने के लिए और आपने कराया नहीं, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि जैसे मान लो मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ानी है, तो मैं तुम्हें एक एक दस तरह के 10 क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा, एक ही तरह के 5 क्वेश्चन कराने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 10 तरह के तुम्हें मैं 10 तरह के क्वेश्चन करा दूंगा और उन्हीं 10 टाइप के मैं तुम्हें डीपीपी दूंगा, मतलब उसी में होमवर्क तुम्हें दूंगा, ठीक है, ऐसे सही रहेगा। तो 10 क्वेश्चन यहाँ करा दूंगा, 10 तुम खुद से करोगे 20 क्वेश्चन हो जाएगा एक टॉपिक का, ठीक, बढ़ा भी सकते हैं क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैं कहाँ से लूंगा, अलग अलग जगहों से, तुम्हें हो सकता है 20-30 का डीपीपी दे दूँ, ठीक है। चलो करते हैं, पहले अभी जो कर रहे हैं वो देखते हैं हम लोग, ठीक। तो चेंज इन मोमेंटम पूछा था, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो एफ टी ग्राफ का एरिया होता है वो इंपल्स देता है चेंज इन मोमेंटम, तो क्या निकालोगे ए वन प्लस ए थ्री माइनस ए टू, अभी ऊपर सिखाया हूँ वही क्वेश्चन आ गया 12 न्यूटन सेकंड, ठीक। ये देखो मेंस 2012 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। कह रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच, कह रहा है कि एक हाइट एच है यहाँ से, कि स्टोन को तुमने ड्रॉप किया, स्टोन को ड्रॉप किया मतलब यू इक्वल टू जीरो, ठीक है। सर्टेन मोमेंटम पी, इट हिट्स द ग्राउंड विद सर्टेन मोमेंट, कह रहा है कि जो ग्राउंड को टच करता है उसका मोमेंटम पी था। कह रहा है इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, यानी कि अभी एच था, अब हम लोग कहाँ से उसको गिरा रहे हैं, अब कहाँ से गिरा रहे हैं 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, यानी पहले एच था अब क्या होगा 2h हो गया, ओके एच प्लस 100% ऑफ एच क्या होता है बताओ, एच प्लस 100/500 इंटू एच खत्म हो गया ना, एच प्लस एच इक्वल टू क्या होगा 2h, सिंपल सी बात है, दिख रहा है 1 रुपया था, 1 रुपये का 100 मतलब कह रहा है कि पहले एच पे था, अब 100% बढ़ा दो, कहता 50% बढ़ा दो तो कितना बढ़ाते, एच में 0.5 जोड़ देते एच तो 1.5h हो जाता, कहता कि 200 गुना बढ़ा दो तो एच प्लस 2h कर देते क्या 3h हो जाता, ठीक है। ये तो बेसिक परसेंटेज क्या है, अब 2h से गिराया जा रहा है यूज कर टू जीरो से, तो अब कह रहा है कि मोमेंटम जब वो हिट करेगा मान लो डेल्टा पी डैश, तो कितना वो चेंज हुआ। तो तुम्हें एक चीज मैं तुम्हें सिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है हमेशा रखना, किसी भी चेंज में तुम्हें किसी भी चीज में चेंज पूछा गया तो तुम लिखोगे फाइनल, क्या लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, इसी से हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का पूछे। तो यहाँ पे तुमसे क्या पूछा है, कहोगे भैया यहाँ पे मोमेंटम पूछा है, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तुम कहोगे भैया मास इंटू वेलोसिटी होगा, तो कहोगे भैया वेलोसिटी कहाँ है, तो मैं तुम्हें कहूंगा मुन्ना मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी कि काइनेटिक्स में तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी कि जब भी तुम ऊपर से नीचे आओगे ड्रॉप का केस होगा तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है रूट में 2gh होती है, क्योंकि v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2gh, तो u हमारा 0 हो जाता है, तो v इक्वल टू हो जाती है रूट में 2gh, ये तो होती है, ठीक। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी रूट में 2gh हो जाएगी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी रूट में 2g into 2h हो जाएगी, क्योंकि हाइट 2h है, बस वही कर दो फाइनल, तो वेलोसिटी डायरेक्टली पूछ लो क्या हो गई रूट में एच होगी ना, देखो अरे मुन्ना यहां से देखो ना रुक जाओ, देखो समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रही है ना चीजें, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा तुम्हें नहीं आ रहा है, ये तो समझ गए होगे ना, फाइनल में से इनिशियल अपन इनिशियल 200 करते हैं, फाइनल के लिए कितना लिखोगे वेलोसिटी यहाँ से देखो रूट में 2h, रूट में 2gh हो गई, चलो मैं सीधे कर देता हूँ मैं ये लेता ही नहीं हूँ, तो फाइनल कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गई रूट में 2g into 2h रूट में माइनस इनिशियल कितना है रूट में 2gh अपॉन इनिशियल कितना है रूट में 2gh into 100, ठीक है। देखो रूट 2g कॉमन जब ले लोगे यहाँ से समझे तो रूट 2g सब कट जाएगा, ठीक है, वही यहाँ से डायरेक्टली मैं ले रहा था, तो यहाँ पे बचेगा रूट 2h माइनस रूट में h अपॉन रूट में h इंटू 100, तो रूट एच का रूट टू का वैल्यू कितना होता है 1.41 ये तो होता है इंटू रूट में एच माइनस 1 इंटू रूट में एच, एच के आगे 1 है ना यहाँ पे देखो एच के आगे 1 है अपन रूट में एच इंटू 100,
तो मुन्ना तुम खुद ही बताओ ये कितना आएगा, 0.41 अपॉन अंडर रूट एम एच अपॉन अंडर रूट में एच, ये कट जाएगा इंटू 100, यानी कितना परसेंट आएगा, 41%, कितना आएगा 41%। तो इम्पॉर्टेंट है, कहीं पर तुमसे कुछ भी पूछे, कहीं पर भी तुमसे पूछे परसेंटेज चेंज बता दो, तुम एक ही चीज़ करना, भैया ने सिखाया था क्या, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल 100, कुछ भी पूछे जो भी वैल्यू हो वहाँ पर रखो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल 200 करो, वहाँ से परसेंटेज तुमको निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल क्या था, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे, फाइनल मोमेंटम यहाँ पे कितना था बताओ, मोमेंटम फाइनल यहाँ पे कितना था, एम इंटू रूट में 2gh, एम इंटू रूट में 2gh, यहाँ पे एम था, यही तो था मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता बाबू, मास इंटू वेलोसिटी होती है, मास तो सबका सेम था, इसीलिए मैं लिखा था वेलोसिटी डायरेक्टली परसों रूट मैच होती है, बट मैंने पूरा तुम्हें सॉल्व कर दिया, 41% आ जाएगी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, 41%, ठीक है। चौथा देखो, कह रहा कि एक बॉडी है अंडर द फोर्स, फोर्स कितना बताओ, 6i cap - 8j cap + 10k cap, एसिलेशन है 1 m/s², कह रहा मास बता दो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एसिलेशन, तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, फोर्स अपन एसिलेशन, फोर्स कितना बताओ, यहाँ पे देखो कहीं पे आई कैप जे कैप नहीं लिखा, यानी कि मोड लिखा है, यानी कि मोड लिखा है, मोड कैसे निकालते हो, इसका अगर वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तुमको भाई आपने सिखाया था सीधे रूट में जोड़ देते हैं, 6² + 8² + 10 का स्क्वायर, ये तो होता है, अपन एसिलेशन 1 है तो उतना ही आएगा, तो ये हो जाएगा 36 + 64 + 100, यानी कि रूट में 200, यानी कि 10 × 100 10√2 इसका आंसर आएगा, 10√2 kg, ठीक है। समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूँ यार, पहला क्वेश्चन तो अच्छे समझा दिया था, दूसरा भी समझा दिया अच्छे से, तीसरा क्वेश्चन भी ये था, यहाँ पे फोर्स दिया, मान लो यही, मान लो यही दिया होता कि 1 है, मान लो सीधे दिया होता यहाँ पे 6i cap - 8j cap + 10j cap, तो ये हमारा सीधे आंसर होता था, तो 1 से डिवाइड करो जितना ही आएगा, लेकिन उसने किसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, किसी भी चीज़ का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए मैंने वेक्टर में तुम्हें क्या सिखाया था, मान लो कहीं मैं तुम्हें ये सिखाया था ना तुम्हें कि मान लो कहीं लिखाया कि ai cap + bj cap, तो इसको रूट में कैसे निकालोगे, a² + b² यही तो होता है इसको निकालने का तरीका, मान लो लिखा है ai cap - bj², तो इसको करोगे ना तो a², ठीक है, प्लस में -b² तो -b² जब करोगे तो भी तो प्लस में आता है, इसीलिए मैंने सीधे यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको देखो -8 था ना, ये -8 था लेकिन मैंने सीधे इसको क्या लिखा +8, क्योंकि प्लस ही आएगा वो, -8² करोगे तो -8 × -8 कितना होगा +64 आएगा, इसलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें थी, ये तुम्हें आनी चाहिए, मैं होप कर रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज़ें आती होंगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, ये देखो इतना बड़ा हो गया, टाइम थोड़ा ज़्यादा छोड़ना चाहिए था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, छोटा करते हैं, ये देखो ठीक, ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसको छोटा करूँ क्या, हाँ देखो, कह रहा है कि सैंड इज बींग ड्रॉप्ड ऑन कन्वेयर बेल्ट रेट, यानी कि रेट कितना है, dm/dt कितना बताओ, dm/dt कितना है, m kg/s है। कह रहा था फोर्स नेसेसरी टू कीप द वेल्ट मूविंग द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v m/s, यानी बता दो फोर्स कितना लगेगा जब उसको v m/s हमको रोटेट करना हो, तो तुम्हें मालूम है फोर्स इक्वल टू होता है dp/dt, इक्वल टू तुमको भैया ये तो होता है mb/dt, लेकिन तुमको भैया जब इसका हम dmb/dt करेंगे तो ये होता है, आपने सिखाया कि m dv/dt + v dm/dt, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के अलग अलग, ठीक है। तो तुम कहोगे हाँ भैया ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कहोगे भैया एक चीज़ आप ये बताइए, यहाँ पे तो लिखा है कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी जब लिखा भैया तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा ना भैया, dv/dt तो कांस्टेंट होती है, पूरा खत्म हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, तो हमारा बचेगा क्या, फोर्स इक्वल टू बचेगा v dm/dt, v का वैल्यू v है, dm/dt वैल्यू कैपिटल m है, तो हमारा आंसर क्या होगा, bm N। चीज़ें समझ में आ रही है ना, कैसे लगाए हूँ देख लो, dm/dt दिया एम के जी, फोर्स पूछा है फोर्स करो dp/dt इसका होता है dmb/dt, कह तो तुम कि डायरेक्ट मैं एम मास का वैल्यू रख दूँ और डायरेक्ट मैं भी का वैल्यू रख दूँ, लेकिन तुम एक चीज़ भूल रहे हो कि ये मास नहीं दिया है, ये रेट दिया है, रेट दिया है mass/kg/s, ठीक है, ये भी रेट दिया है वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी दिया है, ये रेट दिया है, रेट मतलब होता है dm/dt, तो dm/dt के लिए तुम्हें फॉर्मूले में तो लाना पड़ेगा ना dm/dt, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो, ये वाला अप्लाई कर लो, क्योंकि mdv/dv होता है प्लस bdm/dt होता है, ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये वाली जीरो हो जाएगी पूरी टर्म, क्योंकि डी एम चेंज होगा ही नहीं कुछ, तो जीरो हो गई, ये वाली बच्चे की bm हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा bm, ठीक है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे अब तक जितने तुमने पढ़े सारे तुम्हारे तारीफ खोल देगा, देखो कैसे, ध्यान से सुनना, कह रहा है ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 3 kg, रेस्ट पे यूज कर तो जीरो है, फोर्स उस पर लग रहा है कितने का, 6t² i cap + 4t j cap, कह रहा है कि वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी बता दो t = 3 सेकंड पे, यही ना है, तो
तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा क्या ऐसा करूँ कि वेलोसिटी के टर्म आ जाए। तुम कहोगे, मैं कहूँगा बाबू तुमको एक चीज़ मालूम होगी, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यहाँ से निकाल लो एक्सीलरेशन, ठीक, और एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है डीवी अपॉन डीटी, तो कर दो इंटीग्रेट, देखो कैसे, फोर्स इक्वल टू था मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स दिया है 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 40 जे कैप, मास कितना दिया है 3 केजी इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 टी जे कैप, यही तो आएगा एक्सीलरेशन, ठीक। अब तुम कहोगे भैया वेलोसिटी कहाँ से निकाले, तो तुमको मालूम है एक्सीलरेशन को क्या दे सकते हो, डीवी अपॉन डीटी, काइनेटिक्स में बता चुका हूँ पहले, तो हो जाएगा 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 टी जे कैप। आपको भैया अब कैसे निकालो, तो मैं कहूँगा बाबू डीटी को इधर ट्रांसफर कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगा ना, भाई डीटी को ट्रांसफर करोगे 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 टी जे कैप इंटू डीटी। तो अभी क्या हो गया बाबू, इंटीग्रेशन हो गया ना, मैंने क्या बोला था x से तुमको वेलोसिटी एक्सीलरेशन, x से वेलोसिटी निकालना तो डिफरेंशिएशन करो, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन डिफरेंशिएशन करो, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेशन करो, वेलोसिटी से x निकालना है तो इंटीग्रेशन करो, ये तो बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है, ये तो बताया था। तो चेक कर लो यहाँ पे, एक्सीलरेशन से तुमको निकालना था वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 टी जे कैप डीटी। तब कैसे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बताओ, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 2t स्क्वायर डीटी हो जाएगा प्लस 4/3 टी डीटी, तो ये कितना हो जाएगा 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 4/3 टी स्क्वायर इंटू 2। बताया था ना बाबू x पावर n होता है तो क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे टी स्क्वायर है इंटू डीटी से कर रहे हो तो टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, टी का क्यूब हो गया अपन जितना एक क्यूब होता है उतना, मतलब एन प्लस वन जितना होता है अपन उससे डिवाइड कर देते हैं, ये 4/3 पहले बाहर रख दो, टी इंटू टी है, टी पे पावर क्या रखोगे एन प्लस वन, तो टी पावर 1 है प्लस 1 रखोगे तो टी पावर 2 अपन नीचे 2, ये हो गया सॉल्व कर लो 2/3। अब देखो कब पूछा है, ये देख लो कब पूछा है, 3 सेकंड पे, 3 सेकंड में मतलब हुआ 3 का वैल्यू पुट कर दो 0 से 3 तक, 3 का वैल्यू पुट करो इसमें, 3 3 9 27 आई कैप प्लस 4/3 3 3 9 अपन 2 जे कैप, सॉल्व करो 3 से कटेगा कितनी बार में 9 बार, यानी कि 18 आई कैप प्लस 3 3 9 4 3 12 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक तुमने काइनेटिक्स वगैरह जो भी पढ़ा था सब रिवाइज हो गया वॉइस से, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करना, एक बार और लिख रहा हूँ इसको, कम से कम 1-2 बार रिपीट करके ही जाना। देखो इसमें कितना घुमा के तुमसे पूछा है, तुमको फोर्स दे दिया, तुमसे वेलोसिटी पूछा, तुम्हारे दिमाग में अब चल रहा होगा कि वेलोसिटी कैसे निकालें, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि वेलोसिटी के लिए हमको पहले एक्सीलरेशन चाहिए। अब एक्सीलरेशन कहाँ से निकालें, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, वहाँ से एक्सीलरेशन निकल गया, अब एक्सीलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो डीवी अपॉन डीटी कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो। बता चुका हूँ यार सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो तुम्हें यहाँ पे मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इसका हो गया, ठीक है, कह रहा क्रिकेटर कैचे से बॉल, मास देखो कितना दिया है 150 ग्राम, तो पहले सो कर लो केजी में, तो 1.5 केजी हो जाएगा, कोई दिक्कत, अरे 150/1000 जीरो खत्म 0.15 हो जाएगा, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं यार साइज को, ये हो जाएगा 0.15 केजी, टाइम ले रहा है 0.1 सेकेंड, वेलोसिटी ले रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, कह रहा है फोर्स बता दो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है मुन्ना, डीपी अपन डीटी, डीपी क्या होता है एमवी अपन टाइम, मास कितना बताओ तो 0.15, वेलोसिटी कितनी है 20, टाइम कितना है 0.1, ये कितना हो जाएगा 1.5 × 20, 15 × 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। सब कुछ दे रहा है यार तुम्हें, तुम खुद ही देखो सब कुछ दे रहा है, तुम्हें एक चीज पड़ी होगी, जब तुम बॉल को रोकते हो ना कैच करते हो तो अगर आगे से रोकोगे तो बॉल हाथ से छटक के बाहर चली जाती है, लेकिन जब तुम पीछे हाथ करके रोकोगे तो उससे क्या होती है मोमेंटम, तुम्हारे पास टाइम बढ़ जाता है, तुम्हारे पास जब टाइम बढ़ता है तो क्या होती है, जब तुम टाइम बढ़ा दोगे फोर्स अपने आप कम लगेगा, तो आराम से इजीली कैच कर लेते हो, ठीक है। तो देख लो क्या क्या पूछा है, फोर्स दिया था, मास दिया है, टाइम दिया, वेलोसिटी दिया है, निकाल लो अपना आंसर, ठीक, तो इसका आंसर होगा, ठीक है ना, ठीक है। कह रहा कि अगर फोर्स ऑन द रॉकेट मूविंग विथ वेलोसिटी, फोर्स दिया कितना 210 न्यूटन, ठीक, और मूविंग विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी उसकी है 300 मीटर पर सेकेंड, कह रहा रेट ऑफ कंबसन बता दो, फोर्स इक्वल टू तुम फिर कहोगे भैया होता है डीपी अपॉन डीटी, इक्वल टू होता है डी एमवी अपॉन डीटी, हमसे भैया पूछ रहा है
कि रेट ऑफ कम्बसन, रेट ऑफ कम्बसन मतलब हुआ डीएम अपन डीटी, पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, कितना मास कितने टाइम में चल रहा है। तो डीएम अपन डीटी क्या हो जाएगी, डीएम अपन डीटी इक्वल हो जाएगी फोर्स अपन वेलोसिटी। फोर्स कितना दिया वो बताइए भैया, मैं कहूँगा 210 न्यूटन, वेलोसिटी दिया है 300 न्यूटन, ये हो जाएगा कितना 7/10 यानी कि 0.7 kg/s, 0.7 kg/s सही है। कुछ करना नहीं है, बस अब मैं डायरेक्ट देखो कैसे भगा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला बता चुका हूँ, तुम्हें बस उसका यूज करना है। ठीक, तो इसका हो गया ना, सही है ना, तो सही है, सही है। चलो कह रहा है कि बुलेट इज फायर फ्रॉम ए गन, द फोर्स ऑन द बुलेट, देखो फोर्स कितना दिया तुम जो कह रहा है वो बस लिखते जाओ, 600 - 2×10^5 t। कह रहा है एफ न्यूटन में टाइम चेंज, द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम जीरो एज सून एज लीव द बैरल। कह रहा है कि फोर्स जीरो हो जा रहा है, बता दो इंपल्स कितना होगा। तो तुम्हें मालूम है कि इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी टी, यही तो होता है इंपल्स। तुम पहले निकालोगे टाइम, टाइम यहाँ पर दिया ही नहीं है, टाइम दिया ही नहीं ना। कह रहा है कि फोर्स, देखो टाइम दिया नहीं है, ये इक्वेशन दे दिया है तुमसे, फोर्स कह रहा है जीरो हो जाएगा, फोर्स को पहले जीरो करो तो हो जाएगा 600 - 2×10^5 t, तो हो जाएगा 600/2×10^5 इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा कितना 300 × 10^5 इक्वल टू टी, टी इक्वल टू हो जाएगा 3×10^-3, इतना सेकेंड उसको टाइम लगेगा। ठीक है, अब पुट कर दो फोर्स कितना दिया है, इंपल्स ही तो गया एफ डॉट डी टी, फोर्स कितना दिया बताओ 600 - 2×10^5 ठीक है टी इंटू डी टी, ये तो होगा ये कितना हो जाएगा 600 × dt, 600 dt - 2×10^5 t इंटू डी टी, इंटीग्रेशन तुमका मालूम है 600 dt का टी ही रह जाएगा ये, क्योंकि क्या है कुछ है ही नहीं ना पावर। ये कितना हो जाएगा कांस्टेंट हो गया ना, ये कितना हो जाएगा 2×10^5 t dt है ना, तो t पे पावर कितना होगा टी इंटू डी टी है, टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कितना, ये देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो तो कुछ है ही नहीं है, टी डी टी हो, टी स्क्वायर डी टी हो, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, एक्स क्यूब डी एक्स हो, तब ना करोगे, सिंपल टी है तो क्या होगा उसका टी हो जाएगा, ये 2×10^5 है तो इसका क्या होगा टी है, टी पावर 1 है तो 1+1/2 तो 1+1/1+1 ही तो होता है, तो हो जाएगा कितना 600 t - 2×10^5 t पे पावर 2, टी का स्क्वायर अपन 2, 202 कर दोगे ये बचेगा कितना 600 t, 600 टी का मतलब कितना हुआ 3×10^-3 माइनस टी स्क्वायर, 10^5 × t का स्क्वायर कितना होता 9×10^-6 हो जाएगा टी का स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 9×10^-1 ठीक, ये कितना होगा 6×3 = 18×10^-1 कितना होगा 9×10^-1 हो गया 0.9 हो गया 0.9 न्यूटन सेकंड 0.9 न्यूटन सेकंड सही है ना, 0.9 न्यूटन सेकंड सही है। चीजें तुम्हें समझ में आ रही है ना मैं क्या कर रहा हूँ, जो कह रहा है मैं बस वही, उसने कहा फोर्स जीरो कर दो, मैंने कहा लो भाई फोर्स जीरो कर दिया, हमको टाइम मिल गया, उसने कहा इंपल्स बता दो, इंपल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाया फोर्स डॉट डी टी, टाइम हमको मिल ही चुका था तो 6 इतना फोर्स था डॉट डी टी, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ता ना, इंपल्स इज इक्वल टू देखो जैसे इंपल्स जैसे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है डी पी बाई डी टी, यानी तुम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो किसको मोमेंटम को, लेकिन जब तुम यही तुम डी पी निकालोगे तो डी टी चल जाएगा तो जाएगा एफ डॉट डी टी, यानी इसको तुम क्या कर रहे हो इंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक है समझ में आया, तो हो गया 600 इतना कर दोगे इसको, तुमको इंटीग्रेशन कई बार सिखा चुका हूँ, 2-3 बार सिखा चुका हूँ, इंटीग्रेशन कर लो 0.9। ठीक, कह रहा कि 5000 किलो का रॉकेट है, ठीक है 5000 किलो का रॉकेट है, तो नीचे कितना लगाएगा वो 5000 g, वो एग्जास्ट स्पीड उसका 800 मीटर, उसकी वेलोसिटी नीचे जो कितनी है 800 मीटर/सेकंड है। कह रहा टू गिव एन इनिशियल पावर, कह रहा कि ऊपर एक्सेलरेशन उसका कितना हो गया 20 मीटर/सेकंड², बता दो कितना थ्रस्ट हमको चाहिए, कितना हमको थ्रस्ट चाहिए। तो मैं तुम्हें बस एक ही चीज पूछूंगा, ऊपर जा रहा तो मैं तुमने कल सिखाया था कितना टेंशन होता है, एमजी प्रेस से होता है, यही हमारा फोर्स होगा, यही हमारा टेंशन होगा, यही तो मैं तुम्हें बताया था। हमसे कह रहा है अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड, इसका मतलब क्या हुआ, तुमसे क्या पूछ रहा है डी अपॉन डी टी, ये तो पूछ रहा है। देखो कह रहा है अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड कितना होगा, तो तुम कहोगे भैया हमको निकालना पड़ेगा डीएम अपन डी टी, हमको निकालना पड़ेगा डीएम अपन डी टी, तो भैया डीएम अपन डी टी कहाँ से निकाला है, तो भैया आपने बताया था कि जब कोई भी चीज ऊपर जाती है तो उसमें टेंशन बोलो या फोर्स बोलो कितना लगता है, mg + a, तो m कितना बताओ 5000 है, kg, g हमारा कितना बताओ 10 है,
एक्सलेशन कितना होता है, 20 है, तो हो जाएगा 5000 गुड़े 30, क्या होगा 5000 गुड़े 30, 5 3 15, 3 1 4, 15 गुड़े 10 और 4, ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। ठीक, अब तुमसे कह रहा डीएम बाई डीटी निकालो, तो ये फोर्स इसके टू क्या होता है, डीपी अपन डीटी, इसका टू फोर्स टू क्या हो जाएगा, एम डीबी अपन डीटी, नहीं नहीं ये डीबी अपन डीटी मत करो, डीपी बाई डीटी इसका टू होता है डी एम बी अपन डीटी, हमको चाहिए डीएम अपन डीटी, तो हो जाएगा बी डीएम अपन डीटी, जो पूछे बस वो लगा दो। ठीक है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन भी तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ देखो उसने पूछा था कि फोर्स कितना होगा, जब ये मास दिया था तो मैंने क्या किया, इस वेलोसिटी वाली टर्म को हटा दिया, बस इधर ही देखा डीएम बाई डीटी, वैसे भी रेस्ट पे था वेलोसिटी कांस्टेंट थी तभी जीरो होना था, नहीं कुछ दिया होगा तभी मैं उसको हटाया था, क्योंकि जितना डाटा है मैं उसी से तो काम करूंगा। तो अगर तुम्हारे पास लिखा होगा, अगर तुम्हें लिखा होगा कि डीएम अपन डीटी निकालो, तो तुम सीधे क्या करोगे, वी डीएम अपन डीटी कर दोगे। अगर लिखा होगा कि डीबी बाई डीटी निकालो, तो तुम क्या लगा दोगे, एम डीबी बाई डीटी लगा दो, सीधे एक ही लगा दो, दोनों से कोई काम ही नहीं, दोनों का एक तो जीरो हो जाएगा अपने। ठीक है, लगा सकते हो जहाँ क्वेश्चन में पूछे, बट यहाँ पे देखो मैंने सीधे क्या कर दिया, बी डीएम बाई डीटी, क्योंकि हमको डीएम बाई डीटी पूछा था, तो यहाँ से फोर्स अपन वेलोसिटी जो हो जाएगी डीएम अपन डीटी हो जाएगी। तो फोर्स कितनी दी बताओ, 15 गुणे 10 पावर 4, वेलोसिटी कितनी दी बताओ, 800, सॉल्व कर दो, 2 0 कितना, 1500 अपन 8, तो ये हो जाएगा 8 एक 8, 1500 बाई 8, रुक जाओ, एक सौ 87.5, ये इसका आंसर हो जाएगा 187.5। जो वो कह रहा है मैं बस वही लगा रहा हूँ। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल मत होना, एक एक क्वेश्चन मैं खुद से करवा रहा हूँ, तुम्हें होमवर्क भी दूंगा, देखो क्या क्वेश्चन होमवर्क भी आ रहा है, बट इजी इजी क्वेश्चन है, मैं सारे तुम्हें करा दे रहा हूँ जो उसने पूछा था, तुम्हें ये इंपॉर्टेंट मैं इसको दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये ना समझ होगा कि क्यों मैंने एम जी प्लस ए किया, क्योंकि एम जी प्लस ए तुम्हें नहीं समझाया, तो कल वाले पुल्ली ब्लॉक वाले पहले एक बार लेक्चर को देख लेना, ठीक है, उसमें समझाऊंगा। यहाँ देखो क्या रहा है, फोर्स दिया है 6 न्यूटन, कह रहा है कि बॉडी है जो रिस्ट पे यू जीरो है, मास उसका 1 kg, कह रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी अटेंस वेलोसिटी, वेलोसिटी उसकी हो गई 30 मीटर पर सेकंड, बता दो टाइम कब तक ऐड करेगा। तुम्हें मालूम है फोर्स इक्वल होता है डीपी अपन डीटी इक्वल टू एम बी अपन डीटी, यानी कि तुम लिख सकते हो कि एम डेल्टा वी अपन डीटी, क्योंकि चेंज मोमेंटम है ना, तो एम वी माइनस यू अपन डीटी, ये तो मैंने तुम्हें सिखाया था। तो फोर्स तुमसे पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, एम वी माइनस यू अपन फोर्स, यू तो हमारा पहले जीरो है, तो एम बी अपन एफ, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला था, एम बी अपन एफ कर दो, मास कितना है 1 kg, वेलोसिटी है 30 अपन 6 6 5 5 सेकंड, 5 सेकंड लगे, 11 का बी 5 सेकंड लगे बस। इससे आसान क्वेश्चन तुम्हें क्या मिलेगा बताओ, डी बी अपन डी टी तुमको मालूम हो गया, एम बी अपन टी होता है चेंज इन मोमेंटम हो गया, एम बी माइनस यू, यू पहले जीरो दिया है, बस बात खत्म। ये दोनों होमवर्क तुम्हारे, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन भी तुम्हें अभी कराया हूँ। ठीक है, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, नीट के 1994 क्वेश्चन, कह रहा है सेटेलाइट फोर्स फ्री स्वीप स्पेस में है, स्वीप मतलब कह रहा है कि सेटेलाइट जो है फोर्स फ्री स्पेस में, फोर्स पहले जीरो कर दो। ठीक, डीएम बाई डी टी दिया है, अल्फा भी कह रहा है कि बता दो एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो फोर्स कर लो क्या होता है बताओ, फोर्स ऑन होता क्या होता है, डी पी अपन डी टी इक्वल टू एम डी बी अपन डी टी प्लस बी डी एम अपन डी टी, बताओ मैं कौन सा लगाऊंगा, क्योंकि डी एम बाई डी टी दिया तो मैं सीधे ये लगाऊंगा डी एम अपन डी टी वाला, तो मैं क्या लिखूंगा, बी डी एम अपन डी टी इक्वल टू फोर्स, फोर्स ही हमारा जीरो हो गया, फोर्स हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया ना, फोर्स हमारा जीरो हो चुका है, फोर्स हमारा जीरो हो चुका ना, ये देखो फोर्स को लो जीरो, हो जाएगा एम डी बी अपन डी टी प्लस बी डी एम अपन डी टी, ये हो जाएगा एम डी बी अपन डी टी इसका टू माइनस में बी डी एम अपन डी टी, डी अपन डी टी दिया है माइनस में बी इंटू अल्फा वी, हो जाएगा माइनस में अल्फा वी स्क्वायर, यानी कि एम डी बी बाई डी टी हो गया माइनस में अल्फा वी स्क्वायर, डी बाई डी टी बोलते हैं क्या तुमको भैया एक्सीलेशन, तो हो जाएगा मास इंटू एक्सीलेशन इसका टू माइनस में अल्फा वी स्क्वायर, तो एक्सीलेशन हो जाएगा माइनस में अल्फा वी स्क्वायर अपन मास, माइनस अल्फा वी स्क्वायर अपन मास। ठीक है, जो उसने बोला मैं वही कर रहा हूँ, बाहर से अपने तरह से मैं कुछ भी नहीं कर रहा, उसको मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल रहा हूँ, एक बार जरूर उसको दोबारा करना। ठीक, देखो कह रहा है इंपल्स बता दो, इंपल्स बता दो, इंपल्स इक्वल टू क्या होता है, तुमको कहोगे भैया इंपल्स फोर्स इक्वल टू होता था डी पी अपन डी टी, इंपल्स इक्वल टू होता है क्या, चेंज इन मोमेंटम,
तुमको भैया फाइनल मोमेंटम एम बी माइनस इनिशियल मोमेंटम एम यू, तो क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम एम बी, एम बी की जगह क्या दिया है एम बी टू दिया है, इनिशियल की जगह एम बी वन दिया है, तो एम बी टू माइनस बी वन ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा एम बी टू माइनस बी वन, ठीक है एम बी टू माइनस बी वन, ठीक। ये तुम्हारा रॉकेट वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, तुम्हारे लिए होमवर्क है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया 60 डिग्री एंगल बना दिया हॉरिजॉन्टल से, कह रहा इंपल्स बता दो, तुम कहोगे भैया इंपल्स का फॉर्मूला होता है क्या, तो फोर्स इक्वल टू होता था डी पी अपन डी टी, ये हमारा इंपल्स होता है, तो इंपल्स इक्वल हो जाएगा फोर्स इंटू डी टी, ठीक है। और इंपल्स तुम फोर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, पूछो भैया क्यों, तो डी पी ही तो हमारा चेंज इन मोमेंटम ही तो इंपल्स है, क्या होता है चेंज इन मोमेंटम ही तो इंपल्स होता है, गंगाधर ही तो शक्तिमान है, शक्तिमान ही तो गंगाधर है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा हमारा इंपल्स होगा। और तुम्हें इसके लिए मैंने बताया था चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा तो 2mb cos 60 डिग्री, 2 इंटू एम इंटू वेलोसिटी है कितनी वी इंटू cos 60 वैल्यू होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, तो cos 60 वैल्यू होता था 1/2, cos 60 का वैल्यू sin 30 के बराबर होता है, 1/2 से 2 से 2 कट गया एम इंटू वी, इसका आंसर हो गया एम इंटू वी, 18 हो जाएगा एम इंटू वी, ठीक। अब देखो कह रहा है कि 0.5 किलो का बाल है मूविंग की स्पीड 12 में स्ट्राइक के हार्ड वेल्डिंग 30 डिग्री विद द वॉल, यानी कि एक इसमें ग्राफ बनाओ डायग्राम बनाओ, कह रहा है कि बॉल आई और उसने 30 डिग्री एंगल बनाया विद द वॉल से और 12 मीटर पर सेकंड रफ्तार से आई, तो 12 मीटर पर सेकंड रफ्तार से वापस भी गई सेम स्पीड से, देखो रख दिया ना सेम स्पीड से और सेम एंगल से, यानी 30 से आई 30 से वापस गई सेम स्पीड से आई सेम स्पीड से गई, कह रहा है अगर बॉल कॉन्टेक्ट में रही 0.25 सेकेंड तो बता दो फोर्स कितना होगा, फोर्स इक्वल टू होता है डी पी अपन डी टी, पहले डी पी निकाल लो, डी पी होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इसके लिए क्या होगा हॉरिजॉन्टल होगा, तो क्या होगा तुमको भैया 2mb साइन थीटा अपन टी, ये तो बताया जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से होगा तो 2mb साइन थीटा, जब यहाँ से होगा हॉरिजॉन्टल से तो 2mb कॉस थीटा, तो तुम कहोगे हाँ भैया सही कह रहे हो, तो मैं सही बोलता हूँ 2 इंटू मास हो जाएगा कितना 0.5 इंटू वेलोसिटी कितनी दी है, वेलोसिटी दी है 12 है, साइन थीटा साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2 अपन टाइम कितना दिया है 0.25 सेकेंड, 2 से 2 खत्म हो गया 0.25 से कटेगा दो बार में, तो 12 दोनों 24 24 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 20 का सी सही है। ये देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया फोर्स कितना लगेगा, तुम कहोगे फोर्स इक्वल टू होता है डी पी अपन डी टी, ये फिर से एंगल बना लिया वाल के साथ, ये हो जाएगा 2mb साइन 60 अपन टाइम 2 × मास है 3 kg का, वेलोसिटी दी है 10 m/s इंटू साइन 60 वैल्यू होता है √3/2, टाइम कितना दिया है 0.2 सेकेंड, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 इंटू √3/0.2, इसको लिख दो 300 √3/2 यानी कि 150 √3, इसका आंसर हो जाएगा 21 का, ये 300 √3, ठीक है। ये देखो हमारे नीट के सारे क्वेश्चन हो गए, अब आ जाओ एलन वाले पे, एलन बाबू पे आ जाओ जरा, तो कह रहे बता दो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम का इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होता है ये एफ नेट होना चाहिए 0, जैसे एफ नेट 0 होगा तो एसिलेशन नेट अपने आप 0 होगा, यानी कि एसिलेशन मस्ट बी इक्वल टू 0, एसिलेशन मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक। बता दो फोर्स कितना एग्जर्टेड होगा, तो ये होगा 2ab² d cos θ, तुम कहोगे भैया आपने लगवाया क्यों नहीं, तो मैं कहूँगा क्यों लगवाऊँ, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ तुम्हें पहले ही बता के रखी हुई है, माइनस में 2ab² cos θ माइनस दिखाता है, तुम इधर लगाओगे तो इधर भी लगेगा, अपोजिट फोर्स लगते हैं, तो 2ab² cos θ हो जाएगा। तो इसका आंसर भी देख लेता हूँ मैं, क्या दिया हुआ है, वही सेम आंसर भी दिया हुआ है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, तुमको भैया कैसे निकाल ले हो, तो फोर्स इक्वल टू तुम्हें मालूम होगा डी पी अपन डी टी, इस केस में डी पी कितना हो तुम्हें भी मालूम है, 2mb cos θ अपन टी होगा, अब तुम्हें मालूम है कि 2mb cos θ अपन टी हो गया, यहाँ से तुम पुट करो एरिया वेलोसिटी जो भी तुमको पुट करना है अपना सारी चीज़ें पुट कर दो, क्या पुट करोगे 2b cos θ अपन dm अपन dt, इसको लिख सकते हो मास इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी मास इंटू वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया इंटू डी कर दो,
यही सारा पुट करके यहाँ पे तुम यहाँ पे इसको आंसर ला दोगे। तो मैं तुम्हें बस एक चीज सजेस्ट करूंगा, तुम इस चीज को याद ना करना, तुम इस चीज को मतलब सॉल्व मत करना, तुम याद रखो, क्योंकि ये तुम्हें बस यही नहीं मिलेगी, ये तुम्हें पावर वाले चैप्टर यानी कि वर्क एनर्जी वाले में भी ये तुम्हें आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हें याद करनी है, क्या करनी है, याद करनी है। क्या होती है 2ab² cos θ, और यहाँ से पूछ लेगा तो तुम क्या लिखोगे, sin θ, ठीक। कह रहा है एक मैन है, रिस्ट पे है, मिडिल पॉन्ड पे, कह रहा है कि एक पॉन्ड है, ठीक है, उसपे उसके अंदर एक आइस है, आइस पे एक आदमी बैठा है। अब कह रहा है कि कैसे वो कौन से न्यूटन्स का लॉ यूज करके शोर तक पहुंचा है, किनारे तक। तो तुम कहोगे भैया एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा मतलब आगे पुश करेगा तो पीछे भागेगा, फिर थोड़ा आगे पुश करेगा फिर पीछे आएगा, फिर थोड़ा आगे करेगा फिर पीछे आएगा, या तो फिर पीछे मारे, पीछे थोड़ा सा पुश करे तो आगे जाएगा, पीछे पुश करे आगे जाएगा, पीछे पुश करे आगे जाएगा, अपने आप न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से वो आगे चला जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है ग्रेवल इज ड्रॉप्ड इनटू ए कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट इतना, यानी कि dm/dt यहाँ पे दे दिलास बाबू 0.5 kg/s, कह रहा है कि एक्स्ट्रा फोर्स बता दो कितना लगेगा उसकी वेलोसिटी को 2 m/s से चलाने के लिए। तो फोर्स इज इक्वल टू, तुम कहो भैया dm/dt होता है, और हमको दिया है dm/dt, मैं सीधे क्या लिखूंगा v dm/dt, या इसको तुम लिख दो m dv/dt, ये तो अपने आप कर देगा, कुछ दिया ही नहीं बाबू, कुछ दिया नहीं, ड्रॉप दे दिया ना, तो इसको dv/dt 0 कर दो, या कुछ भी दिया ही नहीं है, कट मतलब मूविंग विथ वेलोसिटी 2 m/s, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो dv/dt अपने आप 0 हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो। यानी मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, फॉर्मूला तो बेसिक हमारा यही है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, जब कहीं पे बस मास दिया तो मास वाले फॉर्मूले बस इसको यूज करो, इसको हटा दो, इसको कटआउट कर दो, नहीं कटआउट कर पा रहे हो तो क्वेश्चन में देखो हटना ही हटना है, उसको क्वेश्चन में देखो उसको हटना ही हटना है। यहाँ पे क्या लिखा, वेलोसिटी 2 m/s, उसको घुमाना ही घुमाना है, तो जब 2 m/s कांस्टेंट हो गया तो पूरी वेलोसिटी थी 0 आनी ही आनी है, ठीक है, पहले भी 10 था बाद में 10 था तो चेंज क्या हुआ, 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये फोर्स क्या हो जाएगा, vdm/dt, v कितना है बाबू 2 है, dm/dt कितना है 0.5 है, कितना हो गया 1 N, क्या हो गया 1 N हो गया, ठीक। कह रहा है एक्शन रिएक्शन, देखो अगर मैं इसको ऐसे धक्का दूँ इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, आगे के डायरेक्शन में, तो ये पेन भी मुझे उतने ही फोर्स से पीछे के डायरेक्शन में धक्का देगा, ये क्या होता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, एक्ट ऑन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है बाबू, बिल्कुल सही बात है, एक मेरा ये पेन हो गया, एक ही हो गया, मैं ऐसे करके एक ही ऑब्जेक्ट पे थोड़ी एक्शन नहीं सकता बाबू, जैसे मैं इस दीवार को ठेल रहा हूँ, दो ऑब्जेक्ट हुआ, मेरा हाथ हुआ दीवार को, जितने फोर्स से मैं पीछे ठेल रहा हूँ उतने फोर्स से दीवार मुझे पीछे ठेल रहा है, यानी कि मतलब मैंने आगे ठेला तो दीवार ने मुझे पीछे ठेला, तो सिंपल सी बात है, दो डिफरेंट बॉडीज हो गई, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, और मैं 10 N का फोर्स लगाऊंगा तो भी 10 N का फोर्स लगा, ये भी सही है, और रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 से मैं लगाऊंगा 10 से वो रिजल्टेंट 0, यानी कि सारा ऑप्शन सही है इसमें, ठीक। ये फिर वही बाल वाला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। और एक चीज है यहाँ पे, रुक जाओ जरा, ठीक है देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, क्या पूछा है, कुछ पूछा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीज उसने पूछी नहीं है, सिंपल सा पढ़ना है, देख लो उसने क्या पूछा है, कह रहा है कि FT ग्राफ दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि FT ग्राफ दिया हुआ है, और तुमसे कह रहा है लीनियर मोमेंटम बता दो, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो तुम कहोगे भैया एक चीज आपने बताई थी, जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है भैया, इम्पल्स होता है, और आपने एक चीज बोला था कि FT ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमारा क्या देगा, इम्पल्स देगा, तो FT ग्राफ का एरिया देख लो, इसका आंसर 0 होगा, पूछो कैसे, तो मैं कहूँगा मुन्ना ये देखो इतना पॉजिटिव में है, इतना पॉजिटिव में है ना ये पूरा, और उतना देखो इसका आधा इधर निगेटिव में दे दिया, इसका आधा इधर निगेटिव में दे दिया, देखते ही 0 तुम्हें दिख रहा हो, सॉल्व कर क्यों करोगे भाई, अरे मुन्ना इधर इतना तुमने चला 10 रुपये की, 10 रुपये तुमने इधर चला, ठीक है, ये पाँच है, तो 5 यहाँ पे दे दिया तुमको, सॉरी 5 इसने यहाँ दे दिया और 5 इसने यहाँ दे दिया, तो क्या हुआ 10 ऊपर थे 5 + 10 नीचे चले गए, 0 हो गया ना, इम्पल्स 0 हो जाएगा, बस वही लिख रहा हूँ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का कहाँ गया, 25 का 0, 25 का 0, ठीक है।
23 देखो, कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मेटल वेग है यानी मास कितना दिया है 2 kg। मैं सीधे क्वेश्चन पढ़ता हूँ अब, स्टक बाई जेट, जेट से उसको मारा जा रहा है, रेट कितना है डीएम बाई डी टी, क्या दे दिया डीएम बाई डी टी 1 kg/s विथ ए स्पीड ऑफ 5 m/s। जैसे डीएम बाई डी टी तुमने देखा, तुमसे पूछा एक्सेलेशन, तुम पहले फोर्स निकालोगे क्या लिखोगे बी डीएम बाई डी टी, ये भी तो होता है एम डी बी बाई डी टी, लेकिन ये तो अब खत्म हो जाएगा क्योंकि जितना तुम्हें दिया बस उसका यूज करो, 5 m/s से स्पीड है तो बी डी बाई डी टी खत्म होना ही होना है, 5 m/s अभी था, 5 m/s बाद में होगा तो 0 होना ही होना है, ये खत्म होगा तो क्या बचेगा बी कितना है बताओ, 5 है, डी एम डी टी 1 है, फोर्स हमारा हो गया 5, फोर्स कितना हो गया 5, एक्सेलेरेशन पूछ रहा था, एक्सेलेरेशन इक्वल होता है फोर्स अपॉन मास, यानी कि 5 अपॉन मास कितना है 2 kg, तो यानी कि 2.5 हो जाएगा, 2.5 23 का 1 है ना, सही है, कुछ है नहीं भाई बस एक ही फॉर्मूला में लगा रहा हूँ, न्यूटन का सेकंड लॉ, इतना सारा क्वेश्चन तुमने कभी नहीं लगाया वो जितने मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कह रहा है कि एक बाल है जो वेग कर रहा है कितना 10 g हिट से हार्ड सरफेस वर्टिकली विद स्पीड 5 m/s रिबाउंड विद द सेम स्पीड, कह रहा देखो सिंपल सी बात देखो, कह रहा है कि हार्ड सरफेस हो गया ऐसे ग्राउंड मान लो फिर ऊपर गया, मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी इम्पल्स वहां पे क्या हो जाता है mv1 + mv2, ये तो बोला था, या दोनों मास सेम है तो 2mv हो जाता है, ये तो बोला था मैंने, और बाल रिमेंस इन द कॉन्टेक्ट विद सर्फेस फॉर 0.01 एंड टाइम था 0.01, तो उनसे कह रहा फोर्स बता दो, तो फोर्स इज कल होता है डी पी वन डी पी डी टी, डी पी हमारा दिया हुआ कितना 2mv, इम्पल्स तो था डी टी दिया 0.01, 2 × मास था, मास कितना था बताओ 10 g, 10 g को 10 × 10^3 kg कर दो, वेलोसिटी थी 5 अपन डी हो जाएगा 10^-2, तो ये कटेगा 10^-1, ये भी पूरा खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 न्यूटन 24 का 10 न्यूटन। ये तो मैं तुम्हें बता दिया था ना पहले कि जब तुम किसी भी मतलब हार्ड सर्फेस या ग्राउंड पे टकरा के फिर उसी वेलोसिटी ऊपर आएगी तो इम्पल्स mv1 + mv2 हो जाता है, तुम कैसे नहीं समझ में आ रहा, तुम ऐसे कर लो कि इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा p फाइनल माइनस p इनिशियल। रुक जाओ देखो, तुम इधर से इधर आए तो पहले इसकी v वेलोसिटी थी, तुम ऊपर गए v वेलोसिटी, तो मान लो नीचे आ रहे हो तो इसको प्लस मान लो, नीचे आ रहे हो नीचे वेलोसिटी को क्या मानते हो नेगेटिव, नीचे डायरेक्शन में जा रहे हो ना, ये देखो ये आई कैप, ये प्लस जे कैप, ये माइनस जे कैप, तो नीचे माइनस भी ऊपर प्लस भी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, फाइनल मोमेंटम कितना एम बी हुआ माइनस में इनिशियल मोमेंटम कितना माइनस में एम बी, तो कितना होगा 2mv। ये तो मैं सिखा रहा था तुम्हें कि अगर मान लो दूसरी वेलोसिटी होती है, अलग अलग वेलोसिटी होती तो mv1 + mv2 हो जाता, 2mv होता कितना 10 न्यूटन होता है, ठीक है, तो 10 न्यूटन सही है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रेडमार्क क्वेश्चन है, हर एक टेस्ट में तुम्हें दिखा होगा ये क्वेश्चन पूछते हुए, लोग पूछते हैं इस क्वेश्चन को, पता नहीं क्या है इसमें, कह रहा है कि डिस्क है जिसका मास है 1 kg का, ठीक है मास है 1 kg, फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लोट कर रहा है, एयर यानी कि क्यों कैसे फ्लोट कर रहा है कि जब मैं इधर गोली मार रहा हूँ धड़ाधड़ ऐसा रखा हुआ, मैं धड़ाधड़ इधर नीचे से बुलेट फायर कर रहा हूँ, जब यहाँ से मैं बुलेट मार रहा हूँ धड़ाधड़ बुलेट मार रहा हूँ तो इसको नचा दे रही है बुलेट, इसको नचा रही है जो घुमा रही है बुलेट मार रहा हूँ, कह रहा है कि कितना बुलेट एक बार मार रहा हूँ मैं 10 मार रहा हूँ, 1 सेकंड में 10 बुलेट मार रहा हूँ, ठीक है, अगर बुलेट रिबाउंड हो गई सेम स्पीड से तो किस स्पीड से उसको फायर किया गया, ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा फंडा है, ऐसे रखा है मैं इधर से गोली मार रहा हूँ, ये नाच रहा है गोली लग के मेरा फिर वापस आ रहा है, पूछ रहा है बताओ कितना वेलोसिटी से मैं गोली मार रहा हूँ, तुम्हें एक चीज मालूम होगा कि नीचे फोर्स टोटल लग रहा है mg, ऊपर फोर्स लग रहा है कितना, इसे बराबर कर दो फोर्स इज इक्वल टू mg, ऊपर फोर्स कितना लग रहा है चेंज इन मोमेंटम, फोर्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, और मैंने अभी बोला कि कोई भी चीज आप रिबाउंड करती है उसी स्पीड से तो क्या हो जाती है 2mv हो जाती है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी 2mv × mg हो जाएगी, इक्वल टू mg बराबर कर दो, ठीक है, फोर्स इक्वल टू क्या होती है फिर से समझाता हूँ, फोर्स इक्वल टू होती है dp/dt इसका तो mg के बराबर कर दो, dp/dt कितनी है पर सेकंड, मतलब क्या हुआ 1 सेकंड, तो dt तो हमारा 1 सेकंड होगा, तो हो गया क्या dp/1 = mg, dp हमारी हो जाएगी 2mv = mg, तो 2mv क्यों, क्योंकि रिबाउंड कर गई, तो mb से मान लो इधर जा रही थी अब वापस आ गई -mb से, फाइनल -mb कितना हुआ -2mv, 2mv मोड लेके चलते हैं, ठीक है, तो वही मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी तुम्हें 2mv = mass × velocity होगी, अब तुम कहोगे भैया ये कर दूंगा तो मेरा आंसर सही आएगा क्या, मैं कहूँगा बाबू -5 नंबर लेके चले आओगे, क्यों लेके चले आओगे, क्योंकि ये तो एक बुलेट का है, ये तो एक बुलेट का है और तुम 1 सेकंड में कितना बुलेट कर रहे थे, 1 सेकंड में कितना बुलेट कर रहे थे 10 बुलेट, तो 10 से मल्टीप्लाई करो 10 × 2 × mass of bullet कितना है
बताओ 0.05 में वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है वही पूछ रहा है हमसे, और मास ऑफ डिस्क कितना है, मास ऑफ डिस्क कितना है 1 kg है, और जी लगेगा 10, और 10 से 10 बाबू काट दो, वेलोसिटी हो जाएगी 1/2 गुड़े 0.05, यानी कि दोस्त तो 1/2 यानी कि 1/0.25 0.01 कितनी हो रही भाई 98 हो रही है 90 9.8 सही है 2/0.05 कितना होगा 0.1 होगा ना 0.1 यानी कि ऊपर हो जाएगा 10 तो 10 हमारा आंसर होगा 9.8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना ठीक है, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज कर लेना इसको ठीक है। अब तुमको अगर भैया 10 ये तो आ रहा है आपने 9.8 लिया क्योंकि मैंने जी को कितना माना है 10 माना, लेकिन इसने जी को क्या माना 9.8 तभी 9.8 मैंने छोड़ दिया ठीक है। तो बस क्या किया मैंने, जो फोर्स वेट नीचे लग रही थी एमजी उसको मैंने ऊपर से मैंने बैलेंस कर दिया क्योंकि उतना बुलेट हम लोग मार के उसको रोक रहे थे ना, तो उसको हमने बैलेंस कर दिया, उसको हमने बैलेंस कर दिया ठीक है। तो ये हमारी होगी 10 मतलब 9.8 ठीक। ये होमवर्क को तुम्हारे लिए फिर से वही हमारे पास क्वेश्चन आ गया ठीक, तो ये होमवर्क हो गया तुम्हारे लिए ठीक ठीक है। आगे बढ़ो, ये देखो कह रहा है कि ग्राफ गिवन फिगर है द इम्पल्स एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, कह रहा है इम्पल्स बता दो टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बता दो इम्पल्स ठीक है, कहाँ पे यहाँ पे, ये तुम्हें दे दूँ क्या बताओ, ये तुम्हें दे दूँ, चलो तुम करो, लो तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे चाहिए, बाकियों का आंसर मिले या ना मिले इसका आंसर मुझे कमेंट वाले सेक्शन में चाहिए, क्यों, क्योंकि बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, और तगड़ा क्वेश्चन किस बेसिस पे मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा जिसने ना फोर्स और टाइम का दिया ग्राफ ना कुछ का, उसने दिया एक्स और टी का, तो एक्स और टी की जो ये स्लोप आती है वो क्या आती है वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी आती है, और इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो तुम 0 सेकंड पे पहले देख लेना, मतलब 2 सेकंड पे मतलब देख कर उसको चेंज निकालना, तब जाकर तुम्हारा आंसर आएगा, और इसका आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए कमेंट वाले सेक्शन में, लिखना तुम क्या 40 और इसका जो भी आंसर है ए बी सी कुछ मैं आंसर लिख देता हूँ, इसका 40 है, 40 का आंसर है माइनस में 0.2, इसका आंसर होगा 2 ठीक है। लेकिन तुम्हें कैसे करना है तुम देखना और तुम मैनेज करना ठीक। ये क्वेश्चन अभी करा दिया बुलेट वाला ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 देख लो, ये कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था तुम्हें उसी का एक पार्ट है ठीक, फिर भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे करेंगे इसको ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट वाला हो सकता है आज है। वैसे मैं तो बता भी देता हूँ कि एलियन का यूज़ कर रहा हूँ, तो उनको कॉपीराइट नहीं देना चाहिए, बट होते हैं कुछ लोग दे देते हैं ठीक है। चलो देखो कह रहा है कि 10 क्वाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कह रहा था फोर्स ऑन द 6 कॉइन टू 12 कॉइन्स इज टॉप 4 mm डाउन, कल ही बता रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6 के ऊपर कितने हैं 1, 2, 3, 4 तो नीचे कितना लग रहा है 4 mm, कल इसको समझा था तुम्हें 6 due to 7 coin is 4 mm डाउन, द फोर्स ऑन द 6 coin due to 7 गलती हो गया था रिएक्शन और द 6th coin की वजह से अगर नीचे लग रहा 4 mg तो ऊपर रिएक्शन भी लगेगा 4 mg, कल बताया था यानी पहला भी सही दूसरा तीसरा भी सही चौथा देख लो, तो टोटल फोर्स ऑन द 10th coin, 10वें फोर्स पे कितना लग रहा है फोर्स, गलत हो गया बाबू mg बस लग रहा है 10वें पे, mg का मास कितना है m है तो नीचे mg बस लग रहा होगा, इस पर अगर पूछता पहले वाले पे तो इस पर 10 mg लगता, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें कल बता चुका हूँ यार ठीक है, तो इसको बार बार बताने कोई मुझे आवश्यकता नहीं लग रही है क्योंकि कल ये तुम्हें बता चुका था मैं कैसे उसको फोर्स लगाते हैं, तो एक बार इसको देख लेना तुम लोग ठीक है। कह रहा है कि जब स्टोन को हम लोग बांध कैसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो फोर्स नीडेड टू कैसे, कह रहा है कि इस मोमेंटम मतलब देखो पहले एम बी इधर था, अब यहाँ पे आया तो एम बी इधर हुआ, यहाँ पर आया तो एम बी इधर हुआ, यहाँ पर आया तो एम बी इधर हुआ, इस मोमेंटम को चेंज कौन करवा रहा है, इस मोमेंटम को चेंज करवाता है हमारा हैंड थ्रू द स्ट्रिंग, हम लोगों ने उसको घुमा कैसे, जी का कहाँ काम है भाई, जी थोड़ी ना, जी तो नीचे लग रहा है हर जगह लग रहा है, तो ग्रेविटी का तो काम ही नहीं है, तो पहला गलत तीसरा गलत ये भी गलत दूसरा से ठीक, तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा सही। चलो अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11
कह रहा है कि एक रॉकेट ऊपर जा रहा है एक्सेलरेटर मोशन साथ मैन सेटिंग फीलिंग बेस्ट इंग्लिश 5 टेंशन मूवमेंट। देखो कह रहा है कि मैन का पहले मास अगर एम जी था अब मास हो गया 5 mg, इसका मतलब पहले एक्सेलरेशन जी था तो अब क्या हो गया 5g हो गया, यानी कि पहले अब पहले जी था 5g हो गया। कह रहा है कि मास ऑफ रॉकेट इंक्लूडिंग द मास ऑफ मैन इतना, हाउ मच फोर्स द रॉकेट इंजन, रॉकेट इंजन कितना फोर्स लगाएगा भाई, 5g इतना फोर्स लगाएगा ना, 5g मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन मास कितना बताओ, 1×10^4 इंटू 5g 5×10^5 न्यूटन, 5×10^5 न्यूटन, इतना आसान क्वेश्चन था। बस देखो लैंग्वेज को घुमा सकता है वो, देखो सिंपल सी बात क्या है, कह रहा है कि फोर्स बता दो, तुम्हें मालूम फोर्स बता दो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास उसने दे दिया 1×10^4, मेन दिक्कत तुम्हें एक्सेलरेशन की, तो पहले एक्सेलरेशन देखो क्या कह रहा है कि उसका वेट जो है ना 5 गुना इंक्रीज होगा अपने वेट के, तुम्हें मैंने पहले बताया जो ऊपर जाएगा तो टेंशन हो जाएगा एमजी प्लस है, तो तुम्हें दिख रहा है कि जब 5 गुना वेट इंक्रीज हो गया, यानी कि 5 गुना वेट इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन 5 गुना बढ़ गया, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, टेंशन मतलब 5 गुना वेट बढ़ने का मतलब हुआ, 5 गुना उसका वेट बढ़ने का मतलब हुआ एक्सेलरेशन 5 गुना बढ़ गया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पहले जी था अब क्या हो गया 5g हो गया, उसको फुट कर दो तो 5×10^1×10^4 तो 5×10^5 ही इसका आंसर होगा, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, देखो ये पहले भी करा चुका हूँ फिर से कराता हूँ, ठीक है। देखो कह रहा है कि मास है 10 kg का, सस्पेंडेड बाई ए रोप अप लेंथ 4 मीटर, ठीक है, सीलिंग से छत से एक फोर्स ऐसा अप्लाइड किया हॉरिजॉन्टली मिड पॉइंट ऑफ रोप पे सर द टॉप ऑफ द रोप मेक्स एंगल 45 डिग्री वर्टिकल, कह रहा है 45 डिग्री वर्टिकल, यानी कि जो तुम्हारी रोप थी फिगर इमेजिन करो वो ऐसे हो गई है, ठीक है, ऐसे यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना लिया उसने, तो यहाँ पे एक फोर्स उसने लगा दिया है, ठीक है, ताकि हॉरिजॉन्टल हो जाए, और ये वाली है 2 मीटर मिड पॉइंट पे हुई ना, मिड पॉइंट पे लगा रहा ना फोर्स, तो 2 मीटर ये हुई, 2 मीटर ये हुई, और इसके नीचे कितना था 10 kg का था, ठीक है, तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगी, जाहिर सी बात है, तो अगर ये फोर्स है तो ये वाला कंपोनेंट उसका क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसको बताओ, अगर ये फोर्स होगा तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बताओ, ये कंपोनेंट क्या होगा इसका, ये तो हो जाएगा F sin 45 डिग्री, यही तो होगा F sin 45 डिग्री, होगा T sin 45 F sin 45 डिग्री, नहीं F इधर लगा रहा ना, F इधर लगा रहे हो, तो ये हमारा टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन आता है ना, धागे में टेंशन आता है, तो ये कंपोनेंट होगा T sin 45 डिग्री, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा T cos 45 डिग्री, तो तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा जो T cos 45 डिग्री है वो 10g के बराबर, नीचे क्या लगेगा 10g के बराबर है, और जो T sin 45 डिग्री है वो हमारा फोर्स के बराबर है, यही तो है, तो इसका आंसर कितना दिया, सीधे मैं बोल देता हूँ 100 न्यूटन इसका आंसर दिया हुआ है, इसके बाद तुम सॉल्व भी कर लोगे भाई, अब नहीं कर पाओगे, चलो कर देता हूँ, दोनों को जरा डिवाइड करो, तो इसको ये 2 मान लो, इसको 1 मान लो, 2 1 2/1 करो, तो हो जाएगा T sin 45 डिग्री अपन T cos 45 डिग्री इसका टू फोर्स अपन 10g, T से T कट गया, sin 45 cos कितना आ गया 10 45 डिग्री आ गया, इसका टू हो गया फोर्स अपन 10g, इसका 1 होता है, इसका टू फोर्स अपन 10g, तो फोर्स टू कितना आ गया 10g, यानी कि 10×10 कितना हो गया 100 हो गया, इतना सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर कैसे काम चलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 100g, इसका आंसर कितना हो जाएगा 100g हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, कह रहा है कि बुलेट है इसका मास 0.04 kg विथ स्पीड इतना है इंटर हैवी बुलेट स्टॉपेज, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, काइनेटिक्स का भी यूज़ हुआ है इसलिए मैंने तुम्हें इसको होमवर्क, तुम्हें DPP तुम मांग रहे थे ना, DPP यही है तुम्हारा, जो जो होमवर्क दे रहा हूँ वही तुम्हारा DPP है, ठीक है, तुम लोग बोलते हो यार कि भैया आंसर भी दे दिए, तुम लोग आपस में भी तो आंसर डिस्कस कर सकते हो भाई, ग्रुप किस लिए बना, तुम आपस में भी तो आंसर को डिस्कस कर सकते हो, अपना लगा सकते हो, ठीक है, इसका आंसर बोल देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है तुम्हारा 12 न्यूटन इसका 1.2 न्यूटन इसका आंसर होगा, ठीक, ये भी होमवर्क है तुम्हारा, कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये देखो एम्स 2019 का क्वेश्चन है, बताओ ये कराऊँ कि ना कराऊँ, बोलो बोलो कराओ कि ना कराऊँ, बोलो भाई, नहीं कराऊंगा, क्यों नहीं कराऊंगा पूछो, क्योंकि यार पहले ही करा चुका भाई, ये सेम क्वेश्चन अभी कराया था कि फोर्स को जीरो कर दिया था, जहाँ से टाइम निकल गया था उसको इंटीग्रेट कर दिया था, इसलिए नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये जो बुलेट तुम स्टॉप कर रहे हो ना, यही है ये, क्या है मुन्ना, यही है बुलेट स्टॉप, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक, तो होमवर्क वाले क्वेश्चन तुमसे ही करने, ये भी क्वेश्चन सेम है,
बॉलर वाला इनिशियल स्पीड है, इम्पल्स कितना हो रहा है, कितनी बार कराऊँ वो क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि इसका आंसर देख लो, 5.2 और 5.4 का आंसर बोल देता हूँ। 5.2 का आंसर आएगा, 5.2 का आंसर नहीं लिखा हूँ क्या, 5.2 का आंसर नहीं लिखा हूँ, चलो बताओ, कोई जरूरी नहीं है। कह रहा है कि पेबल है जिसका मास 0.05 kg, उसको थ्रोन किया गया वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, ये हमारा पेबल है, ठीक है, पेबल मतलब स्टोन्स को ऊपर फेंका गया, 0.05 kg का है, ऊपर फेंका गया, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है बाबू, ऊपर फेंक रहे हो तो नीचे बस mg तो लगेगा, तो नेट फोर्स कितना हो गया, मास इंटू एक्सीलरेशन, ना कोई मतलब अगर ग्राउंड पे होता तो नॉर्मल रिएक्शन लगता, ना कोई ग्राउंड पे ना कहीं पे है, तो ऊपर फेंक रहे हो तो सिंपल सी बात है, नेट हमारा mg हो जाएगा, तो मास 0.05 जी हो जाएगा, 10 मान लो इसको, तो हो जाएगा क्या 0.5। कह रहा है डाउनवर्ड मोशन, ऊपर जाने पे भी इतना लग रहा है, नीचे जाने पे भाई उतना लगेगा भाई, अपवर्ड का उतना लगेगा तो डाउनवर्ड का भी उतना लगेगा 0.5, क्योंकि उसमें भी बस नीचे जब आएगा फिर उसमें mg लगेगा। कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट मतलब यहाँ पे बाबू, यहाँ पर भी mg ही लगेगा, यानी हर जगह उसका 0.05 ही रहेगा, क्योंकि ना कोई नॉर्मल रिएक्शन कुछ है ही नहीं, तो उतना ही लगेगा, ठीक। ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तुम्हारे नीट में भी अगर पूछा चुका है, कहता है कि जब तुम एक एंड स्ट्रिंग को लेंथ को लेके उसका मास एम है, यहाँ पे कुछ बांध के तुम उसको रोटेट कर रहे हो ना, सर्कल स्पीड भी, कहता है कितना फोर्स लग रहा है, तो बस टी जो फोर्स लगता है उतना ही लगता है, तुमको लगेगा कि टेंशन लगेगा बाहर, नहीं टेंशन लगेगा अंदर और बाहर लगेगा एम बी स्क्वायर अपना सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, ये तुमको अगले सर्कुलर मोशन में पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये टोटल फोर्स नेट टेंशन ही लगता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है रिपीट कर दे तो बस टेंशन ही रखना, ये एम बी स्क्वायर लेवल कटाओगे तो खत्म हो जाओगे, बस टेंशन ही होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5.7, ये देखो वेक्टर का क्वेश्चन, कह रहा है एक फोर्स 8 न्यूटन है, एक फोर्स 6 न्यूटन है, रिजल्टेंट बताओ। रिजल्टेंट क्या होता है, मैंने अभी बताया था ना तुम्हें, रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 64 प्लस 36 कितना होगा, 10 आ जाएगा, यार आर 10 आ गया, बस सब तुम्हें पहले ही करा, 34 का 10 हो जाएगा ना, 5.7 का 10 कहाँ गया, 10, ठीक है, 5.7 का 10। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे जी में पूछा गया था एक बार, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा है ड्राइवर ऑफ थ्री व्हीलर मूविंग द स्पीड, देखो उसकी स्पीड कितनी है, यू कितनी है बताओ, 36 किलोमीटर पर आवर, तुरंत इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, तो 36 गुड़े 5 अपन 18 बताया था ना, 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, या फिर किलोमीटर में 1000 मीटर अपन 36 हो सेकंड, इसको कट कपिट करोगे तो इतना ही आता है, तो 18 दोनों 36 10 मीटर पर सेकंड यू आ गया, ठीक। कह रहा है कि उसने देखा कि उसके ट्रक के आगे मतलब उसके तीन पहिए के आगे एक बच्चा है, बच्चा आ गया है, तो उसने क्या किया, उसने अपने व्हीकल को रेस्ट पिला दिया 4 सेकंड में, ताकि उसका जो बच्चा है वो बच जाए, यानी टाइम लगा उसको 4 सेकंड, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम, 4 सेकंड उसने ब्रेक वर्क मार के उसको रोक दिया, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द व्हीकल, कितना फोर्स एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कितना होगा, मास ऑफ थ्री व्हीलर 400 है, मास ऑफ ड्राइवर 465 है, यानी कि टोटल मास कितना हो गया 465, यही तो होगा, यानी कि कार था 465 kg का, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, उसने 4 सेकंड लेके यहाँ पे रोक दिया, यहाँ पे रोक दिया, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है मास फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो तुमको पहले एक्सीलरेशन निकालना होगा, तो एक्सीलरेशन निकालोगे कैसे, देखो क्या कह दिया, टाइम दिया है, यू दिया है, वी दिया है, वी तो जीरो हो गया ना, रोकेगा तो वी जीरो हो जाएगी, तो वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस एटी, वी जीरो हो जाएगी तो यू इक्वल टू एटी हो जाएगी, ए इक्वल टू हो जाएगी यू बाई टी, यू कितना था बाबू 10 था, टाइम कितना था बाबू 4 था, 2.5 हो गया, यहाँ पुट कर दो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन में, मास है 465 गुणे 2.5, इसका आंसर हो जाएगा 465 गुणे 2.5 कितना हो जाएगा 1162.5, लिख देता हूँ मैं 465 गुणे 2.5, 465 गुणे 2.5 1162.5 न्यूटन, इसका आंसर हो जाएगा। जो पूछे पहले उसको लिख लो, उसने पूछा फोर्स तो मैंने लिखा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, अब मैंने देखा मास एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकाल के मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक। ये सेम क्वेश्चन मुझे 2021 में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कह रहा है कि एक ट्रक है जो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, यू उसका जीरो है, ठीक। कह रहा है एसलेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, यानी एसलेशन उसका हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, से उसने एसलेशन स्टार्ट किया, टीच कर टू 10 सेकंड पे, 10 सेकंड के बाद चलने के बाद उसने एक स्टोन को ड्रॉप किया, एक स्टोन को उसने ड्रॉप कर दिया, ठीक, यूज कर टू जीरो से। तो कह रहा है वेलोसिटी बता दो, एसलेशन बता दो, सब कुछ बता दो। तो मैं तुमसे बस एक चीज़ पूछूंगा, यहाँ पे दो चीज़ें हो गई,
तुम जा रहे हो एक्स डायरेक्शन में, तुमने ड्रॉप किया वाई डायरेक्शन में, तुम जा रहे हो एक्स डायरेक्शन में, तुमने ड्रॉप किया वाई डायरेक्शन में। यानी 2D का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन? 2D का। यानी बस 2D के क्वेश्चन को दो डायरेक्शन फ्लिट कर लो, यानी एक एक्स एक्सिस में क्या क्या चेंज हो रहा है और एक वाई एक्सिस में क्या क्या चेंज हो रहा है, बस इतना लिख लो। तो देखो 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगी, तुमको भैया वी एक्स इक्वल टू होता है यू एक्स प्लस ए टी, ये पहले जीरो था, एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना है 2 है, टाइम कितना 10 यानी 20, यानी कि 10 सेकंड के बाद वो जो स्टोन वगैरह कुछ भी रहा होगा, जो गाड़ी रही वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है यू एक्स में, ठीक है। अब वेलोसिटी वाई निकालोगे तो तुमको भैया ये होता है यू वाई माइनस जी टी, ठीक। तो यू वाई कितना होगा बता दो बाबू, अभी भी तो जीरो था, इनिशियल था जब रेस्ट में था तो अभी भी जीरो था वो, माइनस में 10 गुणे टाइम कितना है 2, कितना यही तो होगा, माइनस में 10 गुणे टाइम कितना है, टीचकल टू 11 सेकंड में पूछ रहा है, तो 10 सेकंड पे उसको ड्रॉप किएगा, 10 सेकंड पे जीरो था तो 11 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी 10 से 11 यानी 1 सेकंड हुआ ना, यही हो जाएगा जी टी माइनस में 10 एक्शन हो 10, माइनस में आने का मतलब नीचे की तरफ, यानी कि बी एक्स था 20 नीचे आया 10, समझ में आया कैसे कर रहा हूँ मैं। पहले मैंने उसका निकाला बी एक्स कंपोनेंट, ठीक है, बी एक्स कंपोनेंट तुम्हें मालूम है क्या होगा, उधर जा रहा है तो बी एक्स कंपोनेंट मतलब दो डायरेक्शन हो ना, तुम ऐसे जा रहे थे तुमने कुछ गिरा दिया, तो तुम वेलोसिटी एक्स में जा रहे हो, तुमने वाई में गिरा दिया, 2D का क्वेश्चन हो गया। तो एक्स वाली सारी चीज़ें एक्स एक्सिस में लिख लो, वाई वाली सारी चीज़ें वाई एक्सिस में लिख लो, तो एक्स में तुम्हें दिख रहा होगा कि यू प्लस ए टी लगाओगे, यू एक्स तो जीरो था रेस्ट में था तो ए टी एक्सलेशन 2 था, 10 हमारा 20 हो गया। अब कह रहा है 11 सेकंड पे एक्सलेशन बताना है, तो बाबू 10 सेकंड पे तो रेस्ट ही पे था तो यू वाई जीरो था, तो टाइम कितना हुआ 10 से 11 सेकंड बीच टाइम कितना हुआ 1 सेकंड का हुआ, तो हमने लिख दिया। अब वी नेट निकालना होता है, वी नेट क्या होता है तुमको भी मालूम, हमको मालूम, बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर क्या लिखोगे, 10 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 400 रूट में 500, रूट में 500 कितना होता है मैं लिख देता हूँ, रूट में 500 का 22.36 न्यूटन, ये इसका आंसर होगा, इतना फोर्स उसको लगेगा, ठीक, इतनी वेलोसिटी निकलेगी, इतनी वेलोसिटी निकलेगी, ये हमारी वेलोसिटी निकलेगी, इतना वेलोसिटी निकलेगी। हमसे कह रहे हैं एक्सेलरेशन बता दो टी इज कर टू 10 सेकंड पे, तो बाबू जब तुम 11 सेकंड की बात कर रहे हो, तुमने जब उसको छोड़ा होगा इस स्टोन को तो नीचे उसके पास जी तो लग रही होगी, एक्सेलरेशन हमारा जी के बराबर हो जाएगा, ठीक। 5.20 ये तुम्हारा होमवर्क है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, ये क्या था बाबू एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, एम माइनस एम इंटू जी अपन एम प्लस एम, टेंशन पूछेगा तो 2mm इंटू जी अपन एम प्लस एम, कल ही सब बता चुका हूँ यार। कह रहा है देखो कह रहा कि स्ट्रिंग है 5.6 kg है 4 kg है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तुम्हें एक चीज़ मैं बताया हूँ एक्सेलरेशन क्या होता है, उसी से लगाऊंगा, चलाने वाला फोर्स बोलना, चलाने वाला फोर्स, ठीक है, माइनस रोकने वाला फोर्स, ये तो होता है अपन टोटल मास, अपन टोटल मास, चलाने वाला फोर्स कौन है ज़्यादा बड़ा कौन है 6, तो नीचे लगेगा क्या 6g, ये चलाने वाला हो गया 6g, इसको रोकने की कोशिश कौन करेगा 4g, तो माइनस 4g क्योंकि 4g लगेगा ना यहाँ पे, 4g नीचे लगेगा, लेकिन ये जब नीचे आएगा तो ये ऊपर अपने आप आएगा, इसको अपोज करना चाहेगा तो 6g माइनस 4g अपन टोटल मास कितना होगा बताओ, 6 और 4 10 kg, तो 6g माइनस 4g कितना होगा 2g अपन 10, यानी 2 × 10 = 10, खत्म हो गया, बचेगा 6g माइनस 4g कितना हुआ, 6g में से 4 जाए 2g, 2 × 10 = 20, 20 / 2, अच्छा g के टर्म में लिखना है तो क्या दिक्कत है, इसको सॉल्व ही मत करो ना, 2g / 10 आया, इसका मतलब क्या हो गया g / 5 आंसर होगा। अब तुम्हें ऊपर ही मैंने बताया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है जी एम माइनस एम अपन एम प्लस एम, ऊपर बताया होना ना, तो जी को रखो जी एम माइनस एम 6 − 4 = 2 अपन एम प्लस एम कितना हुआ 10, फिर भी आ गया जी भाई 5, देख लो दोनों मेथड से देख लो, चलाने वाला फोर्स रोकने वाले फोर्स के बराबर होता है, ठीक। ये कटिंग ऑफ स्ट्रिंग है, इसको अभी मैं करा देता हूँ कटिंग ऑफ स्ट्रिंग को, ठीक। आगे देखो 62 देखो, कह रहा है कि एक ब्लॉक है मास एम है, उसको रखा गया है इंक्लिनेशन पे, वेज यहाँ पे लिया हुआ है, वेज पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है ए का, तो बता दो कि अगर स्टेशनरी रहना चाहता है, अगर स्टेशनरी रहना चाहता है तो एक्सेलरेशन कितना लगेगा, तो मैंने तुम्हें अभी बताया कि अगर स्टेशनरी रहना चाहता तो एक्सेलरेशन लगेगा g10 थीटा, अगर स्लीपिंग होगी या फ्री फॉल करेगा, इसको बोलते हैं नो स्लीपिंग का केस, ठीक है, अगर स्लीपिंग हुई या फ्री फॉल किया या कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ तो वहाँ पर एक्सेलरेशन लगता है g/10 थीटा, बताया था ना अभी, तो वही याद रखोगे तो तुरंत क्वेश्चन होंगे, नहीं तो फंस जाऊँ, ठीक। ये देखो
अब इसको ध्यान से समझना, इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे एक्सटिंग्विशिंग वाले। कह रहा है दो ब्लॉक हैं ए एंड बी, मास 3 mm, मास एम है 3 mm में, इन स्टोरेज स्ट्रिंग है, होल को हमने ऐसे हैंग किया हुआ है, अगर 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 द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, जब स्ट्रिंग को कट कर रहे हो तो क्या होगा? मुन्ना मुझे ये बताओ, ये क्या है? ये स्प्रिंग है, क्या स्प्रिंग है, और ये क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब होता है धागा, ठीक है? तो धागे को कट करोगे तो क्या फर्क आएगा? तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी कि जी 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 जी, ये दोनों ऑप्शन कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि जब नीचे वाले कट करते हो तो ये जी ही आएगा। देखो पूरे को कट करोगे, पहले पूरे को सिस्टम मान लो एक बार, अगर मैं पूरे को सिस्टम मान लूँगा तो कैसे डायग्राम कैसे बनेगा? टोटल कितना लटक रहा है इसके? 4 mm, 3 mm और 4 mm, तो नीचे लगेगा 4 mg, ऊपर लगेगा kx, यानी kx इसके लिए क्या आ गया? 4 mg। ये पहला हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? अगर मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है, अगर मैंने इसको इसको कट कर दिया 3 mm, तो नीचे कितना लगेगा? 3 mg, ऊपर कितना लगेगा? kx, अभी भी kx लगेगा, ठीक है? तो अब ये किधर जाएगी मुझे बस इतना बता दो, ये किधर जाएगी बस मुझे इतना बता दो। जाहिर सी बात है जब तुम उसको कट करोगे तो पहले, जैसे मान लो स्प्रिंग को तुमने देखा होगा, जब स्प्रिंग को ऐसे खींचते हो, छोड़ते हो तो ऊपर भागती हो, छोड़ते हो तो ऊपर भागती हो, तो पहले ये लोड पे था, जैसे लोड हटेगा, जैसे ये नीचे वाला मास हटेगा फिर ऊपर जाएगी, यानी कि किधर जा रही है? ये ऊपर जा रही है, सिंपल सी बात है। तो ऊपर जा रही है तो क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन इसका ऊपर मान लो कुछ भी हो, तो ऊपर जा रही है तो पहले क्या करोगे? kx माइनस 3 mg इसका टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है? 3 mm इंटू एक्सेलरेशन, यही तो होगा। जिधर मोशन होता है उसी में से नीचे वाले घटाते हैं। एफनेट इसका टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एफनेट क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। एफनेट कैसे निकालोगे? ऊपर कभी से बता रहा हूँ कि ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कभी समझा रहा हूँ। तो जब छोड़ोगे तो ऊपर भागेगी, छोड़ोगे तो ऊपर भागेगी, ऊपर भागेगी, सिंपल बात, ऊपर वाला नीचे घटाओगे तो ऊपर kx था माइनस 3 mg, नीचे था इसकल टू 3 mm इंटू एक्सेलरेशन। kx वाली तुमने निकाला था कितना? 4 mg, तो माइनस 3 mg इसकल टू 3 mm, ये हो जाएगा कितना? mg इसकल टू 3 mm, एम से एम खत्म हो जाएगा, एक्सेलरेशन इसकल टू हो जाएगा 0/3। पहला आंसर होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे वाले को देख लो, दूसरा तो मैंने बताई चुका जी होता है उसका, लेकिन देख लो एक बार फिर से, ये एम था, तुमने इसको कट कर दिया तो नीचे ही तो जा रही है, एम जी जाएगी बस, तो एम जी हो जाएगी, रेसलेशन क्या होगी? जी हो जाएगी, ठीक। आगे बढ़ो, ये देखो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये देखो फिर से तुम्हारा वही सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, लेकिन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, एक बैलून जिसका मास एम है, ठीक है, एक बैलून है जिसका मास एम है, ठीक, मास एम है, तुमको भैया लगेगी नीचे एम जी, डाउन जा रही है, डिसेंडिंग डाउन है, उसका एक्सेलरेशन ए है, वो नीचे जा रही है, ठीक है, तो हाउ मच मास, तो बाबू देखो जब बैलून नीचे आती है तो कुछ ना कुछ अपथ्रस्ट लगता है, तुम इक्वेशन बनाने के लिए तुम्हें अपथ्रस्ट को पता होना चाहिए, तो तुम mg में से फोर्स घटाओगे तो मान लो ऊपर लग रहा है फोर्स अपथ्रस्ट, ठीक है, तभी तो इक्वेशन लिखोगे भाई, नहीं तो क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में नीचे mg नीचे क्या लिखोगे? जाहिर सी बात है फोर्स अपथ्रस्ट लग रही होगी, तुम बैलून नीचे छोड़ोगे तो उसके ऊपर भी तो हवा की वजह से अपथ्रस्ट लगेगी ऊपर की तरफ, तो वही लिखा हुआ है, तो बताओ मौसम किधर है? तुमको भैया नीचे, तो मैं क्या कहूंगा? mg में से अपथ्रस्ट को हटा दो, मास कितना है? मास m है इंटू एक्सेलरेशन, इतना। कोई दिक्कत है यहाँ तक बाबू? एक्सेलरेशन भी नीचे है, मोशन नीचे हो रहा है ना, तो नीचे वाले से घटाओ ऊपर वाले को, तो एफनेट कितना होगा? देखो यार एफनेट इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा, एफनेट कितना है यहाँ पे? एफनेट हमारा नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है अपथ्रस्ट, तो कि हम mg में से एफ क्यों घटा रहे हैं? mg में से एफ क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ है, तो पहला इक्वेशन बनाओ। अब दूसरा इक्वेशन देखो क्या बनेगा, देखो अभी भी बैलून वही था, ठीक है, कह रहा है कि हमने कुछ मास को रिमूव कर दिया, यानी पहले m था, अब m माइनस m नॉट हो गया, तो अब जो है ऊपर मूव कर रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन लगा ऊपर होने, अब थ्रस्ट पहले से ऊपर था, एक्सेलरेशन ऊपर होने लगा, नीचे लग रहा था m माइनस m नॉट इंटू जी, तो अब इक्वेशन बताओ क्या होगा, खुद बताओ इक्वेशन क्या होगा, कहोगे भैया एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है तो मैं ऊपर से नीचे घटा दूंगा, तो f माइनस m माइनस m नॉट इंटू जी इसका टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इसका कितना है? m इंटू ए नहीं है, मास कितना हो गया? m माइनस m नॉट हो गया, m माइनस m नॉट इंटू एक्सेलरेशन, यही तो होगा, दोनों को जरा जोड़ दो, तो इक्वेशन वन है इक्वेशन टू है दोनों जोड़ो, तो एम जी माइनस एफ तो यही लिख दो, प्लस एफ माइनस एम जी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम नॉट जी, इतना तो जानते हो ना, और इन दोनों को जोड़ो एम में प्लस एम में माइनस एम नॉट ए, इतना तो पता होगा ना तुम्हें कैसे कर रहा हूँ, अरे लेफ्ट हैंड साइड का इसमें जोड़ दिया, राइट हैंड साइड का राइट हैंड में जोड़ दिया, इसे जोड़ते हैं इक्वेशन को, तो माइनस एफ से प्लस एफ खत्म, एम जी से माइनस एम जी खत्म, क्या बचा?
एम नॉट जी इक्वल टू बचा 2ma माइनस एम नॉट ए, तो एम नॉट जी है एम नॉट ए है, तो लिखोगे एम नॉट जी प्लस एम नॉट ए इक्वल टू 2ma, हमको एम नॉट ए चाहिए, यहाँ पे एम नॉट कॉमन हो गया, ए प्लस जी इक्वल टू हो गया 2ma, तो एम नॉट इक्वल टू क्या हो गया 2ma अपॉन ए प्लस जी, 2ma अपॉन ए प्लस जी, 2ma अपॉन ए प्लस जी। कोई धुआंधार चीजें तो लगा नहीं रहा हूं, जो चीजें हो सकता है क्वेश्चन बहुत तुमने पहले भी लगाई होंगी और तुमसे लग नहीं रही होंगी, तो क्वेश्चन ऐसे ही अप्रोच करते हैं। मैंने तुम्हें एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट बेसिक चीजें मैंने समझा दी है कि कैसे एक्सेलरेशन नीचे होगा, तो एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में से ऊपर वाले फोर्स को घटा देते हैं। इधर देखो एम जी नीचे था, एम जी एफ ऊपर था और एक्सेलरेशन नीचे था, तो पहले वाले केस में मैंने इसको घटा दिया, दूसरे वाले केस में देखो ये ऊपर था ये भी ऊपर था तो मैंने इसको घटा दिया। ये देखो लिफ्ट वाले क्वेश्चन आ गए, कह रहा है कि पर्सन जो है 60 किलो का है, ठीक है लिफ्ट पहले बना देता हूँ मैं, पर्सन है 60 किलो का, कितना है 60 के जी लिफ्ट मास का, लिफ्ट मतलब लिफ्ट का मास कितना है 940 के जी, टोटल मास कितना होगा मुन्ना 1000 के जी, ठीक। लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सीलरेशन, ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कह रहा है टेंशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा, तो ये बताओ एम जी जितना नीचे लगेगा 1000 जी लगेगा ना, मास इंटू जी, उतना ही टेंशन ऊपर लगेगा, लेकिन ऊपर जा रहा तो किस में से किसको घटाओगे, एफनेट इजकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लिखोगे, तो एफनेट कैसे लिखोगे, कहोगे भैया ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन तो ऊपर हमारा टेंशन है, टेंशन से घटा देंगे, टेंशन माइनस 1000 जी इजकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कितना हो गया भैया, मास मास कितना हो गया, तो कहोगे भैया 1000 इंटू एक्सीलरेशन कितना 1 है, तो तुम कहोगे भैया टेंशन इजकल टू हो जाएगा 1000 प्लस 1000 गुणे 10 यानी कि 1000 प्लस 10000 यानी कि 11000 न्यूटन, मैं कहूँगा सही बात है 66 का 11000 न्यूटन सही है, ठीक है ना। अरे ऊपर जा रहा सीधा टेंशन इक्वल टू एम जी प्लस ए लगा दो, नीचे जा रहा है टेंशन इक्वल टू एम जी माइनस ए लगा दो, तुम्हें सारे केसेस पढ़ा चुका हूँ मैं, वो जो कह रहा वो करो, वो बहुत एम जी नीचे लगेगा मुन्ना, एम जी अगर नीचे लगेगा तो जाहिर सी बात है ऊपर लगना है टेंशन को, ठीक। ये देखो कह रहा है थ्री ब्लॉक्स मूविंग विद मास एम टू एम थ्री एम कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, आफ्टर द पावर फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक एम द मासेस मूव फॉरवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास टू एम। तुम कहोगे भैया कह रहा कि नेट फोर्स निकालना है ब्लॉक ऑफ मास टू एम, ब्लॉक ऑफ मास टू एम पे, तब तुम लगे निकालने के एक्सीलरेशन कितना होगा, फोर्स अपन मास होगा, तो तुम कहोगे क्या, कहोगे भैया ये तो आ ही नहीं रहा है, तो मैं कहूँगा कन्हैया मेरा भैया, क्यों, क्योंकि यार तुम्हें देखना पड़ेगा कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो एक्सीलरेशन क्या होती है यार, जीरो होती है ना, एक्सीलरेशन ही जीरो हो गया तो एफनेट क्या होगा, जीरो हो गया यार, बोलो उसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने बोल दिया ना कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड अगर जीरो हो गई, कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो हो गई तो एक्सीलरेशन अपने आप जीरो हो गया, कांस्टेंट होगी ना स्पीड, कांस्टेंट होगी वेलोसिटी, कांस्टेंट होगा एक्सीलरेशन जीरो होता है, बता चुका हूँ। ये ले लो मुन्ना होमवर्क तुम्हारे लिए, जो देखो डीपी भी मत मांगो ना, इसी में होमवर्क तुम्हें 10-15 क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि यार सारे क्वेश्चन इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, फिर मैं जब डीपी खोजता हूँ तो डीपी में क्वेश्चन ही नहीं होता है, ठीक है, तो डीपी भी मत मांगा करो, इसी में कर दिया करो, इसी में जो होमवर्क दे रहा हूँ उसी कर दिया करो, और मुझसे आंसर मांग लिया करो, मैं आंसर दे दिया करूँगा, ठीक। तो ये हमारा 67 होमवर्क का नंबर, अब देखो मैंने बोला था ना मंकी रोप प्रॉब्लम कर लेना, अब देखो उसको कैसे करते हैं, कह रहा है एक मंकी है जिसका मास है 20 के जी, वर्टिकल रोप, ये मान लो हमारी रस्सी है, ठीक, यहाँ पे बाबू मंकी हमारा ऐसे चढ़ रहा है, ठीक है, उसका मास है 20 के जी, तो नीचे लगेगा 20 जी, कह रहा है द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन मास ऑफ 25 के जी सस्पेंडेड, कह रहा है कि रोप तब तक नहीं टूटेगी जब तक 25 के जी का मास उस पर सस्पेंडेड ना हो, यानी कि रोप में टेंशन कितने का है, रोप में टेंशन कितने का बताओ, रोप में कितने का टेंशन है 25 जी का, समझे, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसका आंसर क्या था यार, जीरो था ना, 65 का आंसर जीरो, 65 का आंसर जीरो है, 65 का आंसर जीरो सही है। चलो 70 में क्या होगा, टेंशन कितनी होगी, टेंशन कैसे निकाल दो भाई, ये मान लो रोप है ना हमारा, ठीक है, तो रोप में यहाँ पे टेंशन तुमको निकालना है, तो नीचे जाओगे
टेंशन में क्या होगी, टेंशन अगर कह रहा है तो जितना एमजी मान लो तुमने लगा दिया 20G का, टेंशन तो लग रहा है 25G का, मतलब 25G तक का टेंशन होल्ड कर लेगा, 25 kg है ना, मतलब 25G तक होल्ड कर लेगा, यानी 25G लगा दो ऊपर तो टूटेगा ही नहीं। मान लो 25 था, तुमने भी 25 लगा दिया तो ब्रेकिंग पे आ जाएगा एकदम, तो ये 25 था, तुमने 25.1 kg रख दिया, तुरंत टूट जाएगा रोप, समझे। तो कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि ब्रेकिंग टेंशन उसका इतना है, तो उसका मतलब होता है टेंशन क्या लगती है, टेंशन उतना ही इंटू जी कर दो, तो 25G ऊपर लग रहा है, 20G नीचे लग रहा है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी व्हिच कैन क्लाइंब अप द रोप, क्लाइंब अप द रोप, क्लाइंब अप द रोप, यानी मंकी ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन ऊपर है तो किधर से किधर घटाओगे, एफिनेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एफिनेट कितना होगा, एक 25G माइनस 20G टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास किसका, एक्सेलरेशन किसका चाहिए, एक्सेलरेशन किसका चाहिए, मंकी का, तो मास किसका चाहिए, मंकी का, टेंशन का एक्सेलरेशन तो नहीं पूछ रहा ना, मंकी का पूछ रहा है ना, तो मंकी का एक्सेलरेशन पूछोगे तो मास भी तो मंकी का लिखोगे, तो मास का, मास ऑफ मंकी कितना है, 20 kg इंटू एक्सेलरेशन हमको चाहिए, 25 में से जी क्यों घटाया, 20 क्यों घटाया, क्योंकि टेंशन ऊपर है 25 है और नीचे 20 है, और एक्सेलरेशन मान लो एक्सेलरेशन कहता, अगर कहता कि मंकी नीचे जा रहा है तो हमको 20G में से 25G घटाना पड़ता है, समझे। अभी ऐसा भी क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा जी में से पूछा है, तो 25G में से 20 आ जाए, 5G इंटू 20 इंटू एक्सेलरेशन, 5G का मतलब हो गया 5×10 अपॉन 20 इसका टू एक्सेलरेशन 0.0 खत्म, एक्सेलरेशन हो गया 2.5 m/s² 2.5 m/s², ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 देखो, कह रहा है कि एक आदमी है 80 kg का, पेगिंग स्केल पे है, लिफ्ट में है, ठीक है, चलो बना देते हैं फिगर, ये स्केल है मान लो 80 kg का आदमी है, नीचे लगे 80G, 80 × g वेट यही तो होता है ना, मास इंटू जी, विच इज मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 m, 5 m/s² जा रहा है, रीडिंग कितनी होगी, रीडिंग कितनी होगी मुन्ना, जितना टेंशन होगा उतना ही तो रीडिंग होगा, तो इसके लिए टेंशन का सीधे फॉर्मूला क्या था, mg+ था ऊपर जा रहा था, तो मास कितना है 80 है, जी है, प्लस एक्सीलरेशन कितना है 5 है, 80 × 15 कितना होगा, 15/120 1200 N होगा क्या, 1200 N डायरेक्ट लिख दिया यार मैंने, कितनी बार बताऊं कि ऊपर जाएगा तो टेंशन इज इक्वल टू mg+ हो जाएगा, नीचे जाएगा तो टेंशन इज इक्वल टू mg, मान लो कहता नीचे जा रहा है तो टेंशन हो जाता कितना, mg-a, और जो ये टेंशन आता ना वही रीडिंग होती है, जो टेंशन आता वही तो रीडिंग है, जितना तुम इसके ऊपर टेंशन लगाओगे सॉरी ये तुम्हारा, तुम कभी जिम जाना देखना, वहाँ पे एक वेगिंग मशीन होगी, उसके तुमने अपना पैर रखा 80 kg हो गए, तुमने उसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया ना पैर से, तुरंत उसकी रीडिंग बढ़ जाएगी 100 kg की हो जाएगी, या 95 kg या 90 kg हो जाएगी, क्यों होता है भाई, क्योंकि तुमने जितना तुमने नीचे रिएक्शन दबाया उसको, उतना उसने अपना अर्थ्रस्ट लगाया, उतना उसने अपना नॉर्मल रिएक्शन किया, उतना टेंशन ऊपर किया, तो वही चीज़ है, वो रीडिंग बढ़ जाएगी, रीडिंग बढ़ जाएगी, बता चुका हूँ कई बार। कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास एम है, इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक ऑफ मास एम रखा हुआ है, वेज है, ठीक है, कह रहा है वेज स्लिप ना करे तो कितना फोर्स इस पे लगाएगा, अभी मैंने तुमको बताया था कि mg/cos θ कितना लगा, mg/cos θ, फिर से तुम्हें रिवाइज कराता हूँ, अगर स्लिप ना करे, नो स्लिपिंग हो, तो एक्सेलरेशन होता है g tan θ, अगर स्लिपिंग कर रहा हो, फ्री फॉल हो, कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाए उसमें क्या होता है एक्सेलरेशन, इसका होता है g tan g/tan θ या g cot θ, तीसरी बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बता रहा हूँ, ठीक है सॉरी 74 देखो, कह रहा है मास एम है, फिर से प्लेस किया गया है, कितना मतलब कह रहा है कि रिमेंस रेस्ट, कह रहा है कि वेज जो है रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो रेस्ट पर रहने के लिए एक्सेलरेशन होता है g tan θ, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, किधर लगेगा देख लो, विदाउट फ्रिक्शन वंस द मास इज रिलीज एक्सेलरेशन इज टू बी गिवन टू द वेज सो दैट एम रिमेंस इन रेस्ट, एक्सेलरेशन तुम्हें किधर देना पड़ेगा भाऊ, इधर देना नहीं, इधर देना पड़ेगा लेफ्ट एंड g tan θ, क्यों दे रहे हो भैया एक्सेलरेशन इधर क्यों दे रहे हो, क्योंकि तुम इधर एक्सेलरेशन लगाओगे तो सूडो फोर्स इधर लगेगा ना, तो जी टेन थीटा होता है, यानी कि अगर ये ऐसे होता ना, ऐसे होता, तुम अगर इधर एक्सेलरेशन देते तो उसका एक्सेलरेशन इधर लगता, ठीक, क्योंकि तुम जिधर एक्सेलरेशन दोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है, सूडो फोर्स इक्वल टू सूडो एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का,
तो तुम देख रहे हो इसको रोकना रहेगा, अगर तुमको इसको रोकना है, इस ब्लॉक को यहाँ पर रोकना है, तुमको इस ब्लॉक को रोकना है, तुमको इस ब्लॉक को रोकना है, तो तुम एक्सलेशन तो यहीं से दे रहे होगा, एक्सलेशन जो भी होगा जी साइन थीटा जो भी कॉस थीटा होगा, तो उसके अपोजिट में तुम्हारा क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा, सूडो एक्सलेशन लगेगा, तो इधर लगेगा, यानी कि तुमने दिया इधर तो लगेगा इधर, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू जी टेन थीटा होगा और लेफ्ट में लगेगा, इसका ध्यान रखना ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ तुम्हें दिख रही होगी, ये हर जगह यही चीज़ें लग रही हैं, एक्सलेशन इज इक्वल टू जी टेन थीटा, और कहीं कहीं पे जी जब कहेगा फ्री फॉल हो रहा है, कंटेंट ब्रेक हो रहा है, तो जी अपन टेन थीटा, ठीक कह रहा है। मास अपॉन के जी है सस्पेंडेड बाई ए थ्रेड, मास अपॉन के जी है थ्रेड हमारा 1 kg का मास है, ऊपर उसको 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ले जा रहे हो, एक बार नीचे ले जा रहे हो 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टेंशन, तो इस वाले केस में टेंशन हो जाएगा एम जी प्लस है, इस वाले केस में टेंशन हो जाएगा एम जी माइनस है, इसको टी टू मान लो, इसको टी वन मान लो, कह रहा है टी वन अपन टी टू बता दो, तो एम से एम तो पहले ही कट जाएगा, एम जी प्लस है अपन एम जी माइनस है, ये कट जाएगा, जी कितना होता है 9.8 प्लस 4.9, ये कितना होगा 9.8 माइनस 4.9, ये हो जाएगा कितना, ये बचेगा कितना 4.9, और ये कितना बचेगा 9.8 प्लस 4.9 8 17 9 4 14 14 पॉइंट स्टॉप, तीन बार में 3:1। इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है यार, मतलब देखो ये 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऊपर जा रहा है, अभी मैं बताया ऊपर जा रहा है तो टेंशन क्या होगा एम जी प्लस है, नीचे जा रहा है टेंशन क्या होगा एम जी माइनस है, वही लगाना यहाँ पे। एक्सीलेशन बता दो, चलाने वाला फोर्स क्या है 10g, रोकने वाला फोर्स कितना है 5g, तो 10g माइनस 5g अपन टोटल मास 15, तो कितना होगा 10g माइनस 5g, 5g अपन 15 कितना होगा जी बाई 3 हो जाएगा, क्या चाहिए यार तुम्हें 72 का जी बाई 3 क्या चाहिए तुम्हें, ऐसे नहीं कर पा रहे हो चलाने माइनस रोकने वाले से नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें एक फॉर्मूला मैंने बताया था, जब पुल्ली वाला केस हो तो टेंशन हो जाता है 2 × m × g अपन एम प्लस एम, और एक्सीलेशन हो जाता है कितना एम माइनस एम इंटू जी अपन एम प्लस एम, इसको पुट करो देखो एम कितना है 10g माइनस 5g अपन, यही ना है भैया, यही तो है, देख लो ऐसे कर लो, रुक जाओ, अरे 10 माइनस 5 इंटू जी अपन 10 प्लस 5 15, यानी कि 5g अपन 15 फिर से आ गया जी, वैसे चाहे इससे लगा लो चाहे चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपन टोटल मास लगा लो, बात देखिए 48 नंबर देखो, ये तुम्हारे लिए 71 और होमवर्क है तुम्हारे लिए, 11000 नोटिस का आंसर आएगा, एक बार पहले ही करा चुका हूँ। 48 नंबर देखो, कह रहा है कि दो पर्सन होल्ड कर रहे हैं नेग्लिजिबल वेट टाइटली एट ए सेंस सो दैट इज हॉरिजॉन्टल, एक पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन यहाँ पे, दोनों ने होल्ड किया टाइट को, एक 15 kg का मास यहाँ पे लटका दिया गया, ठीक है, कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल तो रहेगा, जब 15 kg लटकेगा तो ऐसे हो जाएगा ना, ये ऐसे हो जाएगा, तो कह रहा है मिनिमम टेंशन कितना रिक्वायर्ड होता है कम्प्लीटली इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, तो तुम एक चीज़ को याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालना, मिनिमम टेंशन कितना होगा इसको स्ट्रेंथन करने, इनफाइनेटली लार्ज होगा 48 का, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, सॉल्व भी कर सकता हूँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस तुम्हें याद रखना है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है कि दो आदमी थे, दोनों ने रोप पकड़ा, हमने 20 किलो का वजन लगा दिया, थोड़ा सा रोप डाउन हो गया, अब रोप को फिर से खींचने के लिए आपको कितना मिनिमम टेंशन लगाना पड़ेगा, तो तुमको उसको मतलब एकदम स्ट्रेट करने के लिए तो तुमको इनफाइनेटली लार्ज टेंशन लगाना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम टेंशन कितना होगा इनफाइनेटली लार्ज होगा, अपने दिमाग में बिठा के चलना, ठीक, आगे आ जाओ। 49 देखो, कह रहा है एक बॉय मास 40 kg है, एक 40 kg का मास है, वो एक ब्रांच है, ट्री का एक ब्रांच है, ठीक है, तो टेंशन इन द आर्म इज मिनिमम, कह रहा है कि देखो उसने कहा कि ऐसे उसने लटका हुआ है, ये जो है ये जो लड़का था अपने हाथों से, रुक जाओ उसको फिर से बनाता हूँ फिगर अच्छे से, ये लड़का था, इसका पैर है, ठीक है, ये ऐसे लटका हुआ है यहाँ पे ब्रांच को पकड़ के, कह रहा है कि टेंशन उसको मिनिमम का हुआ, सबसे कम उसको ताकत कब लगेगी, सबसे कम उसको ताकत कब लगेगी, मतलब ज्यादा ज्यादा टाइम तक वो कब रुक सकता है, तुम खुद से इमेजिन करो, खुद से इमेजिन करो, जाना जिम में, जो लोग जिम जाते हैं वो कल जाके देखना कैसे इसका आंसर कैसे निकालोगे, तुम जाना जो पुलअप मारने वाली होती है ना लाइन होती है, जो डंडी होती है उसको तुम पकड़ना, एक बार तुम पुलअप कहां से मारना, यहाँ एकदम पास से पकड़ के, ठीक है, पास से पकड़ के उसको लटक जाना, जब तुम पास से पकड़ के उसको लटक जाओ ना, तुम्हें आरामदायक फील होगा, तुम्हें आरामदायक फील होगा, लेकिन जरा तुम ऐसे करके लटकना, तुम ऐसे करके 180 पे 90 पे ऐसे करके लटकना, तुम्हारी दम निकल जाएगी, ठीक है,
तो किसकी वजह से होता है? क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा नीचे की तरफ बहुत ज्यादा वो हो जाता है। तो सबसे कम इसका 0 डिग्री होगा, 49 का होगा 0 डिग्री। यानी कि जब तुम 0 डिग्री उसको पकड़ोगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा सबसे कम टेंशन लगेगा, तुमको दर्द नहीं करेगा तुम्हारा हाथ। लेकिन जैसे तुम 180 पे पकड़ लिए, 90 पे पकड़ लिए, 120 पकड़ लिए, तुम्हारा मतलब हालत खराब हो जाएगा। जो लोग जिम जाते हैं वो लोग करके देखना, दोनों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, दोनों याद रखना। पहला चीज कि रस्सी को फिर से मतलब स्ट्रेंथन करना तो इनफाइनाइट लगेगा, और दूसरा चीज आम से पकड़ना तो 0 डिग्री पकड़ो उसको, ठीक है। कह रहा फाइंड द टेंशन T2 फॉर द सिस्टम इज शोन इन द फिगर। एक चीज बताओ, टेंशन T2 निकालना ना हमको, एक चीज बताओ, सिस्टम बना लो ना, सिस्टम टेंशन T2 हमको यहां से निकलेगा। तो T2 में कितना मास है पहले इतना देख लो, T2 के नीचे कितना मास है ये देखो, बस कितना मास है बताओ, खुद ही देखो कितना मास है भैया, 2-3-5 kg। तो इस डायग्राम को तुम फिर से ऐसे बना सकते हो, ये T1 1 kg, ठीक है, और ये हमारा T2, और मास कितना रहेगा 5 kg, 3 और 2 5 kg। तो बताओ T2 पे कितना है, T2 पे कितना है 50 का 3, T2 पे कितना दिख रहा है भैया, खुद ही बताओ भाई, T2 पे पूछ रहा है ना, तो T2 के नीचे कितना मास है, टोटल मास के वजह से नीचे जाएगा ना वो T2। T1 पे पूछेगा, अगर T1 पे पूछता ना तो T1 पे पूछता तो 3 1 2 3, T1 पूछता 2-3-5-1-6 newton। ये कब होगा, T1 पे अगर पूछेगा, क्योंकि T1 के नीचे कितने मास है, 1 kg भी है, 2 kg भी है, 3 kg भी है, तो पूरा एक सिस्टम बन जाता। तो इसका फिगर कैसे बन जाता अगर T1 पूछता, तो T1 और मास हो जाता 2-3-5-6 kg। T2 में पूछा तो बस हमने इन दोनों का सिस्टम मान लिया, इन दोनों का सिस्टम मान लिया और निकाल दिया 2-3-5 kg, तो नीचे क्या हो जाएगा 5g newton लगेगा। जितना 5g नीचे लगेगा उतना ही हमारा T2 होगा, T2 हमारा हो जाएगा 5g newton। बस सिंपल सी बात है। तो कितना हुआ, कहाँ गया 5g newton होगा ना, आंसर मिला लेता हूँ पहले। सही है, ठीक है, सही है। जीएमएस 2022 का क्वेश्चन, देखो अभी हाल में आया था, समझना बस। M2 है, कह रहा कि मास 5 है 3 kg, मास M1 है ये 5 kg है, M2 है 3 kg है, ठीक। कह रहा कि कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर स्मूथ, जो टेंशन यहाँ पर होगा बाबू वही टेंशन यहाँ पर होगा, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगा। फिगर द सिस्टम रेस्ट पे है, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द इंक्लाइन प्लेन ऑफ द बॉडी मास M1। देखो कह रहा सिस्टम रेस्ट पे है, कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। सिस्टम रेस्ट पे होने का मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्स बराबर हैं, इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा बताओ, M2g, यानी कि 3g फोर्स इधर लग रहा होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर कितना फोर्स लग रहा होगा बताओ, इधर नीचे कितने से जा रहा होगा, M1g sin θ, यही तो होगा भाई, यही तो होगा मुन्ना, M1g sin θ। तुम्हें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, तुम्हें फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये जो डायग्राम मैंने बनाया था उसी लिए बना, देखो यहाँ पे क्या लग रहा है MG sin θ, यानी इसको चलाने का काम यही करेगा MG sin θ ही करेगा, इसको चलाने का काम MG sin θ ही करेगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जे मेंस का है और तुम्हारा दिमाग भी खोल देगा ये, ठीक है। देखो तो 3G क्या हो जाएगा, M1G, यानी कि 5G sin θ, तो G से G खत्म हो जाएगा, तो sin θ यहाँ से क्या आ गया 3/5, यही आया ना। हमसे कह रहा है फोर्स बता दो, फोर्स बता दो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू बताओ क्या होता है, बताओ यार फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स कैसे निकालोगे बताओ। फोर्स एग्जर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द बॉडी ऑफ मास M1 विल बी, M1 पे कितना फोर्स लगाएगा, तो M1 पे कितना फोर्स लगाएगा, M1 पे कितना फोर्स लगाएगा। तुम कहोगे भैया एक चीज हमें दिख रहा होगा कि इधर लगेगा, यहाँ लगेगा mg, तो ये थीटा है, ये भी होगा थीटा, इधर लगेगा क्या mg cos θ, तभी यहाँ पे लगता था mg sin θ। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो किसके बराबर होगी, mg cos θ के बराबर होगी। m का वैल्यू है 5, g के जगह 0 रखो, cos θ क्या होगा, अगर sin θ 3/5 है तो साइन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बद्री, तो साइन cos 10, sin थीटा मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है 3, हाइपोटेनियस है 5, तो जाहिर सी बात है कितना होगा 4 होगा। cos थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस इसके सामने वाला था परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, यानी cos थीटा क्या हो जाएगा 4/5, 4/5, 5 से 5 कटेगा,
4 इंटू जी 40 न्यूटन इसका आंसर होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कम से कम दो बार रिवाइज करना, ठीक है। पहली चीज, कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि ट्राइगोनोमेट्री कैसे सॉल्व करते हैं, तो ट्राइगोनोमेट्री ऐसे सॉल्व करते हैं, साइन कॉस टेन का वैल्यू क्या होता है, साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बद्री, ठीक है। तो साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा का बेस अपन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपन बेस। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, उसके नीचे वाला बेस होता है। थीटा के सामने 3 है, तो साइन थीटा 3/5 है ना, इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, तो परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूस 5। अब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 5 स्क्वायर इक्वल होता है 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूस है ना ये, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू क्या, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 यानी 16, इसका हो जाएगा 4, वही मैंने 4 डायरेक्ट लिख दिया। तो कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूस, तो बेस हो गया 4, हाइपोटेन्यूस का 5, 4/5। और यहाँ से तुम्हें दिख ही गया होगा सिंपल सी बात, ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो चलाने वाला तो हमेशा ही होगा m1g sin थीटा। अगर ये थीटा हो गया, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर तुम इसको कंपोनेंट में तोड़ोगे तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, ये m1g अगर है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाली कंपोनेंट m1g cos थीटा होगा, और इधर वाली क्या होगी, m1g sin थीटा होगी। ये कंपोनेंट तोड़ना जान रहे हो ना, थीटा जिसके पास होता है वो कॉस थीटा होता है, थीटा जिसके दूर होता है वो साइन थीटा होता है, तो एम ओन जी कॉस थीटा तुम्हें दिख रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन या फोर्स के बराबर है, तो एम ओन जी कॉस थीटा, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे दिख गया ना, तो तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक ठीक है। ठीक ठीक है ना, तो 40 न्यूटन इसका आंसर होगा, 40 न्यूटन इसका आंसर होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, जो पूछ रहा है वही लगाना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक। तो 31 हो गया, दो बार कम से कम रिवीजन कर लेना इसका। अब देखो 75 नंबर, मैंने बोला था ना कि और अच्छा क्वेश्चन आएगा मंकी वाले का, तो देख लो मंकी वाले का एक और अच्छा क्वेश्चन कह रहा, मंकी डिसेंडिंग मतलब नीचे उतर रहा है, यानी ये हमारा ट्री है, ठीक है। तो मंकी भाई साहब अपनी पूंछ को लटकाते हुए नीचे आ रहे हैं, यानी एसलेशन का कोई भी मतलब मोशन नीचे हो रहा है। अगर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 75% ऑफ द वेट ऑफ मंकी है, ठीक है, तो मान लो मंकी का मास अगर m है, तो मंकी पे लग रहा होगा नीचे mg, ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब टेंशन कितना है 75% ऑफ mg, यानी कि 75/100 ऑफ mg, यानी कि 3/4 mg, यानी कि सिंपल से बात है mg से बेचारा नीचे आ रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है 3/4 mg, और मोशन भी नीचे हो रहा है। तो तुमसे पूछूंगा ये एफ नेट बता दो मुन्ना क्या होगा, तुम कहोगे भैया क्योंकि मोशन नीचे है तो mg में से घटाएंगे, mg माइनस 3/4 mg हो जाएगा मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास भी मंकी का और एक्सेलेरेशन भी मंकी का। तो कहोगे 4mg माइनस 3mg हो जाएगा mg बाई 4 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो ये कट जाएगा, एक्सेलेरेशन हो जाएगा g बाई 4। 75 का आंसर देख लेता हूँ, 75 का आंसर हो जाएगा mg बाई जी बाई 4, ठीक। ये तुम्हारे लिए फिर से स्केल वाला क्वेश्चन आ गया, तुम्हारे लिए होमवर्क है, देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, जितने मंकी वाले प्रॉब्लम है वो सारे अच्छे क्वेश्चन, हो सकता है एज इट इज रिपीट हो जाए, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि दो पुल्ली हैं, स्ट्रिंग इन द फिगर है, ऐसे एम एट एम है, इनविजिबल मास है, फॉर द सिस्टम टू रिमेन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा, अगर इक्विलिब्रियम रखना है तो एंगल कितना होगा, तो ये बताओ। ये हमारा अगर m है तो यहाँ पर भी टी होगा, यहाँ पर भी टेंशन टी होगा, यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा, तो अगर ये टी है तो ये क्या होगा, टी कॉस थीटा, इधर क्या होगा, टी साइन थीटा, कहोगे ना, तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ फिर से, ये थीटा है, टी है, ये टी है, तो ये टी है तो ये हमारा हो जाएगा टी कॉस थीटा, इसके वजह से भी क्या होगा, टी कॉस थीटा इधर होगा, और ये थीटा तो ये भी थीटा, मगर ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, ये क्या होगा, टी साइन थीटा, तुम्हें दिख रहा होगा टी साइन थीटा इधर है, इधर कट गया दोनों, तो ये नीचे तुम्हारी मास थी कितनी की थी, रूट 2m की, तो 2t cos थीटा किसके बराबर हो गया, रूट में 2 इंटू एम इंटू जी के बराबर हो गया, सिंपल सी बात है। तो बस cos थीटा तुमसे पूछा है, सॉल्व कर दो। टेंशन कितना है बताओ, टेंशन का वैल्यू कितना रखोगे, अरे बाबू mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर, टेंशन इक्वल टू mg, 2mg cos थीटा इक्वल टू रूट 2 mg, mg से mg काट दो, cos थीटा इक्वल टू रूट 2 अपॉन 2, इसको कर दो रूट 2 इंटू रूट 2, अपन नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो रूट 2 से, तो जाएगा 2 अपॉन 2 रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, 45 डिग्री आंसर होगा इसका। थीटा वैल्यू 1 कॉस थीटा वैल्यू 1 बाई रूट 2 का मतलब होता है 45 डिग्री, साइन थीटा वैल्यू 45 डिग्री, ठीक। तो इसको भी अच्छे क्वेश्चन में डाल रहा हूँ मैं, और मैं तुम्हें फिर से समझा देता हूँ, बार बार समझा रहा हूँ यार, नहीं तो इतना टाइम मुझे लगता नहीं है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, मैं तो अगर मैं ये मान के चलूँ तो मैं आता तो मैं तो फिर तुरंत उड़ा दूँ इसको। देखो अगर ये टेंशन, ये टी होगा, ये टी होगी, अगर एक धागा है तो उसमें टेंशन सेम होगा हर जगह। इधर टेंशन होगा, टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, एम जी, क्योंकि टी इक्वल टू एम जी होगा। यहाँ भी टेंशन की वैल्यू क्या होगी, एम जी होगी, टी इक्वल टू एम जी। यहाँ तो समझ में आ रहा है, ये टी है तो ये भी टी है, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये टी है तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर टी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट टी साइन थीटा, ये थीटा तो इसका भी एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा, नहीं ऊपर हो गया टू टी कॉस थीटा, इधर वाला तो कट गया पूरा, टी साइन थीटा तीन साइन थीटा, लेफ्ट और राइट में चला गया ना, तो नीचे किसको बैलेंस कर रहा है, वो रूट में टू एम इन टू जी को बैलेंस कर रहा है, यानी ऊपर टेंशन नीचे एम जी को बैलेंस कर रहा है, तो वही मैंने लिख दिया टू टी कॉस थीटा रूट टू एम जी। यहाँ से टेंशन का एम जी बढ़ दिया, यहाँ से हमारा 45 डिग्री आ गया बस। देखो कह रहा है 10 एक रुपए के सिक्के हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हुए ना, ठीक। कह रहा है कि सबका मास एम है, मान लो सबका मास एम है, ठीक। कह रहा है कि द फोर्थ ऑन द सेवंथ कॉइन, नीचे से सातवें कॉइन पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस सातवें कॉइन पे कितना फोर्स लगेगा। तुम कहोगे भैया सातवें कॉइन पे फोर्स लगेगा भैया 7mg, तुरंत कहोगे 7mg, मैं कहूँगा -5 लेके चले आना। कह रहा है कि सातवें कॉइन पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन द टॉप, ऊपर वाले कॉइन्स की वजह से। तो ऊपर कितने कॉइन है, तो कहोगे भैया 1, 2, 3 कॉइन है, तो ऊपर की वजह से नीचे लगेगा कितना, 3mg, तीन कॉइन है ना, एक का एम है, एम जी है, तो तीन का 3mg होगा, तो 3mg लगेगा, 7mg नहीं लगेगा, 7mg नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3, इसका आंसर कितना होगा 3mg होगा, ठीक, समझ में आ गया ना, 7mg नहीं लगेगा, वो ऊपर वाले से पूछ रहे हैं, ऊपर वाला कितना फोर्स लगा रहा है, ऊपर जितना मास होगा उतना लगाएगा। ये क्वेश्चन देखो, अभी मैं तुमको लामी थ्योरम बताया था ना, लामी थ्योरम मैंने बोला था, लामी थ्योरम ए अपान साइन अल्फा, बी अपान साइन बीटा, सी अपान साइन गामा, ये हमारा लामी थ्योरम होता है। इससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इससे भी आसान तरीका, इससे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत दब हार्ड हो जाए तो इससे लगा लो। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ए मास ऑफ 6 kg है सस्पेंडेड, यानी 6 kg है, यानी 6g, यानी 60 न्यूटन दे दिया है, 2 मीटर इसका, 1 मीटर लेंथ इसका है, 1 मीटर इसका लेंथ है, स्ट्रिंग का लेंथ है 2 मीटर, नहीं 1 मीटर यहाँ दिया, 1 मीटर यहाँ, 2 मीटर, 50 न्यूटन फोर्स यहाँ लग रहा है। कह रहा है एंगल बिटवीन ये थीटा, बस बता दो हमको थीटा बता दो, तो मैं तुमसे बस एक ही चीज़ कहूँगा, एक ही चीज़ मैं तुमसे पूछूंगा ही, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, वो T1 cos थीटा होगा, तो क्या T1 cos थीटा हमारा 60 के बराबर नहीं है। देखो T1 cos थीटा 60 के बराबर है, और ये क्या होगा बाबू, T1 तुमको भैया T1 sin थीटा, क्योंकि थीटा दूर है, तो क्या T1 sin थीटा 50 के बराबर नहीं है, मुझे बस इतना बताओ। इसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल सा देखो ना, T1 cos थीटा ऊपर वाला T2 के बराबर है, T2 कितना है 60 है, तो T1 cos थीटा 60 और T1 sin थीटा हमारा 50 के बराबर है, तो बस तुम क्या कर दो, T1 sin थीटा अपन T2 cos थीटा इसका टू क्या होगा 50 अपन 60, ये T1 बराबर है ना, तो खत्म हो जाएगा, तो sin अपन cos होता है 10 थीटा इसका टू 50 अपन 60, थीटा इसका टू क्या हो जाएगा 10 inverse 5/6। इतना आसान सा क्वेश्चन था, तुम लोग देख के डर जाओगे, अरे यार क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया, अरे भाई क्या पूछ लिया, तुमसे सिंपल कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, क्या है हलवा तो है यार, 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद लगाना है। तो आंसर मैं देख लेता हूँ इसका, हाँ सही है 10 inverse 5/6, ये तुम्हें करना है। ये देखो फिर से कह रहा है एक्सेलेरेशन है 2 मीटर, यानी एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड जा रहा है 2 मीटर पर सेंट स्क्वायर से। कह रहा है फोर्स एग्जर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी, ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे कितना लगाएगा, नीचे जा रहा है एम जी माइनस एम ए लगाएगा, एम जी माइनस ए लगाएगा, मास कितना था बताओ 0.5 था, जी कितना था, जी को जी रखो 10 रखो 10 - 2 0.5 × 8 कितना होगा 8×45 4 न्यूटन लगाएगा, 67 का 4 क्या लगा दिया भाई मैंने, अरे यार लिखा ही नहीं हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा यार, एम जी नीचे जा रहा ना, टेंशन मास तो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये, एम जी माइनस एम ए का नॉर्मल रिएक्शन। एक काम करना, ये तुम होमवर्क ले लो ना, इसका आंसर लिखा नहीं हो अभी, मैं फिर सोचूंगा तुरंत कैलकुलेट कर दूंगा, कोई दिक्कत होगी नहीं मुझे, बट तुम करना ठीक है, एक बार मिलाना एक बार, क्योंकि इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है, 7 न्यूटन आ गया, 7 न्यूटन तो है ही नहीं इसमें,
सेवन न्यूटन लग रहा था किसी दूसरे क्वेश्चन का, मैंने उसको लिख दिया, ये होमवर्क ले लो ठीक है। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, डिसेंडिंग है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और एक अभी पर पूछ रहा है ठीक है, तो लगा देना जितना आंसर आएगा मुझे कमेंट में करना। 67 का आंसर मुझे चाहिए तुम लोगों से ठीक है, कमेंट में क्या लिखोगे 67 सी है डी है ए है बी है जो भी, इसको लिखना जरूर। और मैं पूछूंगा कल ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उसमें अपने क्वेश्चन वगैरह भेजे हैं ग्रुप वाले में, मैं देख के बता दूंगा ठीक। सॉरी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं रहती है मेरी, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है यहाँ पे यार, हॉस्टल है तो कोई है नहीं, सब कुछ अपने ही करना पड़ता है, ये करो वो करो, दिक्कत होती है। घर पे जाऊँगा मम्मी से रहेंगी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पानी गर्म करके नहीं पी पा रहा हूँ, इतनी दिक्कत हो गई। देखो कह रहा है कि एक 100 kg का आदमी है, 10 kg का लोड है उसके ऊपर, वो जंप कर गया टावर से, बताओ कितना वेट लोड उसके एक्सपीरियंस हो गया। देखो ये टावर था मुन्ना, आदमी यहाँ खड़ा था, 100 kg का था, 10 kg लिया था, 110 kg लिया था, तो 110 kg के नीचे क्या लगेगा, 110 g लगेगा, ऊपर उसका नॉर्मल रिएक्शन था, तुम कहोगे भैया जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसका 110 g से, मतलब मोर देन 10 kg से ज़्यादा होगा, 110 g आ रहा है, लेकिन तुम वहीं पे -5 लेके चले आओगे, क्योंकि वो यहाँ का नहीं पूछ रहा, उसने कहा वो कूद गया, तो जब वो कूदेगा बेचारा तो ग्राउंड तो है ही नहीं, ग्राउंड तो कॉन्टेक्ट ही खत्म हुआ, ग्राउंड कॉन्टेक्ट ही खत्म हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, कोई लोडिंग एक्सपीरियंस, वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करेगा वो ठीक। ये फॉर्मूला तुम्हें बता चुका हूँ, ये फॉर्मूला तुम्हें बता चुका हूँ, तुम खुद से होमवर्क में करना इसको ठीक है, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, बताना है फर्स्ट फोर्स मास और फोर्स में मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इसको तुम्हें बता चुका हूँ, एफिनिट अपॉन एमिनेट कर देना। ये क्वेश्चन अभी मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, दो ब्लॉक वाले m-m g / m, ये भी करना तुम, ये क्वेश्चन देख लो मैं करा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन देखना, ऐसे क्वेश्चन देख के लोग डर जाते हैं, लेकिन देखना कितना हलवा है। देखो कह रहा 3 ब्लॉक है, ये सब गोजापाती की है, मुझसे उससे मतलब नहीं, मैं बस देखूंगा क्या पूछ रहा है, टेंशन T2 पूछ रहा है ठीक है। टेंशन T2 पूछा मैंने, कहा यहाँ पे लग रहा है कितना फोर्स कितना लग रहा है 40 न्यूटन, मैंने पहले एक्सेलरेशन निकाल दिया, एक्सेलरेशन इसका टू होता है एफनेट अपन एमनेट, एफनेट कितना है 40 है, एमनेट कितना मास कितना है 10 है 16 4 20 यानी आगे 2 m/s ठीक है। अब मैं टेंशन T2 निकालना है, अब मैं यह T2 है ना, तो मैं इसको भी सॉल्व करके निकाल सकता हूँ ठीक है, इस सिस्टम मान के इसको भी सॉल्व करके निकाल सकता हूँ। तो हमेशा ऐसे चीज़ों सॉल्व करो जहाँ पे कम चीज़ें हो, तो तुम देख रहे हो कि M1 की ये बीडी बना लो, M1 हुआ हमारा, इधर लग रहा है 40 न्यूटन, इधर लग रहा है T2 ठीक है, और तुम्हें मालूम है क्या मालूम है, फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलेरेशन भी इधर लग रहा होगा, जिधर एक्सेलेरेशन होता है उधर से घटा देते हैं, तो क्या होगा 40 - T2 इजकल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, M1 × acceleration, M1 कितना है मास 1 कितना है 10 × acceleration, एक्सेलेरेशन 2 है 40 - T2, T2 हो जाएगा 40 - 20 इजकल टू हो जाएगा 20 आंसर इसका। तुम्हें एक चीज़ और बता दूं मैं तुम्हें, ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो उसने यहाँ पर M1 दिया था, यहाँ पर M2 दिया था, यहाँ पर M3 दिया था, और उसका आंसर 32 आना था ठीक है, लेकिन ये एलन का क्वेश्चन है तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे M1 दिया, यहाँ पे M2, यहाँ पे M3, तो देखो इतने बड़े क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या था, हलवा था ठीक है। तुम अगर चाहो तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो M1 × 2 से, देखो M1 कितने का बताओ, M1 कितने का है 10 kg का, M2 कितना है 6 kg 16 kg, यानी ये 16 kg पूरा टोटल था, इधर तुम लगा रहे थे T2 ठीक है, T2 लगा रहे थे, तो T2 क्या हुआ मास इंटू एक्सेलेरेशन, 16 × acceleration 2 था, नहीं ये तो दूसरा वाला हो गया, देखो सॉरी ये देखो तुम, अच्छा ठीक है टुकट तुम्हें देता हूँ मैं, रुक जाओ सारा मैं ही करूँगा तुम क्या करोगे, तुम्हें आंसर तो पता हो गया ना, एक से मैंने कर दिया, अब तुम बताना कि यहाँ से अगर इसको मान के करोगे तो क्या होगा ठीक है, इसको मान के करोगे तो क्या होगा ठीक। तो तुम्हारे लिए होमवर्क किया है, आंसर तुम्हें पता लग गया है, तुम्हें अपना दिमाग लगाना है कि अगर मैं T2 इधर से निकालूं तो भी निकलेगा सेम आंसर आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो तुम्हें सोचना है ठीक। ये तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए है ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें 78 में ठीक, 73 का 20 है ना, 73 का 20, 73 का 20 है ठीक है, 78 तुम्हारे लिए होमवर्क है, उसके बाद 80 देख लो, देखना अपना अपन का बस एक ही कंसेप्ट है, चलाने वाला फोर्स मैं रोकने वाला फोर्स अपन एम, देखो एक्सेलेरेशन क्या होता है, चलाने वाला माइनस रोकने वाला फोर्स
अपॉन एक्सेलेरेशन। 4G है, 4G लगा नीचे, तो 4G मुन्ना जब नीचे लग रहा है इसको रोक कौन रहा है? बस मुझे इसको रोक कौन रहा है, इसको रोक कौन रहा है ये बताओ मुझे। तो 4G अपॉन रोक कौन रहा है भाई इसको बोलो। बोलो भाई कौन रोक रहा है? तुम कहो भैया ये 5G रोक रहा है, क्यों रोकेगा भाई वो, क्यों रोकेगा बताओ? वो तो धीरे स्लाइड करके नीचे चला जाएगा। 4G है, 5G है, स्मूथ सरफेस है, क्या है स्मूथ सरफेस है, क्या है स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। अगर यही इसमें स्टैटिक वाला मतलब ये रफ सरफेस होता तो ये रोकता, लेकिन अभी क्यों रोकेगा वो? तो 4G अपन टोटल मास कितना होगा 5.4, यानी कितना होगा 4G अपन 9। पहले का नहीं होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड कर लो। यहाँ से तुम्हें ये लग रहा होगा कि 4G नीचे जा रहा है तो 5G इधर आएगा, 5G इसको अपोज करेगा। भैया क्यों करेगा भाई? मुझे कोई खींच रहा है यहाँ से, ठीक है, मुझे कोई खींच रहा है, मुझसे 2 किलो का लड़का है, ठीक है, 2 किलो का लड़का है, मैं 10 किलो का, मुझे खींच रहा है, मैं चुपचाप एक मतलब स्लीपरी सर्विस से बैठा हूँ, तो मैं क्यों अपोज करूँगा भाई? मैं तो धीरे चला जाऊँगा, मुझे खींचेगा तो मैं स्लाइड करूँगा भाई, मैं क्यों रुकूंगा? क्योंकि जब फ्रिक्शन नहीं है तो मैं रुकूँ क्यों? मुझे रुकेगा कौन? मैं अपने वजह से थोड़ी रुका हूँ, मैं फ्रिक्शन की वजह से रुका हूँ। तो जब स्लीपर ले लिया, परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, तो परफेक्टली स्मूथ सरफेस है तो मैं आराम से स्लाइड कर दूंगा, क्या दिक्कत होगी? तो यहाँ पे तुम उसको घटा नहीं सकते हो। लेकिन अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दूसरे वाले केस में 5G यहाँ लगेगा, तो जैसे 5G नीचे जाएगा तो इसमें देखो अभी ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट में तो है नहीं, स्मूथ रहे चाहे कुछ भी रहे, अगर तुम इसको नीचे खींचोगे तो इधर जाएगा, तो 4G इधर जाएगा। तो रोक चलाने वाला फोर्स 5G है, रोकने वाला 4G है, अपन टोटल मास कितना है 9, यानी कि जी भाई 9 होगा, ये हमारा आंसर होगा। कॉन्सेप्ट है भैया, कॉन्सेप्ट है, हर जगह काम आएगी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत सारे लोग एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से देख लेना, ऐसा मत करना कि छोड़ के चले जाओ। तो 80 का 2, अब देखो कह रहा है कि 2 ब्लॉक हैं, ईच ऑफ मास एम रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन, कौन मूव करेगा, कौन से क्या करेगा, तो बताओ। दोनों का एम है, ठीक है, तो इधर क्या लगेगा, इधर क्या लगेगा, एम जी साइन 60 डिग्री, एम जी साइन 60 का वैल्यू कितना होगा बताओ? एम जी 0 1/2 1/2 √3/2 √3/2 साइन 60 वैल्यू, ठीक है, ठीक है। और यहाँ कितना लगेगा, एम जी साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री है, तो हो जाएगा एम जी साइन 30 डिग्री, यानी कि एम जी बाई 2। बताओ दोनों में ज़्यादा कौन है? तो ये हमारा क्या है, 1.732 एम जी बाई 2 है, और ये हमारा क्या है, एम जी बाई 2 है। तो बताओ दोनों में से ज़्यादा कौन है, दोनों में ज़्यादा कौन? तुम कहो भैया पहला, तो ये जब ज़्यादा है तो ये नीचे खींचेगा, यानी द ब्लॉक ए विल मूव डाउन द प्लेन, यानी ब्लॉक ए नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, समझे? तुम्हें पता है ना कि थीटा एंगल होता है, इधर एम जी साइन थीटा लगेगा, इधर एम जी साइन थीटा, ये 60 है, 30 है, बस सॉल्व कर दो। थोड़ा सा यार कोऑपरेट करना, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 3 kg का है, ठीक है, 1 kg का है, ये 6 kg का है, कह रहा व्हाट इज द एक्सेलरेशन विद विच द सिस्टम इज मूविंग, एक्सेलरेशन बता दो, ठीक है। ये देखो 3 kg का है, तो इधर अगर 3G से नीचे जाएगा तो ऊपर लगेगा टेंशन, सही बात है ना? तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 3G माइनस टेंशन इक्वल टू, टेंशन कितना होगा, अगर ये T2 टेंशन है, ये भी T2 होगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, तो 3G माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 3 है, इंटू एक्सेलरेशन को ये मान लो पहला इक्वेशन, ठीक। इसको देखो अगर ये 1G से नीचे जा रहा है तो इधर T1 है, 1G माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 1 × 2 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसको देखो 6 kg का भी ब्लॉक तो मूव करेगा, तो T2 देख रहे हो कि 3 kg ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है पूरा सिस्टम इधर जाएगा, यानी ये वाला T2 ज़्यादा होगा, यानी कि T2 माइनस T1 इक्वल टू 6 × एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत, 3 इक्वेशन बना लिया ना। क्या बनाया मैंने, पहला 3G माइनस T2 इक्वल टू 3 × एक्सेलरेशन, 1G माइनस T1 इक्वल टू 1 × एक्सेलरेशन, और T2 माइनस T1 इक्वल टू 6 × एक्सेलरेशन। तीनों को जोड़ दो, जरा जोड़ दो तीनों को, 3G माइनस T2 प्लस G माइनस T1 प्लस T2 माइनस T1 इक्वल टू 3A 1A 6A, यानी कि 3 × 4 = 10A, ये होगा ना। T2 माइनस T2 प्लस T2 खत्म, ठीक है, 3G प्लस G 4G माइनस 4G माइनस T1 माइनस 2T1 इक्वल टू 10A, ये तो होगा।
तो 40 माइनस 2 इंटू टी वन इजकल टू 10 ए, और टी वन कितना है बताओ, टी वन कितना है, टी वन इजकल टू क्या है, एम इंटू जी, यही तो है, टी वन इजकल टू एम इंटू जी, एम कितना है 1 है इंटू जी, यानी कि 10 हो गया। तो 40 माइनस 2 गुणे 10 इजकल टू 10 ए, 40 माइनस 20 इजकल टू 20 इजकल टू 10 ए, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर कितना था, 87 था, सही है, ठीक है, 87 का सही है। इसको भी रिवाइज कर लेना क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट इसे बिल्डअप होगा, एक से दो बार लगाना, उसको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी कि इतने सारे क्वेश्चन अभी तक तुमने लिटरली में तुमने नहीं किए होंगे ऐसे सारे, और तुम एक ही जगह सारी चीजें करा रहा हूँ, कुछ तो कुछ रीजन है करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इससे क्वेश्चन आएगा तुम्हारा गलती नहीं होगा, इतनी मेरी गारंटी। अभी फ्रिक्शन वाले छोड़ जाऊँ, फ्रिक्शन वाले जब फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें 8-10 क्वेश्चन फिर पुल्ली वाले कराऊंगा, ठीक। अभी इसमें देखो 84 कह रहा है, दो मास है, 10 kg है, 20 kg है, मासलेस स्प्रिंग है, स्प्रिंग इसके अंदर है, कह रहा है फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इस पर काम कर रहा है, एट एन इंस्टेंट 10 kg जो मास है उसका एक्सीलरेशन है 4 m/s। देखो 10 kg मास है उसका एक्सीलरेशन है 4 m/s, ठीक है। तो मास दे दिया, एक्सीलरेशन दे दिया, बताओ फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स इसका 2 लग रहा होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन यानी 10 × 4 यानी कितना 40, यानी कि 40 का फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक है, तो 40 इधर भी लगेगा। जाहिर सी बात है भैया, सिंपल सी बात है, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, 40 इधर लगेगा, 40 इधर भी लगेगा। अब कह रहा है इसका एक्सीलरेशन बता दो, तो तुम इसका बीडी बना लो, सिंपल सी बात है। बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बड़ा है नहीं, 200 न्यूटन इधर, 40 न्यूटन इधर लग रहा है, ये मास इसका इतना 20 kg का एक्सीलरेशन पूछ रहा है, तो तुम्हें मालूम है एक्सीलरेशन इधर बाहर, फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है ना, देख लो क्या क्या हूँ एक बार फिर से, 10 kg का था एक्सीलरेशन दे दिया, तो तुमने पहले फोर्स निकाल लिया 40 न्यूटन, 40 इधर लगाओगे तो 40 इधर स्प्रिंग में, इधर 40 लगाओगे तो इधर भी लगेगा 40, क्योंकि इंटरनल फोर्स है ना, तो 40 एक्शन इक्वल अपोजिट एक्शन हो जाएगा, 40 इधर लग गया, इसका बेड़ी बना दिया, 200 में 40 घटा दिया, बस सॉल्व कर दिया। तो इसका आंसर देखो, 80 का सिस्टम बता दो, तो तुम्हें एक चीज दिख रहा होगा यहाँ क्या लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है, और इधर लग रहा होगा टेंशन, तो यहाँ भी लगेगा टेंशन, यहाँ भी लगेगा टेंशन, स्ट्रिंग सेम है, तो नीचे जा रहा ना एक्सीलरेशन इधर है, तो क्या लिखोगे, एम जी साइन थीटा माइनस टेंशन इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यही तो होगा, किसी एक से निकाल लो ना मुन्ना, किसी एक से निकाल लो, तो एम जी साइन थीटा माइनस टेंशन, टेंशन कितना हुआ, इसका आंसर जी साइन थीटा टू होगा, 83 का आंसर जी साइन थीटा बल, जी साइन थीटा बाई टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती ना करना। तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे फिर कैसे हो रहा है जी साइन थीटा बाई टू, इंपॉर्टेंट इसीलिए लिखा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन तुम्हें परेशान कर देगा, ये देखो कैसे, इक्वेशन तो तुम्हें लिख दिया, तुम बहुत वीर बलवान बने, इक्वेशन लिख दिया एम जी साइन थीटा, में से टेंशन घटा देंगे एम में आ जाएगा, अब टेंशन का वैल्यू नहीं मालूम है, तो तुम कहोगे भैया टेंशन का वैल्यू नहीं मालूम है कैसे सॉल्व करें, तुम्हें दिख रहा होगा टेंशन इसका टू मास इंटू एक्सीलरेशन ही है, यहाँ पे टेंशन कितनी होगी, टेंशन मतलब फोर्स ही तो होता है भाई, यहाँ पे टेंशन कितनी होगी, ये मास हो गया इंटू एक्सीलरेशन, इधर ये एक्सीलरेशन ए से इधर जा रहा है तो ये भी इधर आएगा, टेंशन मास इंटू एक्सीलरेशन ही होगा, माइनस मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एम में
तो एम सी एम खत्म हो जाएगा, सेशन स्कट हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन टू। अच्छा क्वेश्चन है, इतना इसमें ध्यान रखना है कि टेंशन होता है, मास एंटीऑक्सीलेशन भी होता है, ठीक है, गलती ना कर देना। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, जिपमर का क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कह रहे टेंशन इन हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग बता दो। मान लो इसको T1 मान लो, T1 को बताना, ठीक है, इसको T2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, T2 नहीं मान सकते ना, सॉरी, स्ट्रिंग एक ही है ना, एक ही स्ट्रिंग दिया है, चलो छोड़ो, इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो अगर ये T1 है, ये 30 है, तो ये भी 30 होगा, ये वाला क्या होगा हमारे पास, T2 मान रहा हूँ ना इसको, इस वाले स्ट्रिंग को मैं T2 मान रहा हूँ, ठीक है, इसको नहीं, तो ये हमारा होगा T2 cos 30 डिग्री, ये हमारा होगा क्या T1, हाँ ये भी होगा क्या T2 sin 30 डिग्री, कोई दिक्कत। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से अगर कोई एंगल ऐसे बनाते हो, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होता है, अगर तुम ऐसे बनाते हो, अगर ये 30 है यहाँ पर कोई लाइन होगी तो ये भी 30 होता है, ठीक है, ये मैथ में तुम्हें पढ़ाया जाता है 9th-10th का कुछ ये कंसेप्ट है। तो तुम्हें दिख गया होगा ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये अगर थीटा हुआ तो ये होगा T2 cos 30, ये होगा T2 sin 30, तो तुम्हें दिख रहा होगा एक चीज़, जो T2 cos 30 है वो हमारा T1 के बराबर है, वही T1 हमको चाहिए, और जो T2 sin 30 है वो हमारा किसके बराबर है, MG के बराबर है, T2 sin 30 किसके बराबर है, MG के sin बराबर है, तो T2 इसका क्या हो जाएगा 2MG हो जाएगा, क्योंकि sin 30 का क्या होता है 1/2, तो उधर जाएगा 2MG, तो T2 हो गया हमारे पास का 2MG, तो यहाँ पर पुट कर दो 2MG cos 30 डिग्री इक्वल टू T1, तो 2MG cos 30 वैल्यू कितना होता है √3/2 इक्वल टू T1, 2 से 2 खत्म, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा √3MG, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ है नहीं, देखने में बस बड़ा लग रहा है, जिपमर का नाम सुनकर डर जाओगे, ठीक है, लेकिन कुछ है नहीं, T2 cos 30 इक्वल टू T1, T2 sin 30 इक्वल टू MG, तो T2 इक्वल टू 2MG हो जाएगा, बस पुट कर दो, बता ही चुका हूँ, कह रहा है कि सरफेस फ्रिक्शनलेस से T1 T2 लगा दो। अब देखो कुछ महानुभाव, कुछ बहुत बड़े ज्ञानी लोग जो पढ़ पढ़ के अभी तक आए हैं, वो इसको लगाएंगे भैया F sin F cos 30, अरे भाई क्या जरूरत है इसकी, तुमसे T1 T2 पूछ रहा है, T2 कितना होगा बताओ, T2 इसका टू मुझे दिख रहा है 3 एक्सीलेरेशन होगा, 3 एक्सीलेरेशन में मान दूंगा, मास इंटू एक्सीलेरेशन T2 हो गया, T1 कितना होगा बाबू, T1 जब पूछेगा तो पूरा मास ले लोगे, पूरा मास आ गया ना इसमें, तो 12 × 3 = 15 है, तुमसे पूछ रहा है T1 / T2 क्या करोगे, 15 / 3 है कितना होगा, 5:1 रेशियो इसका आएगा, बस क्या जरूरत है उसको लगाने की भाई, जब दे रहा है तुमको सिंपल सा, जब तुम्हें सब कुछ दे रहा है तो वही लगाओ ना भाई, क्या दिक्कत है। कह रहा था कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस डिपेंड ऑन, तो म्यूस किस पे डिपेंड करता है मुन्ना, नेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, ऊपर ही बताया हूँ, एरिया से पे डिपेंड ही नहीं करता, नेचर पे डिपेंड करता है, पहला आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, एलियन के सारे क्वेश्चन है, कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, देखो ये ब्लॉक हो गया 2 kg का, ठीक, फ्लोर पर रखा है, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी फ्लोर पर जो फ्रिक्शन लग रही है उसकी, उसकी म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4, कह रहा है फोर्स ऑफ 2.8 न्यूटन इस पर लगाया जा रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बता दो कितना लग रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तुम्हें मालूम है क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, एन का वैल्यू इसमें क्या होगा, देखो एन नॉर्मल फ्रिक्शन लगेगा इधर और एमजी लगेगा इधर, तो नॉर्मल किसके बराबर होता है, एमजी के बराबर होता है, सिंपल सी बात है, ऊपर ही बता चुका हूँ, नॉर्मल किसके बराबर होता है, एमजी के बराबर होगा ना, यहाँ पे हर जगह नहीं नॉर्मल, देखो हर जगह नॉर्मल एमजी के बराबर नहीं होगा, ठीक है, कहीं कहीं पर नॉर्मल एमजी के बराबर नहीं होता है, वो भी तुमको क्वेश्चन वैसे भी मिलेंगे, लेकिन इस सिंपल सा केस है यार, तुम्हें कल से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें कल से ही पढ़ा रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ तुम्हें, कल से ही तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, नीचे अगर एमजी है तो जब कुछ नहीं था, जब हवा में थी तो जीरो, बस अगर हवा में थी नॉर्मल तो जीरो हो गया ना, कुछ नॉर्मल कहाँ लग रहा था, नॉर्मल तभी लगेगी जब कोई ग्राउंड होगा, कोई सरफेस होगा, तभी ग्राउंड हो गई तो नॉर्मल ऊपर लगेगी, तो नॉर्मल इसका टू एमजी, कल से ही बता रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखोगे म्यू इंटू एमजी, तो म्यू कितना है 0.4 है, मास 2 × 10 g, तो हो जाएगा 4 × 2 = 8, ये ना ये हो जाएगा 8 न्यूटन, ठीक है। अब तुम देखो कि FS तो ज़्यादा हो गया बाबू FF लाइट से, यानी कि कहोगे भैया 8 न्यूटन, कहोगे भैया 8 न्यूटन, मैं कहूँगा बाबू -5 नंबर लेके चले जाओगे, 2-3 बार समझा चुका कि जब FS ज़्यादा हो गया FF लाइट से, तो FS की जो FF लाइट की वैल्यू होगी वही फ्रिक्शन की ही वैल्यू होगी, बता चुका हूँ अभी, इसका आंसर होगा 2.8 न्यूटन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है,
क्योंकि उसको रोकने का काम फ्रिक्शन उतना ही करेगी जितना ही एफएस लगेगा। एफएस ज़्यादा हो गया आपका फ्लाइट से, ये 8 न्यूटन हो गया, 2.8 न्यूटन हो गया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा बाबू? 2.8 न्यूटन, 8 न्यूटन तो लगेगा ही नहीं बाबू, वो तो बस मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम बताता है, मैक्सिमम कितना लग रहा है वो 8 न्यूटन, तो 8 न्यूटन आंसर नहीं होगा, 2.8 न्यूटन होगा, बता चुका हूँ ठीक है। ये तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तुम इसका सोल्यूशन तुम जाओ ढूंढ लो, कहीं तुम ढूंढना अपने जो तुम्हारे पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया ना सोल्यूशन उसका ढूंढना तुम, ना तुम्हारी हालत खराब होगी सॉल्व करते करते तो कहना। अब देखो मैं इसको कैसे चुटकी में 1 सेकंड में कैसे 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करता हूँ, 1 सेकंड कम हो जाएगा ठीक है। देखो कह रहा है कि रोप है टेबल पे है, हैंग कर रहा है, लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट कितना है? एक्स अपर लेल इजिकल टू क्या होता है? म्यू अपर म्यू प्लस 1 होता है, यही तो होता है लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट, कितना लेंथ हैंगिंग कर रहा है हमसे म्यू पूछ रहा है, तो 1/3 ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। देखो ये होता है एक्स लेंथ अपन हैंगिंग पार्ट, तो 1/3L/L यही तो होगा, एक्स अपन एल, एक्स की जगह रखो 1/3L और एल की जगह एल, तो एल से एल कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/3 बचेगा, वही सीधे लिख रहा था मैं 1/3, ये बचेगा म्यू अपन म्यू प्लस 1, तो ये म्यू प्लस 1 इजकल टू हो जाएगा 3 म्यू, यानी कि 2 म्यू इजकल टू 1, म्यू इजकल टू हो जाएगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, सही है ना, 1/2, बताओ। तुम इसको नहीं कर पाते मुन्ना, एक क्वेश्चन और होगा, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन अभी करा देता हूँ, रुक जाओ, अभी एक क्वेश्चन तुम्हें और मिलेगा, वो भी सीख लो। ये देखो कह रहा हैवी यूनिफॉर्म चैन लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चैन एंड सरफेस। कह रहा है कि एक सरफेस है, यहाँ से अपने चैन को लटकाया है ठीक है, ऐसे कह रहा है म्यू की वैल्यू है 0.25, कह रहा है मैक्सिमम फ्रैक्शन कितना, एक्स मैक्सिमम फ्रैक्शन कितना उस पर हैंग कर सकता है, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन एक्स बाई एल तो होता है म्यू अपन म्यू प्लस 1 कर दो इंटू 100% में पूछा है, तो म्यू का वैल्यू को 0.25 प्लस 1 इंटू 100 पाँच बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा, 20% इसका आंसर होगा। अब तुम इसका सॉल्यूशन जाके देखना, अगर तुम ये चीज़ें नहीं पता होती तुम कहाँ तक पहुँचते, कितना तुम्हारा मतलब टाइम लॉस होता, सब कुछ कितना बर्बाद होता, तो उसका आंसर होगा फ्रिक्शन वैल्यू 1.1/2 ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से समझना, ये भी ऑलरेडी करा चुका हूँ लेकिन फिर से तुम्हें समझा रहा हूँ। कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर, एयर का फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा उन ए बॉडी ऑफ मास 0.25 केजी। देखो एक बॉडी है जिसका 0.25 केजी मास है, वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है तो mg, तो पहले mg ही लगेगी, और एक्सीलरेशन होगा कितना 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया ना। अब तुम कहोगे भैया इसमें तो नॉर्मल लगेगी नहीं, तो बाबू नॉर्मल नहीं लगेगी, लेकिन एक चीज़ कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स बता दो एयर के द्वारा, तो एयर तुम नीचे आ रहे हो तो एयर तो ऊपर ही लगा रही है ना फ्रिक्शन, तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, तुमको कौन रोक रहा है बाबू, तुमको कौन रोक रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हो, तुमको हवा ही तो रोक रही है, तो ऊपर लग रहा होगा फ्रिक्शन। तो मैंने एक चीज़ तुम्हें बोला था एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जिधर होती है उधर ही नेट फोर्स लिखते हैं, तो इसका कैसे लिखोगे? एफ नेट इजकल टू क्या होता है? एफ नेट इजकल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका एफ नेट कितना होगा बताओ, कल सिखा चुका हूँ। तुम कहोगे भैया एक्सेलरेशन नीचे आ रही है, तो नीचे होगा mg, ऊपर होगा फ्रिक्शन इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 0.25 और एक्सेलरेशन है भैया 9.2। अब हमसे पूछ रहा था फ्रिक्शन, तो भैया यहाँ से हो जाएगा mg माइनस 0.25 इंटू 9.2 इजकल टू फ्रिक्शन, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, m का वैल्यू कितना दिया है 0.25 इंटू 10, ये हो जाएगा, रुक जाओ सॉल्व भी कर देता हूँ, क्या ही लिखना, ये एम का 0.25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 0.25 इंटू, इसको भी 10 मान लोगे तो 2.5 लगभग बहुत कम आएगा यार, 9.8 अगर मानोगे 0.9.2 बहुत कम आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.15 वही तो कह रहा हूँ 9.2, इसका 0.15 आएगा, बस इसको आप सॉल्व कर लेना ठीक है, एक कैलकुलेशन है, देखते ही दिख रहा है यार कि कम आ रहा है, क्योंकि 0.25 में से अगर इसको 10 मान लूंगा तो 2.5 में घटाओगे 0 आ जाएगा, लेकिन 10 है नहीं तो थोड़ा सा बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, देखते ही सॉल्व हो जाएगा ठीक है। तो 0.01 हाँ ठीक है सही है 0.15। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से देखो इसमें क्या कह रहा है, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 15 kg, चलो ठीक है, ये प्लेस ऑन लॉन्ग ट्रॉली, ये ट्रॉली हमारा ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स है ठीक 15 kg का ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक, यहाँ पे म्यू का जो वैल्यू दिया है 0.18 दिया है, ब्लॉक कितना, द ट्रॉली एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, यू इक्वल टू 0 से एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेशन कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड। कह रहा फ्रिक्शन फोर्स बता दो मुझे, ये बताओ फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है ना,
फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बताओ, न्यू इंटू एम जी, ये तो होगा। म्यू का वैल्यू दिया है, म्यू का वैल्यू कितना दिया है 0.18, मास कितना दिया 15, जी का वैल्यू 10, यानी कि हो जाएगा 1.8 इंटू 15, 15 गुड़े 1.8 कर दूँ तो 15 गुड़े 18 गुड़ा मैं कर देता हूँ यहाँ से, 15 गुड़े 1.8 27, यानी कि 27 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तुम कहो भैया 27 न्यूटन का लग रहा है, कोई नहीं तनाव ना दे वो कर देते हैं, लेकिन तुम हो जाओगे गलत। पहले क्वेश्चन तो समझो, तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि फ्रिक्शन 27 न्यूटन है, पहले तुम डिसाइड करो फोर्स कितना है। फोर्स जितना हो देखो, फोर्स इसमें कितना, फोर्स का वैल्यू कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना बताओ तो, मास था कितना 15, एक्सेलरेशन कितना था बताओ 0.5, यानी कि 7.5 न्यूटन। तुम्हें एक चीज दिख गया कि एफएस जो है वो ग्रेटर देन फोर्स है, ग्रेटर देन फोर्स है। और मैंने तुम्हें अभी बताया है कि अगर एफएस 27 न्यूटन है और फोर्स हमारा 7.5 न्यूटन है, तो इसका आंसर तुम 27 न्यूटन नहीं मारोगे, 7.5 न्यूटन ही इसका आंसर होगा। इतना ही फ्रिक्शन लगेगा उसमें, कितनी बार समझा रहा हूँ मैं, दूसरी तीसरी चौथी बार समझा रहा हूँ। तो एग्जाम में ध्यान रखना इस चीज़ का, वहाँ पे लोग जल्दी जल्दी में तुरंत देखेंगे नन देवा मार के चलेंगे, -5 नंबर लेके चले आओगे, फिर हो जाओगे परेशान। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.5 न्यूटन, ठीक। ये जो है तुम्हारा, ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाले क्वेश्चन है, ये तुम्हें कल कराऊंगा, ठीक। ब्लॉक ओवर ब्लॉक वाले एक जब तुम्हें वर्क वाला पढ़ाऊंगा तो उसी में इसका कंसेप्ट पढ़ा के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक। ये देखो, अब ध्यान से देखना, मैंने बोला था ना फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल हमेशा एम जी के बराबर नहीं होता। देखो कैसे, एफ बी डी बनाओ इसका, मास है 0.1 के जी, तो इधर लगेगा 0.1 जी, ठीक है, एम जी लग गया, ठीक। इधर क्या लगेगा, कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है, एज शोन इन द फिगर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू अगर 0.5 है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, तो बताओ ये नीचे आने से तो रुक रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर ही तो लगेगा, अपोज करेगा ना मोशन का, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब ये देखो, ये 5 न्यूटन जो तुम्हारा है, ये अगर 5 न्यूटन तुम इधर लगाओगे तो 5 न्यूटन तो इधर भी लगाएगा ना, ये 5 न्यूटन इधर भी लगाएगा, सिंपल सी बात है बाबू। 5 तुम इधर लगाओगे तो 5 इधर लगेगा नॉर्मल, तो नॉर्मल यहाँ पे एम जी नहीं हुआ, नॉर्मल यहाँ पे कितना हो गया 5 न्यूटन हुआ, कितना हुआ 5 न्यूटन, समझे। नॉर्मल एम जी तभी होगा जब हॉरिजॉन्टल पे ब्लॉक रखी रहेगी और कुछ रहेगा नहीं, तो नॉर्मल जो एम जी के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हें दिख गया, साफ साफ तुम्हें क्लियर कर दिख गया कि नॉर्मल 5 न्यूटन ही होगा, तो तुम्हें दिख गया होगा कि फ्रिक्शन जो है एम जी के बराबर है, यानी फ्रिक्शन हमारा 0.1 जी के बराबर है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ गया, 108 नंबर ना, तो कर दो ना 0.1 इंटू 9.8 कितना आएगा 0.98। इन सब की जरूरत ही नहीं थी, 5 इसकी 5 नॉर्मल, अगर तुमसे नॉर्मल पूछता तुम डायरेक्ट 5 न्यूटन लिख दो, बाकी इसकी जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। देखो उसने पूछा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू देख रहे हो तुम, फ्रिक्शन ऊपर लगा एम जी नीचे लगा, फ्रिक्शन एम जी, हमने बैलेंस करना तो कल तुम्हें अच्छे से सिखा दिया था भाई। तो इसका आंसर होगा 0.98 न्यूटन, ठीक। अब देखो 105 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक। कह रहा है एक बॉडी प्लेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन टू बी पुश्ड डाउन इन ऑर्डर टू मेक मूव, देखो रुक जाओ चलो। कह रहा है मुन्ना एक बॉडी है, उसको नीचे ढकेलना पड़ रहा है नीचे लाने के लिए, यानी कि वो स्लाइड नहीं कर रहा है, नो स्लाइडिंग का केस कब होता है, जब लेस देन एंगल ऑफ रिपोज होता है, लेस देन एंगल ऑफ रिपोज होता है। देखो लेस देन एंगल ऑफ जब रिपोज होगा तो कोई भी स्लाइडिंग नहीं होगी, हमको अपनी तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन भी साथ साथ करा रहा हूँ, ठीक है। लेस देन एंगल ऑफ रिपोज होता है, ये कल कराऊंगा तुम्हें, तो लेस देन एंगल ऑफ रिपोज सही है ना, जो मैं देख लेता हूँ 105 में, 105 ना, हाँ ठीक है, ये तुम्हारे कल करेंगे 109 नंबर, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। लगा देना अपने पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना, ठीक है। अगर तुमको ये लग रहा होगा कि भैया ने भी बताया था S=V0²/2g होगा, तो गलत कर दोगे, ठीक है, ये नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो अलग केस था, वो स्टॉपिंग का केस था, ये तुमको इंक्लाइन प्लेन पे देख किया है, तो जाहिर सी बात है साइन थीटा कॉस थीटा का चेंज मतलब कुछ ना कुछ आएगा, तो तुम सॉल्व करना इसको, जितना कुछ सीखना है इस क्वेश्चन में सारा अप्लाई कर देना, और इसका आंसर मुझे चाहिए, 109 का आंसर मुझे चाहिए, ठीक।
ये देखो 112 109 के आंसर तुम्हें बता देता हूँ, मैंने आंसर लिख रखा है 109 का आंसर बताएगा V naught square upon 4G, ये होगा दूसरा होगा, ठीक है इसका आंसर मुझे चाहिए। अब 112 नंबर देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखना क्या करना है। कह रहा है कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दो, सिंपल सी बात है। तो देखो ये पी वेक्टर है ना, इधर जाएगा कोई दिक्कत, ये क्यू वेक्टर इधर जाएगा कोई दिक्कत, होगी नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। और ये वाली ऐसे बना दो लाइन, तो अगर ये थीटा थी मुन्ना तो ये कितनी होगी बताओ, बताओ ये वाली कितनी होगी, ये वाली ये थीटा थी, ये थीटा होगी जानते हो ना, ये थीटा थी तो ये थीटा होगी अल्टरनेट एंगल से, जब मुन्ना ये थीटा हो गई तो ये नीचे वाली क्या हो जाएगी क्यू कॉस थीटा, ये हो जाएगी क्यू साइन थीटा, ये तो होगी सिंपल सी बात है। और फ्रिक्शन किधर लगेगा बताओ, फ्रिक्शन तो इधर लगेगा ना, फ्रिक्शन इधर लगेगा ना, उल्टा फ्रिक्शन तो उल्टा ही चलता है भाई, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा बताओ, म्यू इंटू नॉर्मल क्योंकि सरफेस है ना, तो म्यू इंटू नॉर्मल। अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन तुम कैसे लिखोगे, नॉर्मल रिएक्शन तुम कैसे लिखोगे, एक तो इसका वेट जो नीचे एम जी आ रहा है और प्लस में क्यू कॉस थीटा, ये तो लिखो बाबू नॉर्मल। देखो मैं तुम फिर से समझाता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है ठीक है, देखो फिर से एक बार समझाता हूँ तुम्हें, यहाँ डायग्राम बनाते हैं हम लोग। देखो देखो अब सिंपल सी बात देखना, अगर ये P है ये Q है तो इसको नीचे ये वेक्टर आगे भी जा सकता है, ये वेक्टर इधर भी जाएगा, नीचे का डायरेक्शन तो बता रहा है ना कि नीचे जा रहा है आगे जा रहा है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो ये अगर Q था तो ये हमारा क्या होगा Q cos थीटा होगा, ये हमारा क्या होगा Q sin थीटा होगा ठीक। और पहले इसका वेट m था, नीचे इसका mg लग ही रहा था ठीक है, तो नॉर्मल कितना लग रहा है बताओ, नॉर्मल इसके ऊपर लगेगा, नॉर्मल टोटल कितना लग रहा है mg लग रहा है प्लस Q cos थीटा लग रहा है, ये लग रहा है ना, और फ्रिक्शन इसका टू क्या होता है म्यू इंटू m, तो क्या हो जाएगा म्यू इंटू एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो हमारा पी है ना वो किसके बराबर है, क्यू साइन थीटा के बराबर है, देखो पी जो हमारा है किसके बराबर है क्यू साइन थीटा के बराबर है ठीक, तो पी और फ्रिक्शन भी तो इधर ही है क्यू साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, देखो जैसे तुम इसको अगर यहाँ पे करते तो ये हमारा क्यू कॉस थीटा होता, ये क्यू साइन थीटा होता, ये थीटा इधर भी सेम ही आता, तो क्यू साइन थीटा, तो जो हमारा पी होगा वो हमारा होगा क्यू साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। यहाँ तक आई होप कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में अगर बोल देना भैया यहाँ पे दिक्कत आ रही थी ठीक है। तो पी क्या हो जाएगा क्यू साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन हो जाएगा, देखो ये जो पी है वो क्या होगा क्यू साइन थीटा अपन प्लस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का जो तुम्हें मालूम ही था, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू था म्यू एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब देखो तुमसे पूछ क्या रहा है वो कि ब्लॉक बिल रिमेन इक्विलिब्रियम द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू पूछा है, सिंपल सी बात है म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू हो जाएगी पी माइनस क्यू साइन थीटा अपॉन एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा, पी माइनस आंसर नहीं दिया क्या भाई 112 का आंसर कितना दिया, पी माइनस क्यू साइन थीटा प्लस क्यू साइन थीटा एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा पी कॉस थीटा प्लस क्यू, देखो ये दोनों तो होगा नहीं, क्यू के साथ साइन थीटा होना चाहिए, क्यू के साथ साइन थीटा एक ही आंसर दिख रहा है, ये प्लस कहाँ सा गया माइनस होना चाहिए इसको ठीक है, ये माइनस होना चाहिए, हो सकता है या तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो कुछ भी। 112 का आंसर मैंने क्या लिखा है, मैंने भी लिखा है पी माइनस क्यू साइन थीटा ठीक है, इसका पी माइनस क्यू साइन थीटा होना चाहिए, एक बार लगा लेना तुम लोग फिर से अपनी तरफ से ना, और देख लेना कहीं पे हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो या डायरेक्शन लेने में कहीं गलती होगी, पर चेक कर लेना ठीक है। तो पी माइनस क्यू साइन थीटा ये हो जाएगी ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं ना, ये देखो क्या कह रहा है, अभी हमने पी वाई क्यू एक भी टच नहीं करा है। देखो इंक्लाइनेशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम चांस रहता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन इसका रखा हूँ। कह रहा है एक मास है 100 ग्राम का, स्लाइड कर रहा है 60 डिग्री, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। कह रहा है कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिया 1.7, कह रहा है नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स ला दो, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन,
म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू क्या होती है, मैं से बताओ नॉर्मल मतलब क्या, नॉर्मल मतलब ये ना नॉर्मल किसके बराबर होता है बताओ, इधर आती है एम जी साइन थीटा, इधर नीचे आता है क्या, सॉरी यहाँ आता है एम जी, और यहाँ क्या आता है एम जी कॉस थीटा, तो नॉर्मल किसके बराबर है, जाहिर सी बात है एम जी कॉस थीटा के बराबर है। तो म्यू का वैल्यू है 1.7, एम का वैल्यू है 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब 0.1 के जी इंटू 10 इंटू कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू होता है साइन 30 के बराबर यानी 1/2 के बराबर, कॉस 60 साइन 30 बराबर है, कॉस साइन 30 होता है 1/2, कॉस 60 भी 1/2 ही होगा, ठीक है। तो ये 1.7 इंटू 1/2 हो जाएगा यानी 1.7/2 यानी 0.85 हो जाएगा न्यूटन, 114 का एक 0.85 न्यूटन, सही बात है। इंक्लिनेशन वाले क्वेश्चन है थोड़ा अच्छे से देख लेना, क्योंकि देख रहे हो ना मैं कैसे कर रहा हूँ, नॉर्मल मुझे मालूम है फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इनटू एन होता है, एन के वैल्यू कैसे निकालोगे, इधर तो एम जी साइन थीटा होता है, इधर एम जी कॉस थीटा होता है, ठीक। ये देखो एक क्वेश्चन तुम्हें कितनी बार मैंने कराया था कल, अब यहाँ पर फ्रिक्शन पूछ लिया, तो फ्रिक्शन कैसे निकालोगे, फिर वही चीज़ है, ये डब्ल्यू है इधर लगेगा क्या एम जी, कोई दिक्कत नहीं, तो इधर मान लो टेंशन लग रहा है टी टू, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट बता दो, कितना वेट हो इसका, एम जी कितना हो, कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 100 केजी बॉडी विल बी 450 न्यूटन, कह रहा है कि इस पे जो फोर्स लगे वो 450 न्यूटन लगे और स्टैटिक हो यानी कि ये मूव ना करे, तो ये T2 अगर है तो मान लो ये T1 है, तो इसको आगे अगर बढ़ा देता हूँ मैं, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये कौन सा एंगल होगा, ये होगा T1 cos 45 डिग्री, ये कौन सा एंगल होगा T1 sin 45 डिग्री, तो तुम्हें दिख रहा है T1 sin 45 डिग्री इसका लुक किसके बराबर है, इसके बराबर होता T2 के बराबर यानी कि mg के बराबर यानी वेट के बराबर, वही तो हुआ, और हाँ ठीक है, और T1 cos 45 डिग्री ये किसके बराबर बताओ, ये बराबर हमारा किसके 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 450 न्यूटन के, यही तो होगा बाबू, T1 cos 45 डिग्री क्या होगा, fs मैक्सिमम बराबर है 450 के बराबर, 450 बराबर, तुम T1 अपॉन T2 कर दो, इसको सॉल्व कर दो, तो हो जाएगा T1 10 45 डिग्री इसका तो हो जाएगा वेट अपन 450 10 sin 45, अरे यार तुम, मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता तो मैं इरीटेट हो जाता हूँ, ठीक है। देखो फिर से तुम्हें समझाता हूँ मैं, ये वेट है, ये इसका वेट मान लो W रख रहा है, W इसका टू एम जी, अगर ये 45 है तो इसको थीटा लोगे तो क्या ये 45 नहीं, ये थीटा थीटा बराबर नहीं होंगे, तो इसका अगर कंपोनेंट लेते हो ये तो मान लो, इसको मान लो T2 तुम, तो तुम्हें दिख रहा होगा, और इसको तुमने अगर T2 माना, इधर तुम्हारा 450 न्यूटन है, पहले ही दे रखा है उसने कि मैक्सिमम वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का है इस बॉडी पे 450 न्यूटन है, तो इधर अगर मैं इसको इस वाले स्ट्रिंग को मैं T1 मान लेता हूँ, तो इधर क्या होगा T1 cos 45 डिग्री, इधर क्या होगा T1 sin 45 डिग्री, तो तुम्हें दिख रहा होगा T1 sin 45 डिग्री किसके बराबर है, वेट के बराबर है, और T2 cos 45 डिग्री, T1 cos 45 डिग्री किसके बराबर है, 450 के बराबर है, दोनों को डिवाइड करो, T1 से T1 खत्म, साइन 45 अपन कॉस 45 होता है 10 45, इसका टू हो जाएगा W अपन 450, ये भी 1 होता है 10 45, तो W इसका टू कितना हो जाएगा 450 न्यूटन। लामी थ्योरम से भी कर सकते हो, लेकिन लामी थ्योरम लगाने की अभी तक मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसका आंसर हो जाएगा 450। ऊपर बताया हूँ अभी तुमको 1 - 1/n² होता है, अगर किसी बॉडी को अभी ऊपर बताया हूँ, देखो यहाँ पे तीन चीज़ बताया हूँ, यहाँ पे ये तो एक ही चीज़ पूछा है, मैंने तुम्हें तीन चीज़ बताया था, 1 - 1/n² होगा, म्यूजिकल टू 2 tan θ होगा, जब यहाँ से चलेगा यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, और म्यूजिकल टू 1 - 1/n 10θ, ये भी लगा सकते हो, ठीक है, तो 1 - 1/n² हो जाएगा। अब आ जाओ हमारे नेट वाले क्वेश्चंस पे, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहले पढ़ लेना ऊपर करेक्ट इनकरेक्ट, पहला चीज़ क्या, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है, सही बात है, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन डायमेंशन ऑफ लेंथ, बिल्कुल गलत बात है, म्यू एस और म्यू के दोनों क्या होते हैं बाबू, डायमेंशन लेस होते हैं, क्या होते हैं डायमेंशन लेस होते हैं, यूनिट लेस होते हैं और डायमेंशन लेस होते हैं। ये ब्लॉक वाले क्वेश्चन फिर से आएंगे, तो मैं कल कराऊंगा बताया हूँ। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो तुम्हें क्या करना है, करना नहीं है तुम्हें, क्या करना है, छोड़ना है, कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना होता है। इसका जब तुम सॉल्यूशन देखोगे अपने MTG वाले में या कहीं PYQ में, तुमको 2 पेज का सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद ही तुम्हारा आंसर सही आएगा कि नहीं गलत करोगे इतना प्रेशर में, और 10 मिनट अगर तुम खा जाओगे 10 क्वेश्चन तुम्हारे गया ना, तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन इसीलिए बनाता है कि जो होशियार लड़का रहेगा उसको छोड़ देगा, लास्ट में अगर 5 मिनट का टाइम बचेगा तो अटेम्प्ट करेगा, नहीं बचेगा तो छोड़ देगा, एक ही क्वेश्चन तो जा रहा है। तो इसको करने का सिंपल सा फंडा है, अगर तुम लगाओगे तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारा काम तमाम, लेकिन
मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूँ, देखना अगर ऐसे क्वेश्चन आए। कह रहा है कि बॉक्स है, इंक्लिनेशन 30 डिग्री पे वो स्टार्ट करने लगा स्लिप करने, यानी 30 डिग्री पे वो स्लिपिंग स्टार्ट कर दिया और 4 मीटर डाउन किया प्लैंक पे 4 सेकंड में। कह रहा है कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक बता दो। तो म्यूएस का वैल्यू क्या होता है? 10 थीटा। म्यूएस पहले निकाल दो स्टैटिक, 10 30 वैल्यू कितना होता बताओ? 10 30 वैल्यू होता है साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 वैल्यू होता है 1/2, कॉस 30 वैल्यू होता है साइन 60 और √3/2, तो ये हो जाएगा 1/√3 ने 1.1732 ने 1/1.732 0.57 यानी कि लगभग हो जाएगा 0.6 के बराबर। ठीक, तुमको भैया 0.6 तो दो में है तो ये दोनों तो खत्म हो गए। तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि म्यूएस हमेशा म्यू के से ज़्यादा होता है, तो म्यूएस ये तो होगा नहीं, यही हमारा ऑप्शन होगा, समझे? अब तुमको म्यू के निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम म्यू के निकालने गए तुम्हारे इतने सारे टाइम चले जाएंगे कि तुम पागल हो जाओगे। तुम कहोगे इसके चक्कर में 10 क्वेश्चन और छोड़ के चले हैं। तो तुमने म्यूएस निकाल दिया और म्यूएस का वैल्यू तुमको मालूम है म्यू के से ज़्यादा होता है, तो देख लो म्यूएस 0.6 0.5 बराबर तो होगा नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखो। कह रहा है अपर अपोजिट इंक्लाइन प्लेन इंक्लिनेशन पतिता परफेक्टली स्मूथ। कह रहा है ऊपर आधा जो है स्मूथ है आधा रफ है, स्टार्ट कर रहा है जीरो से और रेस्ट भी कर रहा है, तो म्यूज का टू क्या होता है? 2 tan थीटा। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 2 tan थीटा। अगर पूछता कि एन टाइम लग रहा है फिर एंटी टाइम लग रहा है तो क्या 1 - 1/n² एन माइनस 1 n + 1 tan थीटा। तो मैं तीनों फॉर्मूले बता चुका हूँ, ठीक है? वहाँ से कोई ना कोई एक पूछेगा, एक पूछा तो मैं लगा दिया म्यूज का टू 2 tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेता हूँ, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 37 2 tan थीटा। ये देखो ब्लॉक वाले क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हें खुद से करने हैं। एक ही ब्रह्मास्त्र मैंने तुम्हें कल बताया था, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। क्या बताया था? चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, वही लगाने हैं, ठीक है? चलाने वाला क्या होगा? जो नीचे होगा, जो लटका होगा चलाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल पे होगा और स्लाइड नहीं कर रहा है मतलब फ्रिक्शन लग रहा था वो रोकेगा, सिंपल सी बात है, लगा के। देखो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ तुम्हें। कह रहा है कि सिस्टम में 3 पार्टिकल M1 M2 M3 तीनों का मास बराबर है। कह रहा है कि M2 और M3 रफ सरफेस में है, दोनों रफ सरफेस में है, जिसका म्यू कितना है? म्यू है, म्यू दिया हुआ है। कह रहा है कि बताओ एसलेशन कितना होगा? तो मैं एक ही चीज, एक ही ब्रह्मास्त्र मारा है, एसलेशन क्या होता है बताओ? चलाने वाला फोर्स चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपान टोटल मास, यही हमारा क्या है? ब्रह्मास्त्र है। बताओ चलाने वाला फोर्स कौन है? कहोगे भैया M1 नीचे जा रहा है तो M1 जी हमारा चलाने वाला फोर्स, मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। बताओ रोक कौन कौन रहा है? तो कहोगे भैया M2 और M3 दोनों रोक रहा है, तो दोनों को हम कह देंगे क्या? M2 + M3, ठीक है? और रोक क्यों रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है? तुम कहोगे भैया यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू इंटू नॉर्मल, और म्यू इंटू नॉर्मल हो जाएगा mg, तो हो जाएगा म्यू M2 + M3 × g। यही तो रोक रहा है बाबू, फ्रिक्शन ही तो रोक रहा है। अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता, अगर ये स्मूथ सरफेस होता ना, तो कहाँ रोकता? वो तो सीधे नीचे चला आता, ठीक है? तो अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो हमको रोकने वाला कोई था ही नहीं, तो बस मैं ऊपर लिखता M1g / M1 + M2 + M3। लेकिन यहाँ पर रोकने वाला फोर्स आ गया, उसके वजह से हमको फ्रिक्शनल फोर्स भी लिखना पड़ेगा, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। तो चलाने वाला हो गया M1g, रोकने वाले हो गए क्या? μ × n फ्रिक्शन, यानी μ × m × g, m हो गया M2 + M3, तो M1g हो गया μ M2 + M3 × g। अपन टोटल मास कितना है? M1 + M2 + M3। अब कहोगे भैया तीनों बराबर मास है, तो हो जाएगा mg - μ × 2m × g / 3m, ठीक है? दोनों में से mg कॉमन ले लो तो बचेगा 1 - μg / 3m, ठीक है? 1 - 2μg बचेगा, ठीक है? और m से m काट दो तो क्या बचेगा? g 1 - 2μ / 1 - 2μ / 3, ये हो जाएगा 36 का सी, g 1 - 2μ / 3। मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने बस एक ही चीज़ बोला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही कॉन्सेप्ट सेम लगा के तुम इसको भी सॉल्व करोगे। मैंने बोला बस चलाने वाला माइनस रोकने वाला, बस बात खत्म, तुम्हारा आंसर आ जाएगा तुरंत। कह रहा है कन्वेयर बेल्ट है मूविंग टू कांस्टेंट स्पीड 2 m/s², तो भी हो गया 2 m/s, जो दिया लिख दो। बॉक्स को उसके ऊपर डाला गया, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा? तो s = v0² / 2g, अभी तुम्हें बताया था मैंने, तो 2/2 × 2 × 10, 2 × 2 = 10, 0.2। तुमको कहाँ से गलती हो गया, क्योंकि ये होता है v0² / 2μg, क्या होता है?
तो इसका ध्यान रखना, वी नॉट स्क्वायर अपन टू म्यू जी होता है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ फॉर्मूले, हो सके मैं ही गलती कर लूँ, फिर तुम लोग को भी आप ही गलती पढ़ा रहे हो। क्वेश्चन नंबर कितना है, 38 है। चलो आगे देखता हूँ, इससे आता नहीं आना चाहिए वैसे। चार अपन दो उड़े मुका बेलू, 0.5 उड़े 10, चार अपन एक उड़े 10, 0.4 मीटर। तुम इसको ऐसे भी लगा सकते थे, v² = u² + 2s। कह रहा है कि जब रेस्ट पे आएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, u² = 2s हो जाएगा। फिर वही चीज है, u² / 2a होगा, एक जगह क्या रखोगे, u² / 2μg। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, म्यूजी तो होता है, अभी तो बताया ऊपर में, अभी देखो ऊपर बताया एक्सेलेरेशन क्या होता है, म्यूजी एक्सेलेरेशन क्या होता है, म्यूजी एक्सेलेरेशन क्या होता है, कहीं तो लिखा था मैंने एक्सेलेरेशन क्या होता है, म्यूजी। ये देखो कोई भी एक्सेलेरेशन पूछ रहा है म्यूजी लिख दो, ठीक, सॉल्व करने पे म्यूजी ही आता है। हमारा 38 हो गया, 38 का 0.4, ठीक। 38 देखो, फिर तुमको बोला था ना एक्सेलेरेशन जब आगे लगेगा, सूडो फोर्स पीछे लगेगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। देखो अभी तुरंत समझ जाओगे, नीचे लगेगा एम जी, ऊपर लगेगा फ्रिक्शन, ये इधर है तो नॉर्मल लगेगा इधर, और तुम इधर जा रहे हो तो फिर इसका ये भी लगेगा क्या, फोर्स लगेगा इधर, सूडो फोर्स, ठीक। कह रहा है कि एक्सेलेरेशन अल्फा बता दो काट का, कि ताकि वो रुके, मतलब वो गिरे ना, एक्सेलेरेशन बता दो अल्फा ताकि वो गिरे ना। वो कब नहीं गिरेगा, जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा mg से, तभी तो नहीं गिरेगा। मान लो mg ज्यादा होगी, 10 न्यूटन हो गई, फ्रिक्शन लगा रहा है 8 न्यूटन, नीचे गिर जाएगा ना। यानी फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg होना चाहिए, फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू इंटू एन, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। अब नॉर्मल रिएक्शन कितना है बताओ, नॉर्मल रिएक्शन कितना है बताओ, मास इंटू एक्सेलेरेशन। ये देखो ये यहाँ पर bd थोड़ा दिक्कत हुई, bd m अल्फा इधर लगेगा, m इंटू एक्सेलेरेशन इधर लगेगा और नॉर्मल लगेगा इधर। अरे बाबू ये टच कर रहा है ना, तो नॉर्मल लग गया इधर, और तुम अल्फा से इधर जा रहे हो तो सूडो फोर्स लगेगा एम अल्फा इधर। कितनी बार बताऊं सूडो फोर्स इधर लगता है, उल्टा लगता है, तो ये नॉर्मल किसके बराबर हो गया, एम इंटू अल्फा के, तो ये हो जाएगा एम जी, एम से एम काट दो, म्यू इंटू अल्फा इज इक्वल टू ग्रेटर देन जी हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल जी अपन म्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो कितना आसान सर क्वेश्चन है, बस हमें दिक्कत ये हो जाती है कि हमें पता नहीं होता, ठीक है, हमें क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने का तरीका नहीं मालूम होता, हम वहीं पे गलती करके चले जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें दिख गई होगी चीज़ें कि मैंने कैसे सॉल्व किया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है, देखने में छोटा लगत घात कर गंभीर, ठीक। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारे फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेंगे, लेकिन देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सुपर स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस दिया है इसके इसके बीच में, मास 2 kg का, कितना ये मास हो कि ये दोनों ब्लॉक मूव ही ना करें, कितना है मास हो कि दोनों ब्लॉक मूव ना करें। तो मुझे एक चीज बस, तुम एक चीज बस मुझे बताना, एक्सेलेरेशन की वैल्यू मैंने तुम्हें क्या बताई थी, एक्सेलेरेशन क्या होता था, ऊपर चाहिए ना आंसर, एक्सेलेरेशन इज ग्रेटर देन जी वाई, एक्सेलेरेशन इज ग्रेटर देन जी वाई एक्सेलेरेशन अल्फा इज ग्रेटर देन जी, ग्रेटर देन इक्वल टू जी वाई म्यू सही, ठीक है। चलो अब कह रहा है मूव ही ना करे, तुम मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसके सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दूं तो क्या मूव करेगा, कहोगे नहीं करेगा। तो मैं तुमसे एक चीज बस पूछूंगा, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, इसका टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा मुझे बताओ। तुम कहोगे भैया एफ अपॉन मास, इसमें देखो इसमें अगर टेंशन है टी, ये नीचे हमारा एम जी, ये अगर टी है तो यहां पर भी टी होगा, ये टेंशन कितना होगा मुझे बताओ, ये टेंशन कैसे निकालोगे। तुमको भैया जितना इसमें टेंशन लगेगा उतना इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, तभी तो होगा भैया, टेंशन आगे जा रहा फ्रिक्शन पीछे रुक रहा होगा, तो फ्रिक्शन कितना होगा। तुमको भैया म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू एम जी, म्यू दिया भैया 0.2, मास दिया है 2 × 10, ये हो जाएगा 4 न्यूटन, यानी 4 न्यूटन का टेंशन भी लग रहा है, 4 न्यूटन का टेंशन इधर भी लग रहा है, ठीक। अब कह रहा है कि दोनों ब्लॉक मूव ही ना करें, दोनों ब्लॉक क्या करें, मूव ना करें। तो अगर मैं इस पे लगा दूं कि ब्लॉक ना मूव ना करे, तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, एम जी माइनस टी इक्वल टू मास, इसका मास मान लो एम, इसका मान लो मैंने मास एम माना ना, तो एम जी माइनस टी इंटू मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब कहो भाई एक्सेलेरेशन कहाँ से निकालो बताओ, एक्सेलेरेशन होता है एफ नेट अपॉन एम नेट,
एमिनेट क्या हो जाएगा, 2+m हो जाएगा। अब एफिनेट कहाँ से निकालोगे, एफिनेट हमारा नीचे लग रहा है mg, माइनस ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है, ये फ्रिक्शन कितना उसको अपोज कर रहा है बाबू, 4। क्वेश्चन देखो घुमा रहा है तुमको, वहीं वहीं पे घुमा रहा है। इसके कई सारे मेथड है सॉल्व करने के, लेकिन मेरा मेथड सिंपल सा है, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपन मास इक्वल टू एक्सीलरेशन। मैंने एक्सीलरेशन निकाला तो मैंने कहा एफ नेट माइनस मास, यानी कि चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। चलाने वाला फोर्स कितना है एम जी, नीचे की तरफ चलाना चाहेगा उसको। रोकने वाला फोर्स कितना है फ्रिक्शन, इसको कौन रोक रहा, फ्रिक्शन। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, कल मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन 2-3 बार कराया था, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो यहाँ पे हम लोग दो से मतलब घटाते ही नहीं भाई, एम जी लगाते नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो वो रोकेगा ही नहीं, तो रोकने वाला रहेगा ही नहीं। तो वहां पर हो जाता है एम जी अपन नेट मास, लेकिन यहाँ पर रोक रहा है, रोक रहा है यानी कि फ्रिक्शन है तो रोक रहा है, तो हो जाएगा म्यू जी, कितना हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन हमारा क्या 4 न्यूटन। चलाने वाला एम जी माइनस 4.2+m, टोटल मास हो गया। अब हमको बस यही पुट कर देना है, इधर रहेगा एम जी, अगर मान लो एक्सीलरेशन 0 नहीं होता तो नीचे ही तो भागता हो, तो वही चीज मैं लिख रहा हूँ एम जी माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एम जी माइनस टी हमारा 4 न्यूटन, मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया एम जी माइनस 4/2+m। इसके क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अपने बेसिक चीज पे क्लियर हो, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, अपन टोटल मास यहीं से सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा एम जी माइनस 4 इज इक्वल टू एम स्क्वायर जी माइनस 4m। कोई दिक्कत, ये अपन 2+m से और मल्टीप्लाई कर दो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2mg माइनस 8+m स्क्वायर जी माइनस 4m इज इक्वल टू एम स्क्वायर जी माइनस 4m, माइनस 4m माइनस 4m खत्म, m स्क्वायर जी खत्म, 2mg इज इक्वल टू 8, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 8/2 × g, ये 2 से 4 में कटेगा 4/g, 0.4 आ जाएगा इसका आंसर, 0.4 kg। 41 का 0.4 kg सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको बस अपना कॉन्सेप्ट मालूम था, हमने उस कॉन्सेप्ट को लगा के सॉल्व किया, कम से कम 2 से 3 बार उसको जरूर रिवाइज करना। ठीक, आ जाओ, चाहूँ तो मैं क्वेश्चन तुम्हें दे दूँ सब होमवर्क के लिए, लेकिन मैं करा रहा हूँ क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ा सा तगड़ा टॉपिक है, लोग इसमें पता नहीं क्यों गलती कर देते हैं, इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है एक ब्लॉक है, मास इसका है 10 kg। ठीक है, ये मान लो ब्लॉक है कोई 10 kg है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे म्यू का वैल्यू 0.5 है, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे 100 न्यूटन का लग रहा है तो बताओ एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक तुम्हें बताने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लगाओगे तो तुम कर दोगे भैया, फोर्स इक्वल टू कितना, मास हमारा 10 kg, एक्सीलरेशन इतना नहीं है 100 न्यूटन है, एक्सीलरेशन हो जाएगा 10 m/s². तो मैं तुम जगाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 42 का तुम पास माइनस में 5 नंबर लेके चले आओगे, क्योंकि 42 का आंसर होगा नहीं, क्योंकि तुम डायरेक्ट कोई भी चीज़ नहीं लगा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट कोई भी चीज़ लगा नहीं सकते हो, 42 का आंसर दिया है 5 m/s². ठीक है, अरे तुम डायरेक्ट अगर लगा रहे हो फोर्स इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन तो इस म्यू का क्या काम, इस फ्रिक्शन का क्या काम भाऊ, इस फ्रिक्शन का भी तो कुछ ना कुछ काम होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरी चौथी बार फिर वही चीज समझाने जा रहा हूँ तुम्हें, पहले निकालो फ्रिक्शन, कहोगे म्यू इंटू एम एन जी, तो म्यू कितना दिया है 0.5 × 10 × 10, ये आ गया 50, और फोर्स अप्लाइड कितना है, फोर्स अप्लाइड कितना है 100 न्यूटन, तो मैंने देखा फोर्स अप्लाइड 100 न्यूटन है, fs म्यू fs हमारा 50 है, तो अब तुमको लगाना पड़ेगा मास इंटू एक्सीलरेशन, तो बता दो सिंपल सी बात है। अब कोई इसमें ज्ञान क्या देगा पता है, कोई ज्ञान क्या देगा, कहेगा भैया ये 50 है ये 100 है तो 50-50 हो जाएगा, ले मुन्ना जब fs ज़्यादा होता है अप्लाइड से तब जो होता है वो बराबर होता है, यहाँ पे f अप्लाइड ज़्यादा हो गया fs से, तो तुम बना दो fbd इसका, छोटा सा क्वेश्चन देखो कितना तामझाम करे, 100 न्यूटन इधर पीछे लग रहा है 50 न्यूटन। ठीक है, अब इसका निकाल दो एक्सीलरेशन क्या होता है, एनेट क्या होता है, चलाने वाला कितना है 100 है, रुकने वाला कितना है 50 है, टोटल मास कितना है 10 है, 100 - 50 = 10 कितना होगा 5 m/s, ये इसका आंसर होगा। आई थिंक 5वीं 6वीं बार क्वेश्चन तुम्हें समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये गलती बहुत बार मुझसे होती थी, इसलिए मैं बार बार इस पर एम्फसाइज कर रहा हूँ, मैं भी लास्ट में जाकर डायरेक्ट कर देता था, लेकिन पहले चेक करना होता है एफ कितना है, फ्रिक्शन कितना है, एफएस मैक्सिमम कितना है और फोर्स अप्लाइड कितना है, तब जाकर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे लिए रहेगा होमवर्क का क्वेश्चन, ये तुम करके आओगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा तुम करके लाओगे। ठीक, चलो देखो एक बार और सिखाता हूँ, चलो कह रहा हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ट्रक ए ब्लॉक का मास 1 kg, कह रहा है ट्रक है उस पर 1 kg का मास रखा गया जिसका म्यू का वैल्यू 0.6 है, ट्रक इज मूविंग विद एक्सीलरेशन ऑफ 5 m,
ट्रक का एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कह रहा फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। फ्रिक्शन फोर्स का होगा भैया म्यू इंटू एम जी होगा, म्यू दिया भैया 0.6 है, मास 1 × 10 ये 6 न्यूटन होगा भैया, 6 न्यूटन में मार दूंगा। तो फिर कहूंगा -5 नंबर लेके चले आओगे, क्योंकि तुमने फोर्स चेक ही नहीं किया फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स लगेगा मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स है 1 kg, मास है 1 kg, एक्सीलरेशन है 5 न्यूटन। तुमने देखा एफ ज्यादा हो गया फोर्स से, यानी कि 5 ही न्यूटन का फोर्स लगेगा, 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, 6 न्यूटन का नहीं लगेगा। सातवीं आठवीं बार करा चुका हूँ, इस बार गलती करोगे तो तुम्हारी गलती होगी, मेरी गलती नहीं होगी। कह रहा है एक ब्लॉक है बिन 5 न्यूटन होगा ना भाई, चेक कर लेता हूँ यार। ऐसे कोने कोने लिखा पता हूँ, मिलता नहीं है। हाँ ठीक है, 5 न्यूटन कह रहा है। ब्लॉक है इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया गया, स्लाइड डाउन द एंगल कांस्टेंट स्पीड, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, किसी का भी काइनेटिक फ्रिक्शन पूछे, एमयूएस पूछे, टेन थीटा तो बराबर होता था, अभी तो बताया था। कंसीडर ए कार मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, स्पीड कितना बताओ, 72 किलोमीटर पर आवर। देखो सब कुछ मीटर में दिया, पहले उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 72 × 5 = 18 करते हैं ना, तो 18 × 2 = 36 = 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हुई। कह रहा है म्यू का वैल्यू है 0.5, स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है कितना में वो स्टॉप हो जाएगी, तो इसको B0² / 2μg होता है, B0² कितना हो गया 20 × 20 / 2 × μ का वैल्यू 0.1 × 10 यानी कि 400/10 यानी कि 40 मीटर। 45 का B ठीक है। ये 78 लो तुम करो यार, सब मैं ही करा दूँ तुम क्या करोगे फिर, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। ये होमवर्क है 2023 का भी, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इतना पढ़ाने के बाद मुझे आशा है कि तुम ये क्वेश्चन कर ले जाओगे ठीक है। और ये भी तुम्हारा 47 भी तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, कितना फ्रिक्शन होगा इंक्लाइन प्लेन के बीच में। एंगल दिया है देख लेना, देख लो क्या दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट इंक्लाइंड 45 डिग्री इंक्लाइनेशन पे ट्वाइस द टाइम इट टेक्स टू स्लाइड इन द सेम डिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि अगर स्मूथ पे उसको टाइम टी लग रहा था, रफ पे उसको टाइम 2t लग रहा था, तो म्यू बता दो, म्यू का वैल्यू होता 1 - 1/n², ये तो बताया था मैंने, एन का वैल्यू क्या होगा 2 गुना हो गया ना, तो एन का वैल्यू कितना हुआ 2 हो गया, तो 1 - 1/4 3/4 4 × 3 = 4 यानी कि 0.75 होना चाहिए, 47 का 0.75 होना चाहिए, एक बार आप लोग मिला लीजिएगा ठीक है। तो ये फ्रिक्शन भी हमारा हो गया कम्प्लीट। कल हम लोग करेंगे 3 टॉपिक, तो कल है संडे, तो मैं कल कराऊंगा आपको पावर भी पूरा करा दूंगा ठीक है, कल कराऊंगा पावर ठीक है, इलास्टिक कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम और सेंटर ऑफ मास अगले दिन होगा 2 टॉपिक। अब 2-2, 3-3 टॉपिक ही हम लोग डील करेंगे ठीक है। मैंने सोचा है कि 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा एक टॉपिक का, और 10 से 15 क्वेश्चन आपको दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा इलास्टिक कोलिजन इन 1D, मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया ना, तो इसमें 10 क्वेश्चन से ज्यादा बन भी नहीं पाएंगे, तो 10 तरह के क्वेश्चन करा दूंगा, और 10 उसी तरह के क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे दूंगा, मतलब SW में, उससे ज्यादा क्वेश्चन बन भी नहीं पाएंगे ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ मास है, एक ही फॉर्मूला m1 x1 + m2 x2 / m1 x1 + x2, या एक्सीलरेशन पूछा था m1 a1 + m2 a2, पूरा मतलब एक ही फॉर्मूला है, तो उससे कितना क्वेश्चन करो भाई, 5 क्वेश्चन कर लो, समझ रहे। तो करो, फिर मिलते हैं कल, क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए होंगे, जो जो क्वेश्चन ओवर में दिया हूँ तो नीचे लिख देना। काम चोरी मत करना, पूरे साल काम चोरी अगर की हो अब तो मत करो ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल वाले वीडियो में।